हेलो 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 माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल TMK स्पोर्ट्स। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त TMK। आ चुके हैं आज भी, जी हाँ दोस्तों, आज भी आ चुके हैं एक और नए स्ट्रीम लेके, एक और नए स्ट्रीम के साथ आज आए हैं। और आप सभी लोगों को जो है स्वागत करते हैं आज की इस स्ट्रीम पे। आज थोड़ा सा लेट हुए हैं दोस्तों, तो इसलिए जो है माफ़ी चाह लेते हैं आप सभी लोगों से, क्योंकि आज एग्ज़ाम दे के आए हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है, वक्त बहुत ज़्यादा गया है उसमें। और दूसरे साइड में कुछ इशू चल रहा था, इसीलिए 8:30 बजे के करीब जो है आने का मन था, लेकिन हम 8:30 बजे जो है आ नहीं पाए, तो 9 बजे के करीब आ चुके हैं, 9 बजे के करीब आ चुके हैं। आज थोड़ा सा लेट है तो पहले से ही जो है थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम से ऐसा लेट तो कभी नहीं होने वाला है। और दूसरे साइड में देखा जाए तो रूम आईडी पे अभी क्रिएट होने वाला है, जस्ट मिनट दोस्तों, रूम आईडी पे अभी क्रिएट होने वाला है, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा ताकि रूम आईडी पे जल्द से जल्द क्रिएट हो जाए और आप सभी लोगों को जो है आज की इस मैच का आनंद दे पाए। तो आज बहुत सारे चीज़ जो है आप सभी लोगों के लिए हम कुछ करेक्शन करने की कोशिश किए हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आपके कमेंट का जवाब जो है खुद ब खुद आता हुआ चैट में। तो हमारे जो है हमारे तरफ का एक हमारे नाम से ही आपको कमेंट का रिप्लाई आ रहा होगा, आप लोग देख चुके होंगे। भाईजान शरीर खराब ना कि लाइव आसते देरी हलो, शरीर खराब तो अवश्य ही, शरीर खराबटा नय, ठीक एकटू क्लान्त आछि दादा, केनना अनेक दूरे गेछिलाम सेई सकाल बेला, सकाल 7টার দিকে বাড়ি থেকে বার হয়েছি আর 7:30টা সন্ধ্যা বাড়িতে ফিরেছি। দুপুর বেলা কোনো খাওয়া দাওয়া কিছুই ছিল না, তার শর্তে একটু কষ্ট তো হচ্ছেই, বাট যত কষ্টই হোক না কেন তোমাদের ভালোবাসাতে আমাদের চ্যানেলটা এত দূরে এগিয়েছে, তার জন্য সবাইকে খুবই খুবই ধন্যবাদ। এবং তোমাদের সাথে আমরা চলেও এসেছি আবার একটা নতুন স্ট্রিম নিয়ে। তো সবাই কেমন আছো একটু অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করে জানাবে, এবং সবার কমেন্টের রিপ্লাই আমি দেওয়ার চেষ্টা করব। বাট তোমরা এই যে নতুন একটা সিস্টেম তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, যে প্রথম প্রথমবারই আমাদের স্ট্রিমে আসছে আমাদের তরফ থেকে তাকে জিজ্ঞাসা করো হচ্ছে যে চাই লোগে ইয়া কফি, তো আপ ইয়ার থোড়া সা হালকা সা চাই ইয়া কুছ লিখ কে দেখিয়ে कि भाई हम चाय लेने वाले हैं या सिर्फ कॉफ़ी लिखिए, देखिए चाय या सिर्फ कॉफ़ी लिखिए क्या जवाब देते हैं। एक चीज़, एक नए चीज़ देखिए दादा, कॉइन एक बार देखते पाबो तो एक जिनिस नतून वेबसाइट दादा, पुरानो जो वेबसाइटे तुम्हारे हमें कॉइन दीतम से वेबसाइटा नय এটা ভালো হয়নি সিস্টেমটা, কেন তোমাদের নিজস্ব নাম ধরে আমাদের চ্যানেলের তরফ থেকে ওয়েলকাম জানানো হচ্ছে। দেখে হ্যাঁ হ্যাঁ ইয়ে চিজ দেখে হ্যাঁ এ দেখিয়ে আপকি আপকি নাম কাজ হ্যাঁ দেখিয়ে ওকে। আজ সে যো হ্যাঁ খুদকি তরফ সে যো হ্যাঁ আপকো কই ওয়েলকাম দেনে বালে হ্যাঁ নাহি, হামারে নাম কা কই চ্যাট বট আকে হি আপকো যো হ্যাঁ ওয়েলকাম দেনে বালে হ্যাঁ। এক চিজ ইসমে এক অর চিজ হাম অ্যাড করেঙ্গে, এক অর চিজ জো লিখা হুয়া হ্যায় তো যাও যাকে খুদ বানা কে পি লেনা আর হামে ভি থোড়া সা দে দেনা, তো ইসমে এক চিজ অর অ্যাড করেঙ্গে, আপকি নাম জো হ্যায় উসমে অ্যাড কর দেঙ্গে তাকি আপকে নাম সে জো হ্যায় বো আপকো বুলা পায়। और एक चीज़ आप जो है एक्सक्लेमेशन कॉइन करके एक बार कमेंट करके देखिए, एक्सक्लेमेशन कॉइन एक्सक्लेमेशन कॉइन करके एक बार जो है कमेंट करके देखिए क्या कुछ देता है कि नहीं। दूसरे साइड में रूम आईडी पे अभी क्रिएट होने वाला है दादा, वह लिस्ट बनाते प्रॉब्लम हो गई, लिस्ट खूब ताड़ाताड़ी एक टू होले होते पारे बट जो भी हो খুব তাড়াতাড়ি সম্ভবত আমরা কয়েন প্রিডিকশানের ব্যাপারটা তুলে দেব, কেননা আমি তোমাদের জন্য একটা জিনিস ভেবেছি, তোমরা স্ট্রিমটা দেখায় যেটা তোমরা প্রিডিকশান করে আর্নিং করো সেটা তোমরা স্ট্রিম দেখাতে, পার মিনিটে আমরা তোমাদের 5 কয়েন নেই ওয়েসা নেই মেরে ভাই এসা দেখিয়ে হম একবার আপকো দিখা কে দেতে হ্যাঁ এসে এসে ইয়ে চিজ একবার দেখিয়ে
कॉइन्स शायद, ये देखिए, हाँ ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे लिखिए। देखिए हमारे तरफ से हमने एक मैसेज छोड़े हैं, एक्सक्लेमेशन कॉइन्स करके जो छोड़े हैं, तो हमारे नाम का एक बैलेंस शीट दिखा दिया है। शायद आज आप सभी के बैलेंस शीट पे 0 कॉइन दिखाने वाले हैं, क्योंकि नया साइट है, पुराने साइट का नोट तो हमारे पास है ही है। सैन्यून की बोल से दादा, हाँ देखे थी हाँ, ऐसे 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 ये चीज़, बस स्पेस नहीं देना है। जॉर्ड यम्पी किंग ने लिखा है, तो उनके कमेंट का जवाब अभी आने वाला है, थोड़ा सा वेट कीजिए। सभी के कमेंट का जवाब अभी आ जाएंगे, आ जाएंगे। तो इसी के साथ रूम आईडीपी क्रिएट होने वाला है, और सभी लोग बताइए यार, आपको जो है ये चीज़ कैसा लगा, ये चीज़ कैसा लगा आपको। अरे यार, हमारे नाम का तो दे दिए है, लेकिन आप लोगों के जो है नाम का जो शो क्यों नहीं हो रहा है। जॉर्ड यम्पी किंग, योर पॉइंट बैलेंस इज 7। ये देखिए आपके जॉर्ड यम्पी किंग का कॉइन बैलेंस जो है शो करा दिए है। ऐसे ऐसे सभी के कॉइन का जो है, हाँ अभी आने वाला है, ये देखिए सैन्यूल का जो है बैलेंस शीट दिखा दिए है। तो आज सभी के बैलेंस शीट पे जो है 0 कॉइन दिखाने वाले हैं, या 0 से ही स्टार्ट होने वाले, क्योंकि नया साइट है। तो नेक्स्ट टाइम से जब कंप्लीट हो जाएंगे पूरा का पूरा, तो सभी के पुराने खाते में जितना सारा कॉइन्स है वो सब हम ऐड कर देंगे, वो सब हम इस खाते में भी ऐड करेंगे, या वो ही खाता। अरे दादा अमर कॉइन 13, हाँ वो बात हम कह रहे थे कि आज जो है नया साइट है, तो वो पुराने साइट को इसी के साथ हम अटैच करने की कोशिश करेंगे, अटैच करने की कोशिश करेंगे। अगर अटैच हो जाता है तो मान लीजिए वो पुराना कॉइन ही जो है आपकी इस खाते में आ जाएंगे। और भाई हिंदी पर पूरा बात करो भाई, हाँ स्टाइलिश मेरे भाई, हम हिंदी पर ही बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और बंगाली में कभी कभी कॉल जुबार ब्रो, खाजार भाई गेमर, यार आप क्या कह रहे हैं, वैसा नहीं फिनिक्स, वैसा नहीं जो हमने कमेंट किया है। देखिए सभी सभी भाइयों ने कमेंट किए हैं, वैसे कमेंट कीजिए तो आपका जो है दे देगा। हाँ, वेलकम जी हाँ, सभी लोगों को फिर हमारे तरफ से ही वेलकम आने वाले हैं, हमारे बॉट के तरफ से ये नई चीज़ आगे कॉइनटा की हमें बोलो সেটা আমি কালকে দাদা চেষ্টা করব। আজকে আমি সারা দিন যেহেতু বাড়িতে ছিলাম না, তার জন্য আমি চেষ্টা করার কোনো টাইমই পাইনি। তো কালকে কালকে আমি সেই বিষয়টা নিয়ে টেস্ট করে, সেই পুরনো যে পেজের কয়েনের সিস্টেমটা আছে, সেই সিস্টেমটা আমি এই নতুন সিস্টেমের সাথে অ্যাটাচ করে দেওয়ার একটা চেষ্টা নেব। मैं और स्टाइलिश साइट से ही है भाई। अच्छा, ओके ओके, तो अटैच करने की कोशिश कर देंगे। अगर अटैच हो जाता है तो बेहतर, नहीं तो आप सभी के खाते में ऐसे ही वो पुराने खाते का कॉइन हम देख देख के इस खाते में हम ऐड कर देंगे। ओके, टेंशन नहीं लेने का ब्रो, टेंशन नहीं लेने का। तो इसमें बहुत सारे चीज़ जो है हमें जानना बाकी है, और पुराने खाता भी चालू है दोस्तों, पुराना खाता भी चालू है, उसमें भी कॉइन ऐड होते रहेंगे, दोनों मिला के हम ऐड कर देंगे। तो इस सिस्टम के बारे में, हम कल पूरा का पूरा जो है जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। यूनिक ट्यून वेलकम टू स्ट्रीम, वो तो आपको दे दिया गया है। एक्सक्लेमेशन बस एक बार ही देनी है, एक बार देने के बाद कॉइन्स लिखनी है बस वही। राकेश कुमार वेलकम टू स्ट्रीम, वो तो वहाँ से दे दे। सुकोना का मैच कब होगा ये तो हमें नहीं मालूम मेरे भाई, बस रूम आईडीपी आ चुका है, रूम आईडीपी आ चुका है, सबसे पहला रूम आईडीपी, तो उसमें हम तुरंत रूम आईडीपी टाइप करेंगे। लेकिन आप लोगों को सबसे पहले आज की इस मैच का लिस्ट हम आप लोगों को शो कराने वाले हैं, आज की इस मैच का लिस्ट अभी आप लोगों के सामने आने वाले, थोड़ा सा वेट कीजिएगा दोस्तों। आज पहले से ही लेट हो चुका है, आज हम आप लोगों के साथ बहुत देर तक रहने वाले हैं, नए नए चीज़ बहुत सारे हम इन्वेंट करने की कोशिश थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं, ताकि हमारे लाइव स्ट्रीम जो है और भी जो है थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, लाइक ए प्रो तरफ का जो है लाइव स्ट्रीम हो पाए, तो ये चीज़ की हम कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज के इस टूर्नामेंट का लिस्ट आप लोगों के सामने हो चुका सामने शो हो चुका है, जिसमें पहला मैच होने वाला है अभिजीत FF वर्सेस तुंता स्पोर्ट्स के बीच पहला मैच, दूसरा मैच होने वाला है पाखीराला वर्सेस बैकअप फोर्स, तीसरा मैच होने वाला है बैकअप शोमेन वर्सेस टीम वाईफाई, चौथा मैच होने वाला है प्रिंस तुहिन वर्सेस आरिफ गेमिंग। ये चार टीमों के, ये 8 टीमों के बीच आज का मैच होने वाला है। तो आप सभी लोग जो है शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, अगर पहली बार आए हैं
तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और बहुत जल्दी शायद दोस्तों कॉइन प्रिडिक्शन का मामला बंद भी हो सकता है, क्योंकि यार ये चीज़ में दिक्कतें बहुत पैदा होती है। तो हम सोच रहे थे कि वो चीज़ को हटा के हम ऐसा एक ला देंगे कि आप हर एक मिनट के बाद आपके खाते में 5 या 10 कॉइन करके हम दे देंगे, कि हर मिनट पे आपके खाते में 10 कॉइन करके ऐड हो। ओके तो पहले मैच का रूम आईडीपी सबसे पहले टाइप करेंगे, फिर आप लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। जैसे थोड़ा सा वेट कीजिएगा, पहले मैच का रूम आईडीपी अभी टाइप कर लेते हैं, पहले मैच का रूम आईडीपी टाइप कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। चलो दोस्तों आप सभी लोगों के सामने अभी आ चुका है पहले मैच का रूम आईडीपी। और ओके भाई अमर कॉइन कत तो आज सूरज शेख दादा आज के नतून सिस्टम पुरानो खाताटा तो आर नहीं, तो एखाने तुम्ही नतून सिस्टमे जदि कॉइन जानते चाओ तो यही कमेंटा तुम्ही टाइप करो, यही कमेंटा एटा এইটা টাইপ করো, তুমি জানতে পারবে যে তোমার খাতাতে কত কয়েন আছে। আমি যেটা লিখলাম দাদা এইটা তুমি টাইপ করো, তুমি জানতে পারবে। সোহেল হ্যালো দাদা কেমন আছো বলো, আমি ভালো আছি দাদা তুমি কেমন আছো। শানিউল ইজ মেন বট দাদা, সুকুনা কা ডিভাইস কোন সে, রাজেশ কুমার দাদা সুকুনা ডিভাইস মানে কি ডিভাইস এখনো আমার জিজ্ঞাসা করা হয়নি। যা দাদা হমে নেই মালুম ইয়ার সুকুনা কা ডিভাইস কোন সা হো, ইয়ে দেখিয়ে आपके खाते में कितना कॉइन है वो शो हो चुका है। ओके हेलो राहुल से क्या तू लेट, अमी एक टू लेट हुए थी तार जोनो अनेक काज छिलो से जोनो अमी एक टू लेट ही आया थी। ओके नया सिस्टम है दोस्तों, तो इसमें नए तरीके का कॉइन मतलब आज ही शुरू हुआ है, सारे के सारे कॉइन शुरुआत से ही आपके खाते में इतना सारा कॉइन ऐड हो गया है, और वो जो पुराने खाते में जितना सारा कॉइन है वो सभी चीज़ जो है आपके खाते में आ जाएंगे। एक मिनट, इतने इतने प्लेयर क्यों आ रहे हैं यार, इतने इतने प्लेयर क्यों आ रहे हैं, 2v2 का था ना, 2v2 का था ना, एक मिनट यार। রাজিবুল শেখ আমি ভালো আছি দাদা তুমি কেমন আছো। ওকে রাজেশ কুমার দেখি ইয়ে আপকে পয়েন্ট ভি শো হো চুকা হ্যাঁ, আপ জো হ্যাঁ আপ খুদকে কয়েন আপ খুদ হি জান পায়েঙ্গে, বস পুরানা কয়েন জিতনা সারা হ্যায় এরকম সিস্টেম চালু হয়েছে। হ্যাঁ চালু হয়েছে দাদা, চালু হয়েছে, চালু করেছি খুবই কষ্টে, এবং চেষ্টা করব আরও কিছু কিছু নতুন নতুন ইউনিক জিনিস সেগুলো আমরা তোমাদেরকে দেওয়ার জন্য। আর প্রিডিকশানের ব্যাপারটা দাদা, প্রিডিকশানের ব্যাপারটা খুব তাড়াতাড়ি আমরা তুলে নিতে চলেছি, এবং তোমাদের প্রত্যেক মিনিটে আমরা 10টা করে কয়েন দেব, প্রত্যেক মিনিটে 10টা করে কয়েন দেব কালকে থেকে সেটা অ্যাক্টিভ। আর প্রিডিকশানটা দাদা করলে এখন যেহেতু আমাদের নিজস্ব, যেহেতু আমাদের টিএমকে স্পোর্টসের নামেই মিস্টার টিএমকের নামেই তোমাদের প্রত্যেকটা কমেন্টের রিপ্লাই আসছে, তো সেই কারণে প্রিডিকশন লিস্ট বানাতে খুবই সমস্যাদায়ক একটা হয়ে উঠবে, যার জন্য তোমরা যেহেতু কয়েন যাতে কমতি না হয় প্রত্যেক মিনিটে 10টা করে কয়েন, মানে ভাবতে পারছো পার ডে তোমরা কতটা করে কয়েন গেইন করতে পারবে। পার ডে মাইনাস হবারও কোনো কথা নেই, প্লাস হবারও কোনো কথা নেই, যেহেতু আমরা আমাদের চ্যানেলটাকে 1K কমপ্লিট তোমাদের ভালোবাসায় করতে পেরেছি, তার জন্য এই সিস্টেমটা আমরা ইজাদ করেছি, যাতে তোমাদের খাতা থেকে না কোনো কয়েন কাটা হয়, অনলি ফর কয়েন শুধু অ্যাড হতে থাকে। ব্যাস তো প্রত্যেক মিনিটে 5টা কি 10টা করে কয়েন, এটা আমি কালকে থেকেই সিস্টেমটা করে দেব। আর প্রিডিকশানটা দাদা তোমরা বন্ধ রাখো, ওতে অনেকটাই সমস্যা হয় এবং আমাকে অনেকটাই পরিশ্রম করতে হয়, আর আজকে বিশেষ করে আমি পরিশ্রমের মুডে একদমই নেই, কেননা আজকে আমার শরীরটা খুবই ক্লান্ত, আজকে আমার শরীরটা খুবই ক্লান্ত। অলরেডি সেই সকাল 7টা থেকে আমি বাড়ি থেকে বার হয়েছিলাম, আর সন্ধ্যা 7:30টাতে আমি বাড়ি ফিরেছি, শুধুমাত্র কোনো রকমে খাওয়া দাওয়া করেই
এই টুর্নামেন্টটা করছে। আজ দাদা আজ 4v4 না দাদা, গত কালকে যে খেলাটা হবার কথা ছিল, সেই খেলাটাই আজকে হবে দাদা। তা 2v2 দাদা, 2v2 এর ব্যবস্থাই করা ছিল। আর তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে যারা সর্বপ্রথম আসছে, প্রথম এসেই যারা মেসেজ করছে বা কিছু করছে, তাদেরকে আমাদের তরফ থেকে একটা মেসেজ যাচ্ছে, ওয়েলকাম মেসেজ, ওয়েলকাম এস কে মেহতাব, ইউ হ্যাভ বিন অ্যাওয়ার্ড এ সেম পয়েন্ট, ইউজ এক্সক্লেমেশন পয়েন্ট টু চেক ইউর ব্যালেন্স। এখানে বলেও দিচ্ছে যে তোমরা নিজেদের ব্যালেন্স চেক করতে চাইলে তোমরা এই এক্সক্লেমেশন পয়েন্টস বা কয়েন্স যেটা হোক তোমরা স্ট্রিমে দিয়ে দাও, তোমরা তোমাদের কয়েনটা দেখতে পাবে। এবং তারপরই পরপরই একটা মেসেজ শো হচ্ছে, জ্যালো এসকে মেহতাব ওয়েলকাম টু দ্য লাইভ স্ট্রিম, চাই লোগে ইয়া কফি। তো আপ লোক জো হ্যায় ইয়াহাঁ পে চাই ইয়া কফি কুছ জো চাই ইয়া কফি কুছ, হ্যাঁ ইয়ে দেখে इसी के साथ मैसेज हो चुके हैं। यहाँ पे आप लोगों का नाम शो नहीं हो पा रहा है, बस यहाँ पे लिख दे जाओ, तो जाओ खुद बना के पी लो और थोड़ा मुझे भी दे देना। नेक्स्ट टाइम से यहाँ पे नाम डालने की भी कोशिश करेंगे ताकि आप सभी लोगों के नाम जो है यहाँ पे शो हो जाए। ये भी एक यूनिक सा चीज़ है, आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, ये एक सही चीज़ है कि नहीं है? बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि दादा मैसेज करते हैं लेकिन उनकी बातों का जवाब हम नहीं दे पाते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम ये चीज़ एक्टिव किए हैं ताकि आप लोग जो है इस चीज़ के साथ थोड़ा सा खेल पाए और ख़ुद ब खुद जो है आनंद ले पाए। कभी ऐसे चाय पूछिए, कभी कॉफ़ी पूछिए, कभी कॉइन के बारे में जानना हो तो खुद जान लीजिए। एक बेहतर चीज़ है कि नहीं है दोस्तों, कॉमेंट करके बताइएगा। सरीफुल और डॉन दीप आए हैं एक तरफ तुंता स्पोर्ट्स की तरफ से, दूसरे साइड में आए हैं इस बार देवा और पवित्रो, देवा और पवित्रो, देवा स्टाइलिश हाई रे, मतलब समझा नहीं रिप्लाई, ठीक है भालो हुए थे हाँ ओके। इसी के साथ दोनों के दोनों बंदे बहुत ज़्यादा डैमेज, देवा भी बहुत ज़्यादा डैमेज, पवित्रा भी बहुत ज़्यादा डैमेज। प्रिडिक्शन बंद है दादा, प्रिडिक्शन बंद कर दिए हैं हम आज से, प्रिडिक्शन बंद कर दिए है आपसे यार, क्योंकि प्रिडिक्शन में बहुत ज़्यादा तकलीफें आती है, बहुत ज़्यादा तकलीफें आती है, तो इसीलिए प्रिडिक्शन जो है हमने बंद कर दिए है दादा। अब जो है आप स्ट्रीम को देखते ही हर मिनट के बाद 5-5 कॉइन आपके खाते में ऐड हो, जहाँ पे 5 मिनट के बाद 5 होता था, आज से ही हर मिनट के बाद आपके खाते में 5 करके कॉइन ऐड हो जाएंगे, ठीक है, हर मिनट के बाद। ओके एक सेकेंड, हम वो उस चीज़ को भी हम ऐड करने की कोशिश कर देते हैं ताकि हर मिनट के बाद आपके खाते में 5-5 करके कॉइन ऐड हो जाए। उस चीज़ को कहाँ से सेट किया जाता है, एक सेकेंड यार, गेम देखते रहिए दोस्तों, गेम देखते रहिए, हम उस चीज़ पे ही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके ओके ठीक है, इस चीज़ पे और भी बहुत सारा काम बाकी है दोस्तों, वो सब काम जो है कंप्लीट कर देंगे। कॉमेडी कार्ड थी कमी भालो आची दादा, तुम्हें क्या मन आचो, स्टाइलिश वेलकम टू द स्ट्रीम। ओके शान देख रहे हैं आप सभी के खाते में ऐसे करके बहुत ज़्यादा कॉइन ऐड हो जाएंगे दोस्तों, और हम जो है पुराना खाता इसके साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों के खाते में बहुत ज़्यादा करके कॉइन ऐड होते रहे, हर मिनट के बाद आप लोगों के खाते में 5-5 करके कॉइन। दादा हमी आज के एंट्री केटे तुहिन शेख, धन्यवाद दादा एंट्री काटा जो, इसी के साथ दीप के द्वारा फिर से नॉक, लेकिन सरीफूल दीप नॉक हो चुके हैं, दीप नॉक हो चुके, पवित्र भी नॉक, देवा और सरीफूल 1v1 रिवाइव दे देंगे। हमारा देखा ना कॉइन्स, COINS डिस्ट्रॉयर, इसी के साथ डबल टेक डाउन देवा के द्वारा डबल टेक डाउन और एक एक से बराबरी। म्यूजिक बजा देते ताकि मजा आते रहे। टीम के भाई को सब लोग लाइक करो, हाँ स्टाइलिश, धन्यवाद दादा। ओके एक मिनट दोस्तों, म्यूजिक बजा देते ताकि गेम का
मज़ा बने रहे। म्यूजिक के साथ अगर गेम नहीं देखते हैं तो मज़ा नहीं आता है। और नए चीज़ बहुत सारे ईजाद किए हैं हम, तो इसमें दिक्कतें बहुत सारा आएंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके आप लोग जो है एडजस्ट करते रहिएगा, थोड़ा थोड़ा करके आप लोग एडजस्ट करते रहिएगा। और ये कॉइन का मामला आप लोगों के हाथ में हम सौंप दिए है। और प्रिडिक्शन तुनताई आलम भाई दादा 4v4 সম্ভবত দেখা যাক, কালকে আপাতত সম্ভবত 2v2 এর একটা আমি বিল আমি দেখেছি, 2v2 এর বিলও একটা আমি দেখেছি সম্ভবত, দেখি কি হয়। কালকে আমি একটা 2v2 এর বিল দেখেছি। यहाँ तो जितने सारे भाई लोग बने हुए हैं सभी लोगों को स्वागत है टीम की स्पोर्ट्स के आज की इस स्ट्रीम में। ए स्ट्रीम टा है भी तो ए सिस्टम टा है भी तो हाँ, तो प्रिडिक्शन को बंद किया जाता है दोस्तों आज से। आप सभी लोग जो है सनीउल आपके काम को कम कर दिए, आप स्ट्रीम देखने के हर एक मिनट के बाद आपके खाते में 5-5 करके कॉइन। ओके तुहिन शेख ठीक है भाई, तुम कब खेलते हैं? हम खेलते नहीं हैं दादा, हमें खेलने का वक्त ही नहीं मिलता है। देवा के द्वारा पवित्र को रिवाइव दे दिया जाएगा, लेकिन सारी फूल के द्वारा खत्म। और 2-1 से लीड, 2-1 से लीड लेते हुए ये राउंड तुनता स्पोर्ट्स के द्वारा लीड में लेके गया है। अमी आरिफ गेमिंग बोल सी दादा, हमारे खेलाटा एकदम लास्टे करे दिले केन? अच्छा तुम्हारे खेलाटा लास्टे करे दिए सेई जन्य तुम दुखित, तुम मैं चाय नहीं पीता बनाती पीता हूँ, बॉनवीटा पीता। अच्छा आप बॉनवीटा पीते हैं समीन दादा ओके आप बॉनवीटा पीते हैं, सही है, बॉनवीटा भी एक अच्छा चीज़ है जो ब्रेन का जो है विकास करते हैं, हमें भी पीनी चाहिए, हम भी पीना शुरू करेंगे बॉनवीटा। जहाँ तो जितने सारे भाई लोग बने हुए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और भी बहुत सारे नए नए चीज़ आप लोगों के लिए हम ईजाद करने वाले हैं। आप चैट में आके खुद ही जो है खेल पाएंगे गेम, चैट में आके आप गेम खेल पाएंगे। ऐसे ऐसे चीज़ों का हम ईजाद करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चैट में आप लोग सब हर वक्त एक्टिव रह पाए और भी मज़ा ले पाए। सिर्फ गेम देखने के अलावा चैट में भी बहुत सारे मज़ा आप लोग कर पाए, तो इस चीज़ के लिए बहुत सारे चीज़ों की ईजाद और भी करनी होगी, तो धीरे धीरे करके हम करने की कोशिश कर रहे हैं। देवा के द्वारा पहला नॉक। দাদা তুমি কি খেয়েছো? তুইন শেখ আমি দাদা ভাত খেয়ে আজকে স্ট্রিমটা করছি দাদা। এসি কে সাথ দো দো সে বরাবরি হো চুকা হ্যায় ধমাকে দা। জিতনে সারে ভাই লোক বনে হুয়ে হ্যায় লাইক জরুর কর দিজিয়েগা তাকি ইস স্ট্রিম কো জো হ্যায় সবি লোগো কে পাস শেয়ার হো যায় আর সবি লোক জো হ্যায় প্যার সে ইস মুকাবলা কো আনন্দ লে পায়। शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। भाई तुमको क्या लगती है कौन जीतेगा इसमें? फिलहाल तो दोनों के दोनों टीम सेम गेम दिखा रहा है, स्टाइलिश। देखने वाली बात होगी कि कौन सी टीम जीतेंगे, यही चीज़ देखने के लिए तो हम बैठे हुए हैं, देखते हैं कौन सी टीम जीतते हैं। और इसी के साथ देवा के ऊपर हमला, पवित्र भी पीछे से आए हैं सारी पुल के द्वारा एक नॉक, पवित्र पीछे से आके नॉक दिए हैं। और इसी के साथ हमला करेंगे ऊपर से हमला आएंगे, एक ही गोली का कौन, डॉनदीप 1v1 और इसी के साथ खत्म। गलती किए पवित्रा ने गलती किया, 3-2 से लीड लेते हुए ये मुकाबला तुनता स्पोर्ट्स। ओके बस जिम वेलकम टू आवर स्ट्रीम, चाय लोगे या कॉफी जिम? बैकअप शुभ्रो वेलकम टू आवर स्ट्रीम, कैसे है? ओके जी हाँ, फिलहाल और मुंह से जो है आपको वेलकम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हमारे जितने सारे मॉडरेटर भाई है उनको भी जो है कम काम थोड़ा सा कम हो गया है, बस यही अब आपका काम सिर्फ रह गया है स्ट्रीम को देखना और अपने कॉइन के बारे में जानना। और भी बहुत सारे चीज़ को लाएंगे, अगर आप लोग जानना चाहते हैं, अगर चाय पीना चाहते हैं तो कमेंट करके देखिए दोस्तों, चाय जादू देखिएगा। इसी के साथ पवित्र आगे बढ़ते, एक फिनिश किए है देवा का, 3 डॉनदीप का, 1 और सरीफूल को नॉक लिया, सरीफूल आके एक बंदे को फिर से नॉक। भाई तुम्हारा वॉइस ओपी है, लव यू, स्टाइलिश, धन्यवाद मेरे दादा, लव यू टू। कैसे है आप?
टीम के दादा, टीम के द लव ब्रो, हाँ 185 लव मेरे भाई, कैसे हैं आप, कैसे हैं? ओके, इसी के साथ धन्यवाद दादा, धन्यवाद। इसी के साथ आगे बढ़ते, देवा अकेले 1v2 का सिचुएशन है देवा के सामने, 1v2 देवा क्या क्लच कर पाएगा, आप लोगों को क्या लगता है देवा क्या 1v2 क्लच कर पाएगा? जी हाँ दोस्तों, जो 40 मेंबर हमारे स्ट्रीम पे बने हुए हैं, सभी लोगों को स्वागत है आज की इस स्ट्रीम में, आज की इस स्ट्रीम में सभी लोगों को स्वागत है। नए साइट का जो है यूज हम करना स्टार्ट किए हैं, तो इसमें बहुत सारे दिक्कतें भी आएंगे और मजा और भी आने वाले हैं दोस्तों, मजा और भी आने वाले हैं, तो बने रहिए और गेम का आनंद लेते रहिए। जिसको भी अपना कॉइन जानना हो चैट पे हाँ एक्सक्लेमेशन कॉइन्स लिखो, हाँ ये मॉडरेटर मॉडरेटर को काज दाओ ना, बोलो मॉडरेटर क्या ना, हाँ काज देवो दादा। इसी के साथ देवा के द्वारा डबल टेक डाउन और 3-3 से बराबरी, देवा के द्वारा डबल टेक डाउन और इसी के साथ 3-3 से बराबरी। दादा फ्री टूर्नामेंट कबे हबे सेटार विषय हमरा एखोनो मैनेजमेंट टीमेर साथे आलोचना करछि, एखोन एखोन दादा আমরা ম্যানেজমেন্ট টিম একটু ব্যস্ত আছে, তার জন্য আমরা সেই বিষয়টা ভালো করে এখনো ফিক্স করেনি, একটা ডেট খুবই তাড়াতাড়ি আমরা ডেটটাকে ফিক্স করে দেব। তোমরা যারা নতুন মেম্বার আসছো দাদা, চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে যাবে, কেননা আজ কাল কিছুদিন আগে দুদিন আগে আমাদের চ্যানেলটা 1K কমপ্লিট করেছে, দুদিন আগে আমাদের চ্যানেলটা 1K কমপ্লিট করেছে এবং তোমাদের অনেক ভালোবাসাতে আর আমরা চ্যানেলটা রিভিউতেও পাঠিয়েছিলাম, তোমাদের ভালোবাসাতে একদিনের মধ্যে আমাদের চ্যানেলটা রিভিউতে ফিরে এসেছে, ফার্স্ট রিভিউ কমপ্লিট করে ফেলেছি আমরা আর খুবই তাড়াতাড়ি আমরা দ্বিতীয় রিভিউতেও পাঠাবো, তার জন্য তোমাদের আরও একটু সাপোর্টের প্রয়োজন আছে, তো আরও একটু সাপোর্ট তোমরা অবশ্যই করে দেবে। টাকার সমস্যা ক্লিয়ার তো? হ্যাঁ দাদা, ওটা মডারেট আমরা ম্যানেজমেন্ট টিম ওটা দেখে নেবে, সমস্যা নেই। মডারেটরদের কোনো কাজ দাও না হলে মডারেটর কেন, দিয়ে দেবো, আমি চেষ্টা করছি মডারেটরদের জন্য কাজ আমরা বার করব দাদা, মডারেটরদের জন্য আমরা কাজ বার করব, সমস্যা নেই, সমস্যা নেই। তবে সম্ভবত বেশি মডারেটর আর আমাদের সাথে থাকতে পারবে না। এদিকে সাথ আগে বাড়তে হয়ে নক লে লেঙ্গে দীপ, দীপ আর সারি ফোন লে মিলকে চার তিন সে লিড তুনতা স্পোর্টস। জি হ্যাঁ দোস্ত, 4-3 সে লিড লে চুকে হ্যায় তুনতা স্পোর্টস কে টিম, ধমাকেদার ফিলহাল গেম দিখাতে হুয়ে। জেসে জেসে হামারে চ্যানেল আগে বড় রাহা হ্যায় দোস্ত, আপ লোগো কে কাম জো হ্যায় কম হোতা যা রাহা হ্যায় আর হামারে খুদ কি কাম জো হ্যায় বাড়তি যা রহি হ্যায়, ক্যুঙ্কি জেসে কি ইয়ে চিজ দেখিয়ে, নয়ে চিজ কো জো হাম ইজাদ কিয়ে হ্যায় ইসমে এক কাম তো হামসে দূর হুয়া হ্যায়, হর মিনিট কে বাদ আপকে খাতে মে 5-5 করকে কয়েন অ্যাড হোনে ওয়ালা, হর মিনিট কে বাদ आपको बस आज से आपको बस सिर्फ स्ट्रीम को देखनी है और हर मिनट के बाद आपको अपना कॉइन जांच करनी है। आज से 5 करके कॉइन ऐड नहीं हो रहा है दोस्तों, कल से 5-5 करके कॉइन हर मिनट पे ऐड हो जाएंगे, आज से 2 या 3 कॉइन ऐड हो रहा है हर मिनट में, कल से हर मिनट में 5-5 करके कॉइन ऐड हो जाएंगे और बाकी इसी के साथ ख़त्म, इसी के साथ ख़त्म। দ্য সোশ্যাল গ্যাংস্টার, আমি ভালো আছি দাদা, তুমি কেমন আছো, তুমি কেমন আছো দাদা? জি হ্যাঁ দোস্ত, দেখিয়ে ম্যাচ খতম হোনে সে পেলে ইতনা পেলে আপ হর ম্যাচ মে 100 কয়েন ইজিলি জিত পায়েঙ্গে, না প্রিডিকশন করনি হোগি না কুছ করনি হোগি, বস কন্টিনিউয়াসলি স্ট্রিম কো দেখতে হোগে, আর কন্টিনিউয়াসলি স্ট্রিম কো আপ নহিঁ দেখেঙ্গে, আগর স্ট্রিম কো কন্টিনিউয়াসলি আপ নহিঁ দেখেঙ্গে তো আপকে খাতে মে কয়েন নহিঁ হোগা। ये चीज़ पे भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये चीज़ पे भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर आप स्ट्रीम को नहीं देखते हैं तो आपके खाते में कॉइन ऐड नहीं होगी। हाँ ये चीज़ एक्सक्लेमेशन कॉइन्स बस ये लिखनी है COINS और सामने जो एक्सक्लेमेशन ए कंपलसरी है ये तो देनी ही है। अबीर वेलकम टू स्ट्रीम, देखिए अबीर आपको हमारे तरफ से मैसेज एक छोड़ा गया है, देखिए अबीर দাদা তোমার বাড়ি কোথায় বলো? দাদা আমার বাড়ি কলকাতাতে, আর আজকে তোমাদেরকে আমি একটা নতুন জিনিস শো করতে চলেছি, আমি যে কলেজে এক্সাম দিতে গেছিলাম সেই কলেজের নামটা তোমাদেরকে শো করতে চলেছি, তোমরা যদি সেই কলেজের কেউ থেকে থাকো অবশ্যই দেখতে পাবে, 106 নম্বর রুম আর 107 নম্বর রুমের কিছু বেঞ্চ খুঁজে দেখবে, সেখানে টিএমকে স্পোর্টসের নাম লেখা আছে, মনে করবে সেই সেই বেঞ্চে বসে টিএমকে এক্সাম দিয়ে এসছে। আগে বাড়তে হয়ে
डिसरीफूल जॉन दी दूसरे साइड में देवा और पवित्रा, देखते हैं कौन कौन जीत के लेके जाते। एक्सक्लेमेशन देनी है राकेश मेरे भाई, एक्सक्लेमेशन देनी है। वो जो एक डांडी है, डांडी के नीचे एक डॉट सा बना हुआ है, वैसे देखनी है। तीन टे कोरे मॉडरेटर रख बे, मॉडरेटर ज्यादा रख बोना। राहुल बाग आपको भी एक्सक्लेमेशन देनी है, राहुल बाग एक्सक्लेमेशन देनी है। एक्सक्लेमेशन को हम हटा देंगे, एक्सक्लेमेशन को हटा देंगे, बस आपको बस कॉइन लिखनी होगी, फिर कॉइन के बाद आपके कॉइन बता दिए जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हुए देवा, उसके साथ पवित्र, देवा का 5 फिनिश, पवित्र का 1। नई नई चीज आप लोगों को समझाने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, और काश आप लोग समझ जाए। छोटी सी बात पर इसी के साथ देवा ने गलती की है नॉक, अकेले बचे हुए पवित्र। भाई आज रात तुम्हारे घर पर कुछ स्पेशल है क्या? इसी के साथ खत्म, सरीफूल के द्वारा 10 फिनिश करके 6-3 से लीड। ड्यूटी अच्छा दूटो ही खाई ना दादा, अच्छा दूटो ही खाओ ना। स्टाइलिश भाई आज रात तुम्हारे घर पर कुछ स्पेशल है क्या? नहीं ऐसा कुछ तो बात नहीं है दादा, वॉइस करो तुम्हार गेम प्ले। अच्छा दादा एमोन वॉइस करो ना, तुम्हार प्रेमे पड़े जाबो। आरिफ गेमिंग। अच्छा ना ना ये प्रेमी पड़ा किसी नहीं। आगे बढ़ते हुए देवा के साथ पवित्र, डॉन्दी पसर फूल 6-3 से लीड में लेके बैठे हुए हैं तुंताई स्पोर्ट्स। देखते हैं तुंताई स्पोर्ट्स कैसा गेम देता है। हम ऐसा रखेंगे कि दोस्तों आप जो है हर दिन लगभग 500 प्लस जो है कॉइन गेन कर पाए हमारी स्ट्रीम को देख के। ऐसा एक सिस्टम हम कर देंगे, आप बस स्ट्रीम को देख देख के हर दिन आप जो है 500 कॉइन तक गेन कर पाए, ना आपको कॉइन गवाने का डर, ना जो है एक्स्ट्रा जीतने का डर। जैसे प्रिडिक्शन में आपको लॉस बहुत ज़्यादा होती थी, आज से आपको लॉस एकदम से नहीं होने वाला है। बस आप गेम को देखते रहिए, और जब आपकी कॉइन बैलेंस जानने की मन चाहे तब आप लोग जान पाएंगे। आगे बढ़ते हुए 1v2 फिर से इसी के साथ साथ ये वाला मैच यहीं पे ख़त्म हो सकता है। देवा 1v2 का सिचुएशन देवा के सामने, लेकिन पहला नॉक लिया है देवा ने, किसको? सरीफूल के द्वारा रिवाइव डॉनदीप को। देवा फिर से अकेले 1v2, देखते हैं देवा 1v2 क्या क्लच कर पाएंगे, देवा क्या 1v2 क्लच कर पाएंगे। मौका है, एक नॉक लिए है, डॉनदीप अकेले 1v1, देवा के सामने 1v1, और इसी के साथ धमाकेदार डबल टेक डाउन करके 4-6 से कमबैक आ चुका है। ये एक नए टीम है दोस्तों, 4-6 से कमबैक। अभिजीत FF के तरफ से आए हैं, 4-3 से कमबैक किया है, पहली बार आया है डुओ वी डुओ में गेम दिखाने के लिए, क्या ही धमाकेदार गेम दिखाते हैं। भाई तुम कितने साल के हो? स्टाइलिश FF मेरा उम्र यार, आपको हमारी आवाज़ सुन के क्या लगता है मेरा उम्र कितना साल का हो सकता है? कल होलो ना कहनो राहुल शेख, कल के जेहेतु परशुदिन আমাদের চ্যানেল 1K কমপ্লিট হয়েছে, তার জন্য আমরা কালকে একটু ছুটি নিয়েছিলাম, এবং আমাদের ম্যানেজমেন্ট টিমের মেম্বারগুলো একটু ব্যস্ত ছিল, তার জন্য কালকে আমরা স্ট্রিম দিতে পারিনি। দাদা কয়েনের ব্যাপারটা কি হয়েছে বলো। ইটস আবির, দেখি সব আপনি কয়েন খুদ জান রহে হ্যায়, আপ চ্যাট কো পড়িয়ে আপকো পতা চল জায়েগা, সব আপনি কয়েন খুদ হি জান রহে হ্যায়। দেখিয়ে আজ ইয়ে নয় চিজ স্টার্ট হুয়ে হ্যায়, बेस्टबॉट देखिए, एक्सक्लेमेशन कॉइन्स लिखिए, आपकी कॉइन बता दिए जाएंगे आज क्या कॉइन। और पुराना खाता हमारे पास है एक्टिव, उसके साथ कल हम लिंक करने की कोशिश करेंगे ताकि वो कॉइन आपके खाते में शो हो जाए। काश, नहीं तो हमें खुद जो है इंडिविजुअली जो है आपको आपकी कॉइन ऐड करनी होगी, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत हमें लगने वाले हैं, और आपके लिए, आप हमारे लिए इतना मेहनत करते हैं, आपके लिए इतना छोटी सी मेहनत तो हम कर सकते हैं, लेकिन शायद कल भी नहीं हो पाएंगे, कल काम बहुत ज़्यादा है। कोशिश करेंगे कल थोड़ा बहुत कुछ काम करने की, और नेक्स्ट टाइम यानी परसों पूरा का पूरा काम निपटाने की कोशिश करेंगे। 20 साल होबे तय तो दादा, हाँ हो भी सकता है तुहीन शेख, 20 साल भी हो सकता है। इट्स अबीर, एक्सक्लेमेशन कॉइंस लिखिए,
फिर देख पाइएगा आप अपना कॉइन। देखिए शायन ने एक कमेंट किए है कॉइन के बारे में, ऐसे कमेंट आप भी कीजिए तो आपके कॉइन खुद आप जान पाएंगे। भाई आई थिंक 19, हाँ आपकी अगर आपकी सोच में हम 19 साल के हैं तो हम 19 के हैं। जी दोस्तों, आज आपके कॉइन जीरो से स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। ऋषि के साथ नॉक पवित्र के द्वारा पहला और खत्म। देवा के द्वारा भी एक नौकर 6-5 से कम बैक हो चुका है। जहाँ दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा, आप जितने सारे नए लोग आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। नए लोग अगर आप आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। भाई अगर 1v2 बढ़िया कर रहे हैं, हाँ ये लोग 1v2 बढ़िया कर रहे हैं। ओके पिक्सल कॉइंस लिखने, एक्सक्लेमेशन कॉइंस, स्पेस नहीं देनी है, एक्सक्लेमेशन फिर COINC। अरे यार कमेंट पढ़ी है ना, 30KB कमेंट पढ़ी है यार। कमेंट में आप सभी के जो है क्वेश्चन का जवाब अपने आप आ रहा है। और MG गेमिंग आपको भी शायद हम बता दिए हैं कि टूर्नामेंट फ्री का फिलहाल कुछ तो नोटिफ लिस्ट नहीं आया है। नेक्स्ट टाइम से हम जब आएंगे हम आपको एक दिन पहले ही बता देंगे, टेंशन नहीं लेने का। स्पेस दिले ना अबीर, स्पेस दीते हबे ना। देखो कॉइनर ব্যাপারে যারা জানতে চাও, ডিস্ট্রয়ার একটা কমেন্ট করেছে, দেখো তারপরেই আমাদের আমার নাম থেকে তাকে কয়েনের ব্যাপারে তার ডিটেইলস দিয়ে দেওয়া হলো। তোমরা দেখতে পাচ্ছো আমার নিজের নাম থেকেই তোমাদেরকে কয়েনের ব্যাপারে নোটিফিকেশন দিয়ে দিচ্ছে। এবং তোমরা যখনই প্রথম কমেন্ট করবে আমাদের তরফ থেকে চা কফিও তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে। তোমরা যদি চা খেতে চাও তো চাই লিখো, তোমরা যদি কফি খেতে চাও তো কফিও লিখতে পারো। তোমার কয়েন কোথায়? আরে দাদা বলে কয়েন কোথায়, দেখো চ্যাট পড়ো, চ্যাট পড়তে থাকো দাদা, চ্যাট পড়তে থাকো, তোমাদের কয়েন তোমরা নিজেরাই দেখতে পাবে, মানে এইটাই। হাই দাদা, দীপঙ্কর দত্ত ওয়েলকাম টু স্ট্রিম, কেসে হ্যায় দীপঙ্কর দত্ত। ওকে এসি কে সাথ দেব, বিরাট ড্যামেজ বহুত জাদা হুয়া হ্যায় দেব, দেবা মাফ কিজিয়েগা, দেবা, দেবা কো বহুত জাদা ড্যামেজ দিয়ে পবিত্র, পবিত্র ভি আয়া হ্যায়। ओके ये देखिए, इसमें नाम ऐड करना भूल गए हम। जब आप चाय लिखे हैं तो रिप्लाई क्या आया है देखिए, जब आप चाय लिखे हैं तो रिप्लाई क्या आया है देखिए। ओके इसी के साथ डॉनदी फिर से नॉक, पवित्रा अकेले 1v1, सरीफूल सामने बचे हुए हैं, सरीफूल और पवित्रा 1v1, कौन लेके जाएंगे, कौन लेके जाएंगे ये वाला मैच, कौन लेके जाएगा ये मैच, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों, ये देखने वाली बात होगी कौन लेके जाएगा। बहुत ही हार्ड मैच पे आ चुका है, 5-5 से बराबरी, 5-6 से फिलहाल लीड लेके बैठे हुए हैं तुंता स्पोर्ट्स, 5-6 से लीड लेके बैठे हुए हैं तुंता स्पोर्ट्स। देखते हैं कौन जीत के लेके जाता है ये राउंड, कौन जीत के लेके जाता है। ये देखो पिक्सल FF आप के कमेंट का जवाब हमारे तरफ से आया है। देखिए पवित्र हिल बैटल हो सकता है, हिल बैटल हो सकता है, सामने सरीफूल है, सरीफूल 1v1 अर्जी के साथ, सरीफूल के द्वारा खत्म। और 7-5 से इस मुकाबला में जीत हासिल किए है, 7-5 से इस मुकाबला में जीत हासिल किए है तुंता स्पोर्ट्स के टीम। लेकिन दूसरे साइड में देखा जाए तो, दूसरे साइड में देखा जाए तो अभिजीत FF के दो प्लेयर देवा और पवित्र क्या ही खास गेम दिखाए थे। 5-7 से जो है कमबैक करने की पूरी पूरी कोशिश की गई थी टीम के द्वारा। तुम ही आगे कॉइन बोले देते कत सुंदर, और एटा एबार की शुरू कर ले, एटाई तो दादा तुम्हारा अनेक बार तुम्हारा कॉइनर बेपारे जिज्ञासा करो हमें तुम्हारे रिप्लाई दीते पर तुम्हारा तुम्हारे निजे कॉइन तुम्हारा निजे जानते पर दादा, बस एक्सक्लेमेशन कॉइन तुम्हारा लेखो, तुम्हारा निजे कॉइन निजे देखते पा, কিছুই করতে হবে না, তোমাদের ব্যালেন্স শিট দেখিয়ে দেবে। ভাই সুকুনা স্টাইলিশ আনে ভালো হ্যাঁ, শায়দ আ ভি সকতে হ্যায় নহীঁ ভি আ সকতে, ইসি কে সাথ ইয়ে জো নয়ে টিম হ্যায় অভিজিত FF ইনকো হম জো হ্যায় কংগ্রেচু নহীঁ ইয়ার বেটার লাক নেক্সট টাইম কহনে ভালো হ্যায়, ধমাকেদার গেম তো দিখায়ে থে। ওকে আমি চা বানাচ্ছি, চিনি দেবো কি না অনিকে ব্রো, তুমি অ্যানিমি দেখো? হ্যাঁ সময় সময় দেখি, সময় সময় দেখি না দাদা, বাট টাইম পাই না দেখার, টাইম পাই না দেখার।
तो और कॉन्ग्रेचुलेशन सुनता स्पोर्ट्स को धमाकेदार परफॉर्मेंस देखे दादा हमार कॉइन एखाने देखते पाछी ना प्लीज एक टू खुले बोलो सब देखते पाबे दीपंकर दत्त तुम एक्सक्लेमेशन कॉइनटा एक बार देखो फिनिक्स जे कमेंटा करलो तुम ये कमेंटा एक बार कर देखो तुम तुम कॉइन अवश्य देखते पाबे ताले तुम आमादेर साथे कथा बोलबे ना ए तो बोलछी तो दादा बोलछी तो दादा कथा तो आमी बोलछी। ओके इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे मैच की ओर लेकिन उससे पहले टीम लिस्ट को शो करा देते हैं। दूसरे मैच का रूम आईडीपी हमारे पास आ चुका है हम जल्द से जल्द टाइप करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे आज का दूसरा मैच। पहले मैच में तुंता स्पोर्ट्स ने धमाकेदार जीत हासिल की है और आज जो टीम खेलने वाले सभी टीमों के लिए हम कहना चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा लेट ना करके जल्दी करने की कोशिश कीजिएगा। बानिए दिले हवे ना खे खावे दीते हवे अनिकेत बानिए दिले हवे राकेश टोटल फोटल किछु लिखते हवे ना दादा आज के जेहेतु एइटा एकटा नतून सिस्टम आमरा शुरू करेछि दादा तो सेखाने तोमादेर कॉइनटा सेइ जोजोज অনি ডায়লগ ফিক্সেল তো নতুন কয়েন যেহেতু সিস্টেম সেখানে তোমাদের আজকে কয়েনটা জিরো থেকে স্টার্ট হতে চলেছে টোটাল কয়েনটা আমি কালকে অথবা পরশু দিন যে তোমাদের একটা অন্য সাইটে যেখানে তোমাদের পুরনো খাতার যত কয়েন আছে সেই কয়েনগুলো আমরা অ্যাড করে দেব তোমাদের খাতাতে অ্যাটাচ করে দেওয়ার চেষ্টা করবো যদি ডাইরেক্টলি অ্যাটাচ না হয় তাহলে আমি ম্যানুয়ালি সেটাকে টাইপিং করে করে তোমাদের খাতাতে দেখে দেখে আমি কয়েন দিয়ে দেব সমস্যা নেই তো তোমরা প্রেডিকশন বন্ধ আছে দাদা প্রেডিকশনের বিষয় এখন আমরা আর যাব না কেননা প্রেডিকশনে অনেকটা ঝামেলা হয় আর অনেকটা পরিশ্রমও করতে হয় তার জন্য তোমরা স্ট্রিমটাকে দেখতে থাকো প্রত্যেক মিনিটে মিনিটে তোমরা এমন আমরা সিস্টেম করে দেব যে তোমরা আজকে স্ট্রিমটা পুরো যদি স্ট্রিমটাকে দেখো 500 থেকে 600 কয়েন তোমরা ইজিলি আর্ন করতে পারবে পার ডে এটা ইজি ব্যাপার হলো আর প্রিডিকশনের ব্যাপারটাই গেলে দাদা অনেকবার তোমাদের লস হয়ে যায় অনেকবার লাভ হয় সেখানে ম্যানুয়ালি আমাকে অনেক খাটতে হয় দাদা সেই জন্য আস্তে আস্তে যত আমরা উপরের দিকে এগোচ্ছি দাদা আমাদের কাজটা অনেকটা বাড়ছে তার জন্য আমরা এই বিষয়টা নিয়ে আসলাম যে প্রিডিকশনটা ব্যাপারটা আমরা ক্লোজ করে দেব দিয়ে আমরা শুধুমাত্র ওয়াচ এর মাধ্যমে তোমাদেরকে কয়েন প্রোভাইড করাবো ওকে রাকেশ এক্সক্লেমেশনের পরে কোনো স্পেস নয় এক্সক্লেমেশনস কয়েন্স বাস এরকম দেখো দাদা রাকেশ বাস এসে দাদা কি হলো কিছুই হয়নি দাদা দেখো কয়েন্স SSB দিতে হবে দাদা পুরো ওয়ার্ডটা টাইপিং করতে হবে আচ্ছা দাদা আমার কয়েনটা নিয়ে কি করবো একটু বলো না কয়েন নিয়ে দাদা তোমাদের আরও আজকে জানিয়ে দিই যে কয়েন নিয়ে তোমরা কি করতে পারবে সেই কয়েন দ্বারা দাদা দেখো তোমাদের খাতাতে যখন 5000 কয়েন গেন হয়ে যাবে 5000 কয়েন গেন হয়ে গেলে তোমাদের খাতাতে তোমরা এই এইটা পাবে 240 রিডিম কোড আর যদি আর যদি তোমরা 10000 কয়েন গেন করে নাও তাহলে তোমরা পেয়ে যাবে এটা 400 রিডিম কোড আর যদি তোমরা 15000 কয়েন গেন করে নাও তাহলে তোমরা পেয়ে যাবে ডিরেক্টলি 800 রিডিম কোড ওকে তো জাদা জাদা তোমরা কয়েন অ্যাড করতে থাকো আরে এক্সক্লেমেশন দাদা আই নয় রাকেশ দাদা এক্সক্লেমেশন প্রথমে তো ঠিক লিখেছিলে কয়েন্স রাকেশ ও প্রথমের যে কমেন্টটা করেছিল এক্সক্লেমেশন COINS আর আমি কালকে এই বিষয়টা আরও দেখে নেবো যে এসটা সরিয়ে শুধুমাত্র আমি কয়েনটা দিয়ে দেবো যাতে তোমাদের আরও সুবিধা হয় তোমরা যাতে আরও ইজিলি ব্যাপারটা অ্যাক্সেস করতে পারো আজকে নতুন সেই জন্য হয়তো তোমরা ব্যাপারটা অতটাভাবে অ্যাক্সেস করতে পারছো না অনিকেত প্রিডিকশনের ব্যাপারটা আজ থেকে বন্ধ করলাম আমরা কেননা ওখানে অনেক ঝামেলা হয় ফিনিক্স কে লিখতে হ্যালো টিম কিউ ওয়েলকাম টু লাইভ স্ট্রিম চাই লোগে ইয়া কফি ওকে ओके 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 धन्यवाद फिनिक्स अरे यार स्पेस नहीं देनी है भाई
स्पेस नहीं देनी है, स्पेस क्यों दे रहे हैं। ओके, इसी के साथ आप लोगों के चहीते सुकूना आए हैं। हाँ, ये देखिए राकेश, ये देखिए आपके कमेंट शो हो चुका है, आपके कॉइन शो हो चुका है। राकेश, यूर पॉइंट बैलेंसिस जो है 25 फिलहाल हो चुका है आपके खाते में। ठीक है दादा, काल के हॉबी की, काल खेला हॉबी की। हाँ रोहिम सनी सनफुई, ज़रूर खेला होगा दादा, कल के खेला ज़रूर होगा। ओके हाँ, আরও নতুন নতুন জিনিস আমরা চ্যাটে অ্যাক্টিভ করার চেষ্টা করছি, যাতে তোমরা আরও চ্যাটটাকে অটোমেটিক ভরপুর রাখতে পারো এবং শুধুমাত্র দেখলেই কয়েন বাড়বে, তাই তো? হ্যাঁ, শুধুমাত্র দেখলেই কয়েন বাড়বে দাদা, শুধুমাত্র দেখলেই কয়েন বাড়বে। আর এমন সিস্টেম আমরা রাখবো হিসাব কিতাব করে, যেন পার ডে তোমরা 400, 500 আর 600 পর্যন্ত কয়েন পার ডে তোমরা গেইন করতে পারো। সেই জন্য দেখো, এখনো পর্যন্ত আমরা 1 ঘন্টা অতিক্রম করিনি, অথচ সায়নের কয়েন দেখো, সায়নের কয়েন 81টা কয়েন হয়ে গেছে। তো এরকমভাবে যেহেতু তোমরা স্ট্রিমটা দেখবে দাদা, তোমাদেরই লাভ। ওকে, ইসি কে সাথ স্টার্ট হোনে বালা হ্যায় আজ কা দুসরা মুকাবলা, দুসরা মুকাবলা স্টার্ট করতে জাদা ওয়াক্ত না জায়া করকে, ওকে জাদা ওয়াক্ত না জায়া করকে, ওকে তুইন শেখ অভি স্টার্ট কিয়ে যায়েঙ্গে, অভি স্টার্ট কিয়ে যায়েঙ্গে। রোহিম সফুই, লাভ ইউ টু মেরে ভাই, লাভ ইউ টু। ओके, इसी के साथ स्टार्ट होने वाला है ओबी से सभी को हटा के मैच को स्टार्ट किया जाए, मैच को स्टार्ट किया जाए। आज थोड़ा सा लेट आए हैं, आज थोड़ा सा लेट आए हैं। ओके, पाखी रॉय की तरफ से अनस्टॉप 69 और सुकूना, पाखी रॉय की तरफ से, और दूसरे साइड में नायडू और बॉस बाबू, नायडू और बॉस बाबू आए हैं। ओके, आगे बढ़ने की कोशिश, आगे बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए अनस्टॉप और सुकून, आप लोगों के चहेते प्लेयर आए हैं, आप लोगों के चहेते प्लेयर आए हैं। और एक साइड में नायडू और बॉस बाबू, नायडू और बॉस बाबू आए हैं बैकअप फोर्स की तरफ से। नहीं यार, उल्टा पुल्टा क्यों कर, उल्टा पुल्टा क्यों बोल रहे हैं यार। बैकअप फोर्स या पाखीराला स्पोर्ट्स, आप इस स्ट्रीम पे है तो थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपकी टीम कौन से तरफ खेल रहे हैं, कि आपकी टीम कौन से तरफ खेल रहे हैं, ये थोड़ा कमेंट करके बताइएगा, ये थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। भाई तुम्हारा यूआईडी बताओ प्लीज़। हाँ, स्टाइलिश ज़रूर बताएंगे, यूआईडी भी बताएंगे, हमारी इंस्टा आईडी भी आपको देंगे। ये देखिए एक चीज़, आप इंस्टा कमेंट करके देखिए, इंस्टा अगर आप हमारे इंस्टा जानना चाहते तो इंस्टा कमेंट कीजिए, इंस्टा कमेंट कीजिए। एक्सक्लेमेशन देनी है फ्लिक्स ऊपर जो कमेंट छोड़े वही, एक बार इंस्टा या इंस्टाग्राम लिख के देखिए कमेंट में। और भी बहुत सारी चीज़ हम ईजाद किए हैं, वो चीज़ आप लोगों के द्वारा ही जो है। ये देखिए एक चीज़, ये देखिए, देख पा रहे हैं आप? ओके, बॉस बाबू नायडू अनस्टॉप नॉक हो चुके सुकुना के द्वारा, पहला नॉक सुकुना के द्वारा, पहला नॉक। ये मस्त है ना जी, ये चीज मस्त है ना जी। लेकिन बॉस बाबू के द्वारा खत्म, बॉस बाबू के द्वारा खत्म, और 0-1 से लीड लेते हुए, 0-1 से लीड लेते हुए धमाकेदार। ये चीज़ मस्त है कि नहीं है दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा, मस्त है कि नहीं है। बागेरहाटेर स्पोर्ट्स एर एक नंबरे, बागेरहाट स्पोर्ट्स के दादा, एखाने दुटो टीम खेलछे, पाखीराला खेलछे आर बैकअप फोर्स खेलछे। না ওটা লিখলে কিছুই আসবে না, ওটার ওপরে কিছু লেখা নেই। আর আমি কালকে আরও একটা জিনিস দিয়ে দেবো, যদি তোমরা ইউআইডি জানতে চাও তার জন্য আমি আরও একটা সিস্টেম, শুধু ইউআইডি লিখলেই আমার ইউআইডি তোমাদের সামনে শো হয়ে যাবে। অনেক অনেক দাদা, তোমরা এমন এমন কিছু আমাকে সাজেস্ট করো যেগুলো কমন একদম, তোমরা এসে জিজ্ঞাসা করো, এবং তোমরা জিজ্ঞাসা করলে আমি না বললেও যেন তোমাদের কাছে চ্যাটের মাধ্যমে সেই কমেন্টের রিপ্লাইটা তোমাদের কাছে চলে যায়। এই জিনিসটা একটু তোমরা আমাকে সাজেস্ট করতে থাকো কি দাদা, এই জিনিসটা একটু
করলে ভালো হয়, যে আমি না বললেও তোমাদের কাছে যেন শো হয়ে যায় চ্যাটের মাধ্যমে। ইউ আর হোম দাদা। হ্যাঁ, আই মিন হোম দাদা। ইসি কে সাথ বস বাবু কে এক বন্দা নক হো চুকা হ্যায় নাইডু নাইডু নক হো চুকা হ্যায় আকেলে বস বাবু আকেলে বস বাবু বচে হুয়ে হ্যায় দেখতে হ্যায় বস বাবু ওয়ান বি টু ক্লাচ কর পাতে কি নেই। আমি লিখে লিখে দেখবো কি হয়। হ্যাঁ, ওকে, পাখিরালা স্পোর্টস এক নম্বরে সুকুনা। আচ্ছা 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 আচ্ছা, ওকে আব্দুল বাশার, ধন্যবাদ দাদা এত সুন্দর আমাকে একটা। দাদা কয়েন্স প্লেয়ারদের ওপরে লাগাতে পারবো না দাদা, এটা বন্ধ করেছি কারণ এতে অনেকটা ঝামেলার ব্যাপার আছে। এখন তোমরা স্ট্রিম দেখে দেখে দাদা কয়েন ইজিলি গেইন করতে পারবে, লস হবার আর কোনো সমস্যা নেই, তোমরা লস করতে পারবে না, অনলি ফর জিতবে তোমরা কয়েন অনলি ফর। এবার থেকে আমি এমন সিস্টেম করলাম, যেহেতু তোমাদের ভালোবাসাতে আমাদের চ্যানেলটা 1K কমপ্লিট হলো, তাই আমরা চাইবো যে আমাদের চ্যানেলে এসে কারুর কোনো লস না হয়, অনলি ফর লাভ হয়। সেই জন্য আজকে সাথ সুকুনা কে দ্বারা খতম আর এক এক সে বরাবরি, সুকুনা কে দ্বারা খতম আর এক এক সে বরাবরি। তাই আমি আমরা চাইবো যে তোমাদের শুধুমাত্র লাভটাই হোক, কোনো রকম লস না হোক। তাই জন্য স্ট্রিম দেখতে থাকবে পার ডে। তোমরা স্ট্রিম দেখে 400 কয়েনও গেন করতে পারো, 500 কয়েনও গেন করতে পারো, এবং এমনকি 600-700 কয়েনও পার ডে তোমরা গেন করতে পারো। যেমন কি দেখো আজকে ফিনিক্স শুরু থেকে স্টিমে আছে, এখনও এই সায়ন শুরু থেকে আছে, সায়নের 90 কয়েন অলরেডি হয়ে গেছে, এখনও 1 ঘন্টাও স্টিম হয়নি। তো এটাই, তোমরা যত স্ট্রিম দেখবে তোমাদের খাতাতে তত কয়েন অ্যাড হবে দাদা। আর প্রিডিকশনের ব্যাপারটা অনেকটা ঝামেলা, সেই জন্য আমরা ভাবলাম ওটা বন্ধ করাই ভালো। নাইডু আগে বাড়তে হয়ে 1v2 কা সিচুয়েশন নাইডু কে সামনে 1v2 কা সিচুয়েশন দেখতে 1v2 নাইডু ক্লাচ কর পাতে কি নেই, 1v2 নাইডু ক্লাচ কর পাতে কি নেই। সুকুনা কা গেম প্লে দিখাও না ভাই প্লিজ। হ্যাঁ জরুর জরুর মেরে ভাই, সুকুনা এক বেহতর প্লেয়ার হ্যায় হমে মালুম হ্যায়। ইসি কে সাথ নাইডু কে দ্বারা আনস্টপ কো নক লিয়া গয়া হ্যায়, সুকুনা আয়া হ্যায় সুকুনা কে দ্বারা ডাবল টেক ডাউন 2-1 লিড লেতে হুয়ে পাখিরালা স্পোর্টস ধমাকেদার।
First down.
আরে তখন থেকে দাদা ভয়েস বন্ধ আছে, তোমরা কেউই কিছু বলছো না। আরে তখন থেকে ভয়েস বন্ধ আছে, তোমরা কেউ কিছুই বলছো না যে ভয়েস কি হলো। আমি তখন থেকে পাগলের মতো বকে যাচ্ছি, তোমরা আমাকে কেউ একটাও স্মরণ করালে না যে দাদা মাইক বন্ধ। তখন থেকে আমি পাগলের মতো বকে যাচ্ছি, তোমরা কেউ একবারও স্মরণ করালে না যে দাদা মাইক বন্ধ আছে। কি বলবো ফিনিক্স দা, দুটো করে বাড়ছে, 1 মিনিট। আইসালা, তোমরা একবারও আমাকে স্মরণ করালে না যে মাইকটা বন্ধ আছে, এটা কিন্তু খুব খারাপ জিনিস। পিক্সেল যদি না বলতো, পিক্সেল খুবই ধন্যবাদ দাদা, পিক্সেল ধন্যবাদ দাদা আমাকে এই ইনফরমেশনটা দেবার জন্য যে মাইকটা অফ আছে। আমরা ভাবলাম পিএইচ এসছে না দাদা। কই বাদ না, কই বাদ না ফিনিক্স, আমি বলছি তুমি ইউটিউবের সাথে খেলা করছো। কই বাদ না, কই বাদ না মেরে ভাই, কই বাদ না। আগে বাড়তে হুয়ে নাইডু, নাইডু কে সাথ পিছে বস কো নক, নাইডু আকেলে, নাইডু নাইডু আকে এক বন্দে কো নক নিয়ে। দাদা আমি ভাত খাচ্ছিলাম, সরি, কই বাদ না দীপঙ্কর, ইসি কে সাথ নাইডু কে দ্বারা ডাবল টেক ডাউন আর 5-4 লিড, 5-4 লিড লেতে ব্যাক অফ ফোর্স কে টিম, ব্যাক অফ ফোর্স কে টিম 5-4। অনেকক্ষণ ধরে অফ ছিল, আমি ভাবলাম কোথায় গিয়েছো, তারপর দেখলাম মিউজিক ক্লিক হচ্ছে। হ্যাঁ মানে খুবই মনোযোগ সহকারে পিক্সেল তুমি স্ট্রিমটাকে দেখছো, ধন্যবাদ দাদা এত মনোযোগ সহকারে আমাদের স্ট্রিমটাকে দেখার জন্য। সাদিক আলী শেখ খেলার ধ্যানে চলে, আচ্ছা খেলার ধ্যানে চলে গেছিলাম, আচ্ছা 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 আচ্ছা, সারিফুল কই বাত না মেরে ভাই, ঠিক হ্যায় আপ ইতনে সারে লোগো মে সে কোই এক জো হ্যায় হমে তো ইয়ে চিজ কো ইয়াদ দিলায়া হ্যায়, ইয়েহি কাফি হ্যায় ইয়ার, ইয়েহি কাফি হ্যায়, ইতনা প্যার কাফি হ্যায় দাদা। আরিফ গেমিং দাদা বলছি, আমার বহু দূর বহুত খিদে লেগেছে, ভাত হবে নাকি? হ্যাঁ জরুর হবে দাদা, একটু রান্না করে গিয়ে দেখো, অবশ্যই তোমার বাড়িতে ভাত আছে, তুমি যদি বাড়িতে যদি খুলে দেওয়ার লোক থাকে অবশ্যই তাকে বলে তুমি তোমার ভাতটা খুলে নিতে পারো, নাহলে নিজেই খুলে খেতে হবে, কিছু করার নেই, আমাদের মতো যদি কপাল তোমার হয়ে থাকে। ওকে হিন্দি মে বলো, হ্যাঁ হিন্দি মে বল রহে হ্যায় দাদা, হিন্দি মে বল রহে হ্যায়। চ্যাট পে ধ্যান রাখিয়েগা দোস্ত, চ্যাট পে ধ্যান রাখিয়েগা, আপকো জো হ্যায় আপকি বাতো কা হাম জবাব নেহি দে পাতে হ্যায় তো চ্যাট মে জরুর আপকি বাতো কা জবাব আ জায়েঙ্গে হামারে তরফ সে, হামারে তরফ সে মিস্টার টিএমকে কে তরফ সে আপকে পাস চ্যাট কা জবাব আ জায়েঙ্গে। আরে দাদা এবার বলি তাহলে, হ্যাঁ আবির বলো দাদা, সোলো টুর্নামেন্ট কবে হবে? হবে দাদা খুবই তাড়াতাড়ি হবে, আনস্টপ কে দ্বারা এসি কে সাথ এক বন্দা বচে হুয়ে হ্যায় নাইডু, নাইডু বচে সুকুনা কে দ্বারা খতম আর 5-5 সে বরাবরি, 5-5 से बराबरी हो चुका है ये मुकाबला धमाकेदार। जी हाँ दोस्तों, फिर से एक और बार जो है आप सभी लोगों को शुक्रिया अदा करते हैं हमारे इस छोटे से चैनल को 1K तक पहुंचा देने के लिए। कितने का नहीं, पेड मैच नहीं है, टूर्नामेंट है दादा। टाइटल थंबनेल पढ़िए यार, टाइटल थंबनेल पढ़िए, टाइटल थंबनेल पढ़िए सार्थक दादा, तो आपको समझ आएंगे पेड मैच नहीं है, टूर्नामेंट है। इसी के साथ एक और मैच करूँ, आईडीपी तो आ चुका, मच्छर बहुत काट रहा दादा, हमार कॉइन टे एक टू देखे दियो कौशिक विश्वास, कॉइन देखार जोनो फिनिक्स एक टा कमेंट लिखे छे, देखो तुम्ही सेम कमेंट टा कॉपी करे पेस्ट करो, तुम्ही तुम्हार कॉइन टा देखते पाओ। नतून सिस्टम एसे छे दादा, नतून सिस्टम एने छी, आस्ते आस्ते एटाओ तुम्हरा शिखे जाबे, एक दिने तो आमियो शिखते पारिनी एखोनो भालो करे, तुम्ही आबार शिखे जाबे, तुम्हराओ शिखे जाबे दादा। आगे बढ़ते हैं, स्टॉप आई एम अख्तर, अच्छा 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 अच्छा, वेलकम अख्तर, वेलकम, और आपको तो वेलकम मैसेज तो हमारे तरफ से छोड़ दादा, टीम के दादा शॉप मेंबर जिंदाबाद। हाँ जरूर, इसी के साथ नायडू के द्वारा पहला नॉक आया है, बॉस बाबू आगे बढ़ते, एक बंदा बचे हुए, सुकुना खत्म और अनस्टॉप भी खत्म, 4-5-6 से लीड लेते हुए बैकअप फोर्स की टीम धमाकेदार। कितना टीम है और क्या है ये पे टूर्नामेंट? जी हाँ है, और टीम 8 टीमों के बीच होता है। अगर आपको टूर्नामेंट लेनी है सार्थक, तो स्क्रीन के ऊपर हमारे मैनेजमेंट टीम का नंबर दिया हुआ है,
आप उस नंबर पे कॉल करके अपने नाम का प्यारा सा स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है दादा। अमी कॉइन की कोडे पाबो दादा, स्ट्रीम देखते थकले कंटिन्यूअसली तुम्हें देखा था कॉइन ऐड होते थक बे, স্ট্রিমটাকে কন্টিনিউ দেখতে হবে, স্ট্রিম থেকে বেরিয়ে গেলে তোমাদের খাতাতে আর কয়েন অ্যাড হবে না, স্ট্রিম দেখতে থাকো, কয়েন জিততে থাকো। ভাই আপ পেড কাস্টম করাতে হো? নহি মেরে ভাই, আম পেড কাস্টম নহি করতে, আম সিরফ টুর্নামেন্ট করাতে হ্যায়। স্ট্রিমে নাম্বারটা কার অ্যাড, কিসের জন্য? টুর্নামেন্টে যদি পিক্সেল তুমি হিসা নিতে চাও, এই যে টুর্নামেন্ট যারা খেলছে, এটা আমাদের ম্যানেজমেন্ট টিমের নাম্বার দাদা। এম জি গেমিং দাদা কেমন আছো গো? আমি ভালো আছি দাদা। এক্সক্লেমেশন কয়েন দেখে শুভঙ্কর রয়ও কয়েনের ব্যাপারটা পেস্ট করেছে। শুভঙ্কর রয়ের ব্যাপারটা দেখো, তোমরা দেখলে বুঝতে পারবে। এন্ট্রি ফি ও সব চিজ আপকো হামারে ম্যানেজমেন্ট টিম বতা দেঙ্গে, সার্থক উস চিজ কে লিয়ে হি হাম হামারে ম্যানেজমেন্ট টিম কো রাখে হ্যায়। বাট এক চিজ পে আপ ধ্যান রাখিয়েগা, আপ জো হ্যায় ফিলহাল ইস ওয়াক্ত পে কল না কিজিয়েগা তো বেহতর রহেগা, ক্যুঁকি ফিলহাল হামারে ম্যানেজমেন্ট টিম ব্যস্ত হ্যায় থোড়া সা, मैनेजमेंट टीम थोड़ा सा व्यस्त है। बहुत सारे बॉट एक्टिव हो गए यार, कभी स्ट्रीम लैब से आ रहा है, कभी स्ट्रीम एलिमेंट से आ रहा है, कभी हमारे खुद के तरफ से आ रहे हैं। एक्सक्लेमेशन कॉइंस लिखिए, ओके एक्सक्लेमेशन कॉइंस लिखिए, आप अपने कॉइन हमारे नाम से ही आपके मैसेज आएंगे। आगे बढ़ते हुए बाबू फिर से एक नॉक सुकुना खेले, इसी के साथ 1v2 देखते हैं। 1v2 शायद ही क्लच कर पाए सुकुना, 1v2 शायद ही क्लच कर पाए, शायद ही 1v2 क्लच कर पाए। पहला नॉक लिए है सुकुना ने। सामने बचे बॉस बाबू, फिर से बॉस बाबू सीधा सीधा रश करते हुए। जोन भी बहुत छोटा हो चुका है, জোন বহুত জাদা ছোটা হয়ে চুকা হ্যায়। দাদা কয়েনের ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না, সবই বুঝতে পারবে দাদা। ইসিকে সাথ বাবু কে ইউএমপি কে দ্বারা হামলা, 756 মুকাবলা মে জিত হাসিল কর লিয়ে হ্যায়, 756 মুকাবলা মে জিত হাসিল কি হ্যায় ব্যাকআপ ফোর্স কে টিম, ধমাকেদার ধমাকেদার জিত হাসিল কি হ্যায় ব্যাকআপ ফোর্স কে টিম। মুঝে ভুল মত জানা ব্রো শরীফুল, নহি মেরে ভাই ভুল নে কি কোই জো হ্যায় বাত হি নহি আতি হ্যায়। দাদা কয়েনের ব্যাপার একটু ভালো করে বলো, আর কয়েন থেকে কি পাবো? কয়েন থেকে ডায়মন্ড পাবে সুমন ওয়ার্ল্ড। স্ট্রিম আমাদের স্ট্রিমে যদি নতুন মেম্বার হয়ে থাকো তো স্ট্রিমটাকে তুমি দেখতে থাকো, বুঝতে পারবে, আর সাবস্ক্রাইব করার চেষ্টা করে নেবে দাদা, সাবস্ক্রাইব করার চেষ্টা করে নেবে, তাহলে আপনাদের খাতাতে যাতে কন্টিনিউয়াসলি কয়েনটা অ্যাড হতে থাকে। দাদা আমার চ্যাট তো দেখোই নি, একটু উঠিয়ে দেখতে পারবে না? আবার লিখবো, কোনটা আবির কোনটা লিখেছো তুমি? অনেক চ্যাট এসছে, আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ আমি দেখেছি আবির, পড়েওছি তোমার নেট স্লোর ব্যাপারটা, আমি পড়েছি, কোনো ব্যাপার না, ওটা চলতে থাকবে। সুকুনা কি টিম বাহার? জি হ্যাঁ সুকুনা কা টিম বাহার হো চুকা হ্যায়, 5-7 মুকাবলা মে জো হ্যায় উনকো হার কা সামনা করনা পড়া হ্যায় সুকুনা কি টিম। আর ইসিকে সাথ দাদা কাস্টমে যাও, হ্যাঁ যাবো সোমেন মাঝি, এখনই যাবো, সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছি দাদা, ধন্যবাদ সোমন ওয়ার্ল্ড। এন্ট্রি ফি ও সব চিজ আপকো হামারে ম্যানেজমেন্ট টিম বতা দেঙ্গে ফিক্সেল। দাদা আমার কত কয়েন আছে বুঝতে পারছি না, 25 লেখা আছে। হ্যাঁ এম জি গেমিং, আজকে এটা নতুন সিস্টেম, এখানে তোমাদের কয়েনটা জিরো থেকে স্টার্ট হচ্ছে, এখানে তোমাদের কয়েনটা জিরো থেকে স্টার্ট হচ্ছে। আমি তোমাদের পুরনো খাতাতে যা কয়েনগুলো আছে সেগুলো আমি কালকে তোমাদের আবার এই খাতাতে, কালকে অথবা পরশু দিন এই খাতাতে আমরা অ্যাড করে দেওয়ার চেষ্টা করব, টেনশন নিও না। দাদা অফিস থেকে বেরিয়ে লাইভে চলে এলাম, শরীর কেমন আছে? ভালো আছি, আমার শরীর ভালো আছে, তুমি কেমন আছো? এবং কালকে আমি আসিনি, আজকে এসেছি, এমন ধন্যবাদ শরীফ বৈদ্যা, ওয়েলকাম টু স্ট্রিম। দাদা তুমি সবাইকে নিউ টিএম কে দিয়েছো তাই সবাই তোমার কথা ভুলে গেছে, বুঝতে পারলাম না। হ্যাঁ শরীফুল লাভ ইউ টু মেরে ভাই। দাদা আমার কয়েন কত আছে? আরে তোমরা নিজেরাই তো দেখতে পাবে। ওকে এসি কে সাথ নেক্সট রুম কে অন্দর যাতে জল সে জল জাদা বক্ত না যা করকে। ওকে 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 জাস্ট এ মিনিট দাদা আমি অভি রুম কে অন্দর যাতে হ্যায় তাকি ম্যাচ কো স্টার্ট করা পায়ে। রুম আইডিপি বহুত পহলে হি আ চুকা হ্যায়, দোনো কে দোনো প্লেয়ার ভি আ চুকা হ্যায়, আজ জলদি করনে ওয়ালে হ্যায় থোড়া।
क्योंकि पहले से हम बहुत लेट आए हैं, पहले से ही बहुत लेट आए हैं। ओके 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 जो दोस्त, तीसरा मैच भाई मुझे अच्छा खेलने वाला चाहिए, कस्टम प्लेयर होना है मुझे, प्लीज़ हेल्प मी। अच्छा स्टाइलिश, अगर आपको अच्छी प्लेयर होनी है कमेंट है जे टी एम के आज से। अच्छा ओटा हमारी डेमो, ओटा हमी एकदिक थेके बोलछी जे तोमादेरके दादा आज पूरो स्ट्रीम देखले कतो कॉइन पाबो सेटा देखते थाको दादा बुझते पारबे, पार्टी स्ट्रीमटा देखले किछु ना होलेओ 500 पर्यंत तोमरा पेते पारो। कमेंटे टीएम के कथा बोलछे, हाँ कमेंटे टीएम के कथा बोलछे। ओके अनेकक्षण थेके बसे आछि, हाँ स्टार्ट करा होबे दादा। ओके एसटी नए नए प्लेयर आए हैं, फ्लैश आए हैं, आइकॉनिक आए, दूसरे साइड में रिफत और फर्जी, देखते 1v2। नहीं यार प्रिडिक्शन बंद है, DJBM व्लॉग्स प्रिडिक्शन बंद है, स्टार्ट किए जाएंगे। आरिफ गेमिंग एर कत राते खेला पड़ते पारे, एर परेर मैचटा आरिफ गेमिंग जेहेतु चतुर्थ मैच एर परेर मैचटा तोमार सरिफुल, धन्यवाद दादा, धन्यवाद हमारे वॉइस को इतना प्यार देने के लिए, धन्यवाद दादा। ओके इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट कर दीजिए जल्द से जल्द। हम आ चुके हैं। यार दोस्तों सभी लोग शेयर जरूर कर दीजिए अगर 1K कंप्लीट कराने के लिए। इसी के साथ ये देखिए डबल न्यू टीएम के साथ सबाई खेल सी। खेलते थाको। আরে অনেক অনেক জিনিস ইউজ করতে চলেছি, তোমরা সানিউল আমাকে কিছু কিছু জিনিস সাজেস্ট করো যেটা তোমরা শুনতে চাও যে তোমরা এই ধরনের কমেন্ট করলে যেন আমার তরফ থেকে তোমাদেরকে এমন একটা উত্তর আসলে যে তোমরা খুশি হবে, সেরকম ধরনের আমাকে কিছু, তোমরা সবাই যারা যারা স্ট্রিমে আছো সবাইকে বলছি দাদা তোমরা এমন কিছু আমাকে সাজেস্ট করো যে তোমরা কমন একটা ওয়ার্ড লিখলে আর আমার তরফ থেকে আমি মিস্টার টিএম কে তরফ থেকে তোমাদেরকে একটা সুন্দর একটা উত্তর রিপ্লাই পাঠানো হলো। এই জিনিসগুলো একটু মজাদার জিনিস আছে, তো তোমরা যদি এই বিষয়ে একটু সাজেস্ট করতে আমার খুব ভালো হতো এবং আমি সেই জিনিসটা অ্যাপ্লাই করে দিতাম এবং তোমরা আরো মজা করতে পারতে। নক আয়ে হ্যায় পহলা আইকনিক কে দ্বারা পহলা নক, ফ্ল্যাশ ভি নক হো চুকে আইকনিক, বহুত জ্যাদা ড্যামেজ জার্সি কে সাথ ফর্জি অর রিফত কে দ্বারা খতম, আর পহলা রাউন্ড আপনে খাতে মে লিয়া হ্যায়। দাদা তোমার গার্লফ্রেন্ড আছে দীপঙ্কর দত্ত, হ্যাঁ এই একটা জিনিস, হ্যাঁ এই একটা কথা তুমি ঠিক বলেছো, এর পরিবর্তে কি উত্তর লেখা যায়, লাভ ইউ দাদা বললে লাভ ইউ টু চাই, ওকে 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 লাভ ইউ দাদা বললে লাভ ইউ টু চাই, ঠিক আছে। এইসব বিষয়গুলো তোমরা আমার ইনস্টাতে তোমরা আমাকে পাঠাতে পারো, তোমরা যদি আমার ইনস্টাতে ফলো করতে চাও তাহলে শুধুমাত্র ইনস্টা বা ইনস্টাগ্রাম কমেন্ট করলেই তোমরা লিংক পেয়ে যাবে। কালকে আমি আরও একটা জিনিস অ্যাক্টিভ করে দেবো, তোমরা যদি আমাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাতে চাও শুধুমাত্র UID টাইপ করবে, আমার UIDটা তোমরা আমাদের কমেন্টে পেয়ে যাবে। আইকনিক কে দোয়ারে এক নক লেকিন ফ্ল্যাশ ভি নক হো চুকে, দোনো কে দোনো বন্দে কো রিভাইভ দে দিয়ে যায়গে, ফর্জি অভি তক রিভাইভ, ফর্জি নক হে রিপত কে দোয়ারা রিভাইভ। তো তুমি কোন ডিস্ট্রিক্টে থাকো, আমি ডিস্ট্রিক্ট বলে তো 24 পরগনা, সাউথ 24 পরগনা দাদা, ডিস্ট্রিক্ট মানে কি জেলা। ওকে এদিকে সাথ খতম রেফাত রেড্ডি কে দ্বারা ডাবল টেক ডাউন, 2-0 লিড লেতে ইয়ে টিম, এ কোন সি টিম হে, ইয়ে শায়দ ব্যাকআপ শোম্যান, টিম ওয়াইফাই 2-0 লিড লেতে, দাদা আইডি না 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 রহিম সাফুই দাদা, আমি ওই বিষয়ে কোনো রকম কথাবার্তা বলি না দাদা, আমার গার্লফ্রেন্ড নেই। আচ্ছা না ওরকম না, কিছু রোমান্টিক বলো, এটা তো একটা কমন সা অ্যাপ্লাই হয়ে গেল, কেউ যদি জিজ্ঞাসা করলো দাদা তোমার গার্লফ্রেন্ড আছে বা গার্লফ্রেন্ড কি করছে, এই বিষয়ে একটা কেউ কমেন্ট করলো সঙ্গে সঙ্গে আমার তরফ থেকে মিস্টার টিএম কে তরফ থেকে তোমাদের একটা সুন্দর একটা কমেন্ট রিপ্লাই গেল। ওকে এদিকে সাথ আইকনিক আগে বাড়তে, ফ্ল্যাশ কা 0 ড্যামেজ, রিফত কা 2, রিফত কা 3 ফিনিশ, ফর্জি কা 1,
ये चीज एक मजेदार है दोस्तों। मजा देखिए, मजा नहीं आता है जिंदगी में तो जिंदगी भी जीने का क्या फायदा। आगे बढ़ते रिफत के सामने 1v2, इस बार रिफत को खत्म कर दिए जाएंगे। जी हाँ, फ्लैश के द्वारा रिफत को खत्म, और 2-1 से लीड लेते हुए, 2-1 से लीड लेते हुए, नहीं लीड नहीं कमबैक, 2-1 से कमबैक करते हुए बैकअप सुमोन के टीम धमाकेदार। रोहन गेमिंग कैसे है दादा? बिग फैन नहीं मेरे भाई, दोस्त बन के रहिए वही काफी है, दोस्त बन के रहिए वही काफी है ब्रदर। और भी देखिए लिखा आया, हेलो रोहन, वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम, चाय लोगे या कॉफी? दोस्तों लाइक कंप्लीट करो जल्दी, और कंप्लीट हो जाता है तो मैं सबको ये गिफ्ट करूंगा। ना दादा, तमर रानी के तमर को जीए नहीं भाई। टूर्नामेंट में कैसे रजिस्टर कर सकते हैं? टूर्नामेंट में अगर आपको रजिस्टर करनी है रोहन, तो आपको डिस्प्ले के ऊपर नंबर दिया हुआ है, किसी भी एक नंबर पे कॉल करके आपको वो अपने नाम का प्यारा सा स्लॉट बुकिंग करनी है। अकेले बंदे बचे हुए हैं आइकॉनिक मैसी के साथ, खत्म। 3-1 से लीड लेते हुए टीम ऑल फाइव, 3-1 से लीड लेते हुए टीम ऑल फाइव। सबूज वेलकम टू स्ट्रीम, सबूज वेलकम टू स्ट्रीम। आइकॉनिक को दिखाओ वो, और म्यूजिक साउंड इंक्रीज करो। ओके सीताराम, कर देंगे मेरे भाई। आइकॉनिक को दिखाओ और म्यूजिक साउंड इंक्रीज करो। धन्यवाद दादा म्यूजिक साउंड इंक्रीज करने के लिए। ताहले दादा तुम ही अमर साथे हाथ मिलाओ। हाँ जरूर मिलाओ, जरूर मिलाओ, जरूर मिलाओ दादा, जरूर मिलाओ दादा। चलो एकदिन सबाई मेला घूरे आसि। हाँ जाबो दीपंकर दत्त, जरूर एकदिन मेला घूरते जाबो तुम्हारे साथ। गर्लफ्रेंड इज इक्वल टू डिप्रेशन एंड माँ इज इक्वल टू सुकून। हाँ ये बात तो है, शोम वर्ल्ड जरूर, ये बात पे जो है एक लाइक तो बनता है दोस्तों, इस बात के ऊपर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और नए मेंबर जितने सारे आ रहे हैं सभी लोग जो है सब्सक्राइबर कर लीजिएगा। पीछे से फ्लैश का हमला आया है, सामने से आइकॉनिक का हमला, दो तरफ से जो है बीच में पिचकाने की कोशिश, फर्जी नॉक, रेड्डी को भी खत्म कर दिए जाएंगे। और 2-3 से कमबैक हो चुका है, 2-3 से कमबैक बैकअप सुमन के द्वारा। अच्छा दादा तुम ही की प्रेम करो आरिफ गेमिंग, अच्छा आरिफ गेमिंग के जिज्ञासा करते दादा तुम्ही की प्रेम करो। हाँ करते पारे प्रेम पीएम की दादा खादो हो रफिकुल्ला लिखी लिखो तुम ये ভালো করে লেখো দাদা। দাদা আগের কয়েনগুলো অ্যাড করে দিব, কি করে অ্যাড করবে দাদা তুমি? ফিনিক্স এই সানিউল আমি অ্যাড করে দেব। কিতনা ফি হ্যায় স্যার টুর্নামেন্ট কা? রোহন अगर आपको जानना है तो सारी चीज मैनेजमेंट की टीम बता देंगे, टेंशन नहीं लेने का रोहन मेरे भाई। आप जो है अज्जू भाई से थोड़ा अच्छा वॉइस है आपकी। सीताराम यार क्या कहते हैं, कल सवेरे आप मैनेजमेंट टीम के पास कॉल कीजिएगा, कॉल करने के बाद वही लोग रोहन भाई आपको सब चीज़ जो है बता देंगे, ठीक है रोहन भाई टेंशन नहीं लेने का। आगे बढ़ते आइकॉनिक के द्वारा नॉक, फ्लैश भी आगे बढ़ रहे हैं, फ्लैश भी आगे बढ़ रहे हैं। किसका आज के इंटरनेट के इशू चल रहा है बहुत ज़्यादा। आइकॉनिक नॉक हो चुका है, फ्लैश अकेले 1v1, देखते हैं कौन लेके जाता है फ्लश और कौन नॉक हो जाएंगे। ऐसे के साथ रिफत रेड्डी हाइट का एडवांटेज 10 HP में खत्म करके 4-2 से लीड, 4-2 से लीड लेते हुए। वाईफाई स्पोर्ट्स म्यूजिक विद थानिया, गुड नाइट मेरे भाई। हाँ रोहन दादा तुम्हारा रियल नेम की? दादा मेरा रियल नेम टीम के दादा। जी दोस्तों रोहन भाई अभी कॉल ना कीजिएगा, क्योंकि फिलहाल अभी मैनेजमेंट की टीम व्यस्त है टूर्नामेंट प्रोग्रेस में, तो आप जो है कल कॉल करने की कोशिश कीजिए, कल दिल में जब चाहे आप कॉल करके उन लोगों के पास से पूछ सकते हैं। म्यूजिक विद कार्तिक दादा तुम्ही की बीए हुए थे, तुम्हार की बीए हुए थे ना? हमार बीए होले हमें थोड़ी देखा ने बोसे थकतम दादा। आगे बढ़ते हुए फ्लैश और आइकॉनिक सामने रिफत। जी हाँ दोस्तों आज के इस टूर्नामेंट का तीसरा मुकाबला आप लोगों के सामने,
अब लोगों के सामने आज के इस मुकाबला का, आज के इस टूर्नामेंट का तीसरा मुकाबला चलता हुआ सनी उल। जस्ट मिनट मेरे भाई, पढ़ेंगे जस्ट मिनट पढ़ेंगे। ओके, इसी के साथ खत्म 5-2 से लीड वाईफाई स्पोर्ट्स के द्वारा, 5-2 से लीड। मोनिटाइजेशन हो गया छे। टीम के का फुल फॉर्म द मोस्ट किलर मेरे भाई, द मोस्ट किलर। दादा 4v4 कबे होबे अनिकेत FF? किछुदिन अपेक्षा करो, कल के जानी दी। कल के की टूर्नामेंट आछे एटा आमी एकबार एकटु जेने नी। एक मिनट, आमी मैनेजमेंट टीमेर काछ थेके एकटु जेने नी। शोम वर्ल्ड्स, आपको जो एक्सक्लेमेशन कॉइन्स लिखनी है, COINS, तभी जो है प्रॉपरली हो जाएगा। आपका जो है कॉइन कितना है बैलेंस शो करा देंगे, ठीक है। यही चीज थोड़ा सा लिखने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़ते हुए फ्लश के साथ आइकॉनिक, हाँ ये चीज देखिए अब शो हो चुका है। टीम के फुल फॉर्म नहीं यार, आगे बढ़ते आइकॉनिक, फिर इसी के साथ खत्म आइकॉनिक के द्वारा। 3-5 से कमबैक करते हुए धमाकेदार। जेने एक टू बोलो हमारे टीम करबो ताई तो आज के करलम आस्क करलम। अच्छा जरूर हमें एक ही मैनेजमेंट टीमेर का जेने बोले दीची, तुम्हें कल के कल कर जेने नीते पारो। कल कर ले ऑफिशियल जे व्हाट्सएप ग्रुप आछे सेखाने तुम्हें ऐड कर नियो। दादा कल के की टूर्नामेंट छिलो ना दीजे कार्तिक? ना दादा कल के कोनो टूर्नामेंट छिलो ना, कल के टूर्नामेंट छिलो अवश्य बट अनेक कष्ट हो गेछिलो तई कल के लाइव आसेनि। कल के एक छोटोखाटो सेलिब्रेशन मने मने करेछि कार्तिक फर्जी और रिफत। रिफत के ऊपर हमला, दो दो बंदे मिलकर हमला किए लेकिन फर्जी के द्वारा नॉक आए हैं। कौन फ्लैश अकेले? इसी के साथ एक और राउंड जो है खत्म हो सकते हैं। फ्लैश अकेले बचे हुए हैं। 1v2 का सिचुएशन फ्लैश के सामने, देखते 1v2 क्लच कर पाते हैं कि नहीं। 1v2 क्लच कर पाते हैं कि नहीं फ्लैश, ये देखने वाली बात होगी। बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं फ्लैश, एक ही गोली का बचा हुआ है। अच्छा कल के कॉल करेंगे वहाँ निकेत, ज़रूर। ओके, इसी के साथ फ्लैश बहुत ज़्यादा डैमेज हो भी चुका है और मेडी भी बहुत ज़्यादा लगा चुके हैं। अच्छा फ्लैश को फंसाने की कोशिश दो तरफ से फंसाने की कोशिश फ्लैश को। फ्लैश आगे बढ़ते हुए बहुत ज़्यादा डैमेज कर जाएंगे रिफत रेड्डी के द्वारा खत्म। 6-3 से लीड लेते हुए टीम वाईफाई 6-3 से लीड लेते हुए। चलो ये चीज़ कैसा है ये भी थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा, ये खुद ब खुद जो है आंसर मिल जा रहा है आपको आपकी क्वेश्चन। और एक जिनिस लिखे देव जे भालो आछो बट तुम्हार मने मने सेलिब्रेशने आमी छिलाम खूब मजा करेछी। हाँ सनीउल धन्यवाद अमर मने मने सेलिब्रेशने आसार जन्य। ओके, एक शायरी आया है सनीउल की तरफ से। अगर किसी पास तमीज का नंबर है तो प्लीज़ मुझे सेंड करें। अगर किसी के पास तमीज का नंबर है तो प्लीज़ मुझे सेंड करें, क्योंकि सब कहते हैं तमीज से बात करो। हाँ ये बात हम भी कभी कभी कहते हैं कि तमीज से बात करो। इसी के साथ खत्म। इसी के साथ 4-6 से कमबैक बैकअप शोमैन के द्वारा 4-6 से कमबैक होना स्टार्ट किया। आइकॉनिक और फ्लैश आया है दूसरे साइड में, रेफत और फर्जी आया है वाईफाई स्पोर्ट्स की तरफ से। देखते हैं कौन जीत के लेके जाता है ये मैच, आप जीतेंगे या ये प्लेयर लोग जीतेंगे। आप तो हमेशा कॉइन जीतते ही रहेंगे, बस हमेशा चैट पे एक्टिव रहिए, कमेंट कीजिए और कॉइन जीतना जो है चालू रहिए। चैट पे एक्टिव रहिए, कमेंट कीजिए और अपने नाम का जो है
कॉइन मतलब जांचते रहिए हर वक्त। खत्म एक और राउंड, 5-6 से कमबैक, देखते हैं 5-6 से कमबैक हो चुका है, 5-6 से कमबैक हो चुका है, देखते हैं कौन सी टीम इस मैच को लेके जाते हैं। बैकअप शोमेन की टीम कंटिन्यूसली कमबैक करने स्टार्ट कर दिए हैं। फ्लैश और आइकॉनिक, जहाँ दोस्तों शेयर ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि 1K सब्सक्राइबर हो चुका है यार, और स्ट्रीम पे इतना कम अगर जो है व्यूअर्स रहेंगे तो आप ही लोग की बेइज्जती होने वाली है यार। ओके नॉक आएंगे फ्लैश के द्वारा, जी हाँ इस बार फ्लैश के द्वारा नॉक, अकेले बंदे बचे हुए, रिफत को नॉक ले लिया, फर्जी वन बी टू और इसी के साथ कमबैक भी हो जाएंगे, शायद कमबैक भी हो जाएंगे। 6-6 के बराबरी में जाने वाला है ये मुकाबला। तीसरे मैच का रूम आईडीपी जरूर क्रिएट किया जाए। सनियुल जस्ट मिनट हम पढ़ेंगे, इस राउंड को ख़त्म कर लेते हैं। फर्जी के सामने 1v2 का सिचुएशन है, देखते हैं फर्जी 1v2 क्लच कर पाते कि नहीं। दो तरफ से हमला, फर्जी के ऊपर दो तरफ से हमला, ये राउंड क्लच करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि सामने फ्लैश और आइकॉनिक है। फर्जी अकेले 1v2, देखते हैं 1v2 अगर क्लच कर पाते हैं तो इसी के साथ जीत जाएंगे, अगर क्लच ना कर पाते हैं इसी के साथ खत्म और 6-6 से बराबरी। 6-6 से बराबरी हो चुका है बैकअप शोमेन की टीम के द्वारा। बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट मैच की ओर। नेक्स्ट मैच का रूम आईडीपी जा चुका है और जो दो नई टीम आने वाले हैं, प्रिंस तुहिन वर्सेस आरिफ गेमिंग आने वाले हैं चौथे मैच में। आप दोनों तैयार रहिएगा, ये मैच ख़त्म होने के तुरंत बाद ही जो है आपका मैच है। रूम आईडीपी आप लोगों के पास दे दिया गया है, आप लोग जल्द से जल्द रूम आईडीपी टाइप करेंगे और रूम के अंदर एंट्री ले लेंगे ज़्यादा वक्त ना जाया करके। फर्जी और रिफत सामने है, फ्लैश और आइकॉनिक। रिफत नॉक हो गए और गलती किए, फर्जी भी बहुत ज़्यादा डैमेज और इसी के साथ आइकॉनिक के द्वारा ख़त्म। और क्या ही कमबैक हमें देखने को मिला है, और बैकअप शोमेन के टीम बैकअप करके जो इस मैच को कहां से कहां तक पहुंच के लेके गए और जीत हासिल किए हैं। वाईफाई स्पोर्ट्स के हाथ में 3 राउंड तक मौका थे, 6 राउंड जब पहुंचे थे, फिर उसके बाद 3-3 राउंड जो है कमबैक किया है, 3 या 4 राउंड शायद कमबैक किए ये टीम डीजी वॉरियर के तरफ से आता हुआ। धमाकेदार गेम दिखा कि इस मैच का जो है जीत हासिल करके सेमीफाइनल खेलने का दावेदार बन चुका है बैकअप शोमैन की टीम। दूसरे साइड में टीम वाईफाई को जो है 6-7 से हार का सामना करना पड़ा है, जो है ये बैड लक है उनका, बेहतर कोशिश करने के बावजूद जो हार का सामना करना पड़ा, तो उनके लिए बेटर लग नेक्स्ट टाइम ज़रूर कहेंगे। और बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट मैच की ओर। कैमन आचो जॉडियम पिकिंग, अभी भालो आची जॉडियम पिकिंग, तुम्हें कैमन आचो? ओके अभी जो है एक शायरी आए हैं, हम पाठ करेंगे जस्ट मिनट, लेकिन उससे पहले रूम आईडीपी टाइप कर लेते हैं चौथे मैच का। डीजी वॉरियर आर गुड बट बेटर इज बेस्ट, BTR इज बेस्ट। अच्छा जी हाँ, ओके चौथे मैच का रूम आईडीपी आ चुका है, चौथे मैच का रूम आईडीपी हमने टाइप कर लिया। आकाश कैसे है, वेलकम आपको जो है ये अभी तक ये प्लेयर क्यों नहीं ऐड हुआ है। चौथे मैच में जो टीम खेलने वाले हैं यार, आप लोग आइए जल्दी आइए थोड़ा सा, क्योंकि आप कह रहे थे कि दादा थोड़ा सा जल्दी कीजिए, तो जल्दी करने की कोशिश किए ना, आप आइए जल्दी आइए। जन दोस्तों कल होने वाला है आप लोगों के लिए खुशखबरी, कल होने वाला है 1v1 का मुकाबला, 1v1 का मुकाबला कल होने वाला है।
100 ডায়মন্ডে কত 100 কয়েনে কোনো ডায়মন্ড নেই দাদা, 100 কয়েন গেইন করতে কতক্ষণ লাগে? সোমেন ওয়ার্ল্ড 100 কয়েনে যদি ডায়মন্ড দিই, আমি অত বড় লোকের ছেলে নই যে তোমাদেরকে পার 100 কয়েনে ডায়মন্ড দিতে থাকবো। দেব দাদা, অবশ্যই দেব ভাই। অবজার আ সকতা হু ক্যা? নেই রোহন ভাই, অবজার নেই আ সকতে, রেস্ট্রিকশন হ্যাঁ অবজার মে আনা। अगर आप आ भी जाते हैं तो आपको जो है किक कर करा दिए जाएंगे, तो ये चीज़ एक बुरी चीज़ है। अगर किसी को किक करेंगे तो हमें तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप ओबी में आके किक खाना चाहते हैं तो आ सकते हैं। आकाश स्पेस दिशा, हाँ आकाश ऐसे देखिए, फिनिक्स जो मैसेज जैसे टाइप की एक्सक्लेमेशन कॉइन वैसे टाइप कीजिए, आपको पता चल जाएंगे। हाँ देखिए ये चीज़ जय दोस्त इसी के साथ दादा 1.3 के माने टोटल कत दादा? 1330 सम्भवत, 1330 सम्भवत। ओके 100 डायमंड, 100 डायमंड कत कॉइन पा? 100 डायमंड पावे ना दादा, हमरा डायरेक्टली बड़ो बड़ो जिनिस रखार चेष्टा करेछि। आर जेटा एकटा सियोरली एई कॉइनेर ब्यापारटा माने কয়েনের ব্যাপারটা মানে যে একটা শিওরলি জিনিস যে তোমরা দাদা পাবেই, যখন তোমাদের খাতাতে কয়েন সেই মোতাবিক পৌঁছে যাবে তোমরা অবশ্যই পাবে দাদা। রুম পাস বলো, রুম পাস বলে দিলে তো হয়ে গেল কার্তিক। রুম পাস নিতে গেলে তোমাকে স্লট নিতে হবে, তারপরে রুম পাস পাবে। আর যদি তুমি স্লট নিয়ে থাকো তো ম্যানেজমেন্টের টিম তোমাকে রুম পাস দিয়ে দেবে, সমস্যা নেই। তো আমি তোমাকে দেখিয়ে দিই, 5000 কয়েনে 240 রিডিম কোড, 10,000 কয়েনে 400 এর রিডিম কোড, আর 15,000 কয়েনে 800 এর রিডিম কোড। আরিফ কা খেলা দিখাবে? হ্যাঁ জরুর হাফিজুল মোল্লা, জরুর দিখাবো দাদা, জরুর দিখাবো দাদা। এম জি গেমিং কংগ্রেচুলেশন, ধন্যবাদ দাদা, ধন্যবাদ এম জি গেমিং মেরে ভাই। ऐसे देखिए मेरा कॉइन कितना हुआ है, मेरा कॉइन कितना कॉइन हुआ है, ये देखिए मेरा खुद का भी कॉइन कितना ज़्यादा हुआ है, ये देखिए आपसे ज़्यादा, आप लोगों से ज़्यादा, ये देखिए आप सभी लोगों के, आप सभी लोगों से ज़्यादा मेरा कॉइन है, ये देखिए, देख पा रहे हैं आप? ओके राजीबुल और मुक्सेद आए हैं और इरफान अकेले। अच्छा मेरा कितना कॉइन है देख रहे हैं आप? जी हाँ दोस्त, आप लोग गेम पे बने रहिए दादा। कतो कॉइन होले फ्री रिचार्ज पाबो? अरे ओटा दादा तुम्हें जो मन करो जे रिचार्जर बेपार तो 5000 जोगाड़ करो एम जी गेमिंग दिए देव 240 जगह। हाँ सैन्यूल 15,000 कॉइन कमिंग सून। जी हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल का सबसे ज़्यादा कॉइन गेन करने वाला हमारे मेंबर है सैन्यूल। इसी के साथ टीम दोनों के दोनों तैयार हो चुकी। जितने सारे नए मेंबर्स हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक चीज़ आपको सब्सक्राइबर काउंट एक और बार देखते हैं कितना हुआ है, देखेंगे। हाँ ये देखिए आप लोगों के सामने शो हो चुका है यार, इंक्रीज़ कीजिए, इंक्रीज़ कीजिए, इसको और भी थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, इसको और भी थोड़ा आगे बढ़ाइए यार। এই কয়েন সিস্টেমটা কি? এই কয়েন সিস্টেমটা নতুন কয়েন সিস্টেম দাদা, পুরনো যে সিস্টেমটা ছিল আমাকে ম্যানুয়ালি সব কিছু করতে হতো, এই কয়েন সিস্টেমে দাদা আকাশ এটা আপনি আপ কাজ করতে থাকবে এবং আমার কাজটা একটু কমবে। আর পুরনো যে ব্যালেন্সগুলো ছিল সেই পুরনো ব্যালেন্স তোমাদের খাতাতে চলে যাবে, টেনশন নেওয়ার কোনো দরকার নেই। তোমাকে লোন দেবো, ইনস্টলমেন্টে কত করে পে করবে তুমি দীপঙ্কর দত্ত? ইনস্টলমেন্টে কত করে পে করবে? আগে জিকে সাথ রুম তো তৈয়ার হচ্ছে, চতুর্থ ম্যাচকে স্টার্ট কিয়া যায়।
स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए ज़्यादा। अरे यार कार्तिक देखिए ना ये लोग कैसे अपना कॉइन जान रहे हैं, आप भी जानिए, आप भी जानिए इस चीज़ को दोस्तों यार। और 3 लाइक बाकी है, जल्दी कंप्लीट कर दो, जीप मिलेगी सबको। ओके 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 4v4 कब से होगा ब्रो? सूरज व्लॉग्स 4v4 कल 1v1 का मैच होने वाला है, 4v4 हम परसों करते हैं। তুমি বলো দাদা কত লাগবে তোমার, তোমরা একটা ইনস্টলমেন্ট রেট ফিক্স করো তারপরে বলো, এসে আমি দিয়ে দেবো, সমস্যা নেই দত্তবাবু, দত্তবাবু দিয়ে দেবো, সমস্যা নেই। তোমরা কয়েন গেইন করতে থাকো, কয়েন গেইন করতে থাকো। প্রিডিকশান বন্ধ আছে, প্রিডিকশানের ব্যাপারটা আমরা ক্যান্সেল করে দিয়েছি, অনেক ঝামেলা এতে। তোমরা স্ট্রিম দেখতে দেখতে কয়েন গেইন করতে থাকো, এখানে কোনো সমস্যা নেই, এবং নিজেদের কয়েন সুরজ তুমি নিজেই দেখতে পাবে, আর প্রত্যেক মিনিটে মিনিটে তোমাদের খাতাতে কয়েন অ্যাড হতে আছে। তোমরা কয়েন ওখান থেকেই যেত, হারার কোনো সমস্যা থাকবে না, তোমরা কয়েন শুধু জিততেই থাকবে। স্ট্রিম দেখে দেখে কয়েন জেতা মানে তোমরা শুধু কয়েন জিততেই থাকবে, তোমাদের খাতা থেকে কয়েন আর কাটা যাবে না, তোমাদের খাতাতে কয়েন বাড়তেই থাকবে। হ্যাঁ লে লর্ড এর গেম প্লেটা দেখাবে প্লিজ ব্রাদার। আচ্ছা লর্ড এর গেম প্লে দেখাবো, ওকে গ্যাংস্টার কে তরফ সে আয়ে হ্যায় লর্ড, দেখতে হ্যায় নয় প্লেয়ার হ্যায় গ্যাংস্টার কে তরফ সে আতা হুঁ, नए प्लेयर कैसे गेम देते हैं। दोस्तों शेयर वगैरह कीजिए यार, व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो गए, आप लोग क्या कर रहे हैं, 1K कंप्लीट हो गए, इसका थोड़ा सा कुछ मर्यादा रखिए आप लोग। इसी के साथ स्टार्ट हो चुका है आज का चौथा मुकाबला, माफ़ कीजिएगा दादा, तुम्हारे साथ यार की मेरे मौजा से। अच्छा जी नेक्स्ट टाइम थे तुम्हारे कमेंटर जवाब निजे निजे दिए देवे हमारे मॉडरेटर बाबू মিষ্টি পাগল FF দাদা ভালো আছো, আমি ভালো আছি, তুমি কেমন আছো, তুমি কেমন আছো, আগে বাড়তে হবে। बैठे लॉर्ड सामने है, इरफान देखते हैं, राजीव और मुस्कान, चारों के चारों नए प्लेयर, चारों के चारों नए प्लेयर। मुक्सेद को नॉक ले लिया गया है लॉर्ड के द्वारा, लॉर्ड का डिजर्ट दादा इतना अच्छी आईडी टा अनफ्रेंड करे देवे ओटा, ओके 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 हमारा आईडी ना है, ओके हमें अनफ्रेंड कर दो, समस्या नहीं। इसी के साथ लॉर्ड जो है डेजर्ट लगाने की कोशिश करे, एक डेजर्ट तो लगाया है लॉर्ड के द्वारा, एक डेजर्ट आया है, एक डेजर्ट आया है, दूसरा डेजर्ट लगाने की कोशिश, लेकिन नॉक नॉक हो चुके राजीव के द्वारा, राजीव आगे बढ़ रहे हैं, खत्म कर दिए जाएंगे राजीव के द्वारा, डबल चेक डाउन। और पहला राउंड हमने खाते में लिया है, पहला राउंड हमने खाते में लिया राजीव ने, और आरिफ गेमिंग, आरिफ गेमिंग के तरफ से आया है राजीव और मुक्सेद, और दूसरे साइड में है प्रिंस तुहिन के तरफ से इरफान और लॉर्ड। ओके ছোটো টিম কে SMS এ রিপ্লাই দিয়ে দেবে নেক্সট টাইম থেকে। হ্যাঁ ওটা আমার একটা ফ্রেন্ডের আইডি, ওর সাথে ঝগড়া হয়েছে, আর ঝগড়া আমি তোমাদের পাড়াতে যাবো, গিয়ে একদিন চা খাবো টিম কে সব মেম্বারদের সাথে। হ্যাঁ জরুর 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 দত্তবাবু জরুর জরুর চা খাওয়ানো হবে, টেনশন নেই। তুমি যদি চা খেতে চাও একবার চায় লিখে দাও কমেন্টে, দত্ত CHAI একবার কমেন্ট করো দত্ত, বুঝতে পারবে চা তোমাকে এক্ষুনি চা পৌঁছে দেবে, CHAI দত্ত কমেন্ট করো। আগে আয়ে হ্যায় ফির সে ইরফান কো নক, ইস বার লর্ড আগে বাড়তে হুয়ে, 1v2 ফির সে, 1v2 ফির সে হ্যায়, দেখতে 1v2 ক্লাচ কর পাতে কি নেহি। এক মিনিট ইয়ার দোস্তো ম্যানেজমেন্ট কি তরফ সে কো,
मजे मजे लेते रहिए। कल हम कोशिश करेंगे, यहाँ पे जो एक चीज़ सिर्फ कमेंट आ रहा है इसमें हम कल एक चीज़ और ऐड करेंगे, आप सभी लोगों के नाम से ये कमेंट शो होंगे। आरिफ गेमिंग बोलछी दादा खेलाटा कैमन लागजी, मस्त भलो ही लागजे दादा। राजीव का 3 फिनिश, मुकसद का 1 और दूसरे साइड पे लॉट और इरफान अभी तक खाता ही नहीं खोल पाया है, 2-0 से लीड, 2-0 से लीड लेते हुए। दादा 5000 कॉइन होले रिचार्ज टा पावो ओटा डाकाते की तुमी देवे। हाँ दादा आमी देवो, दादा आमी देवो ना तो के देवे, दादा के देवे, आमी देवो ना तो के देवे। आगे बढ़ते हुए शायन CHAI चाय यार, आगे बढ़ते मुकसद और राजीब और दूसरे साइड में लॉर्ड और इरफान। लॉर्ड इरफान जो है सच दर्ज के तो बढ़िया आए हैं, लेकिन गेम फिलहाल जो है उतना खास, स्पीड तो बढ़िया है। दूसरे साइड में दादा बच्चा चेले खेलर हो गए थे, बच्चा चेले बोलते अनस्टॉप 69 जो दी कथा तुम बोले थको अनस्टॉपर खेला तो हो गए थे। जहीर मंडल आगे बढ़ते हुए एक और नॉक आया है किसके द्वारा, इस बार मुकसद नॉक, राजीव को भी खत्म कर दिए जाएंगे। 1v2 राजीव के सामने, राजीव के सामने 1v2 आए हैं और इरफान के द्वारा डबल टेक डाउन और 1-2 से कम बैक, 1-2 से कम बैक। अत टाका कोथाय पावे तुम सबाई के देवर जो भिक्षा करब दादा, भिक्षा कर देव, भिक्षा कर देव। क्या करे देवो दादा, एमजी गेमिंग दादा की सपोर्ट करो। हाँ कॉइन तुम ऐड करते थको, तार पोरे की भावे देवो ना देवो शेटा आमा के भावते दाओ दादा, शेटा क्या आमा, शेटा आमा के भावते दाओ। तुमरे स्ट्रीम चा कंटिन्यूअसली देखते थको ताहोले तो यार এই যে মানো যে চ্যানেল থেকে যদি কোনো রকম রেভিনিউ কিছু আসে দাদা, সব জিনিসগুলো আমরা চেষ্টা করব তোমাদের ভালো, মানে তোমাদেরকে কিছু গিফট বগেরা দেওয়ার জন্য আমরা এই বিষয়টা ব্যবহার করব। আর কয়েনের ব্যাপারটা কি এমন সিস্টেম দাদা, রাজীব কে দ্বারা ফের সে ডাবল টেক ডাউন, রাজীব কে দ্বারা ডাবল টেক ডাউন আর 3-1 লেতে হুয়ে, 3-1 से लीड लेते हुए नए टीम धमाकेदार गेम दिखा रहा है। आसिफ गेमिंग, आरिफ गेमिंग, आरिफ गेमिंग माफ कीजिए, आरिफ गेमिंग कस्टम बनाबो क्या मैं बैक गेमिंग का है यार, अमन बोलते नहीं दादा कौन सी चीज़ के लिए बैट गेमिंग इतना अच्छी बाड़ी ते आची बाड़ी ते ऐसे गिए जाची। अच्छा 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 बाड़ी ते जब कभी कोई नए बंदा आके सबसे पहले कमेंट वो अपने तरफ से छोड़ेंगे तो हमारे तरफ से हमारी छोटी टीम के आपके कमेंट का जवाब देंगे कि वेलकम टू आवर स्ट्रीम, चाय लोगे या कॉफ़ी, फिर अगर आप पूछते हैं चाय तो फिर उसके बाद मुकसाद को फिर से नॉक, फिर से राजीव के सामने 1v2 का सिचुएशन, फिर से राजीव के सामने 1v2 का सिचुएशन देखते हैं राजीव 1v2 क्या क्लच कर पाएंगे, 1v2 क्या क्लच कर पाएंगे रजीब। अलमीन गाजी दादा कैमन आछेन, आमी भालो आछि अलमीन गाजी, तुमी कैमन आछो अलमीन गाजी। नाइट शॉट वेलकम टू द स्ट्रीम, कैसे है। ओके इसी के साथ रजीब, रजीब आगे गया है, रजीब आगे गया है, 1v2 का सिचुएशन है, 1v2 का सिचुएशन रजीब के सामने। ये वाला राउंड कमबैक हो जा सकता है, ये वाला राउंड जो है कमबैक हो सकते हैं। राजीव डेजर्ट का हेडशॉट लगाने की कोशिश, राजीव डेजर्ट का हेडशॉट लगाने की कोशिश। अच्छा तो मतलब तापू खत्म, इसी के साथ खत्म। 2-3 से कमबैक हो चुका है, 2-3 से कमबैक स्टार्ट किए हैं, 2-3 से कमबैक टीम के दादा। हमार नेम ओके, तुम्हार नेम तपोष, ठीक है अच्छे तपोष, एमपी गेमिंग तपोष, ठीक है अच्छे। मच्छर बहुत काट रहा है यार,
दोस्तों आप लोग गेम का आनंद लेते रहिए, गेम का आनंद लेते रहिए दोस्तों, गेम का आनंद लेते रहिए। Why do I always leave me? Why do I?
यार सब थोड़ा सा नेचर के साथ बातचीत करने गए थे दोस्तों, बातचीत करके फिर वापिस आ चुके हैं। हर पॉइंट का किंग कौन है आज, थोड़ा सा हम चेक हम भी कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, पॉइंट का किंग आज कौन है ये थोड़ा सा आप लोग ही डिसाइड कर लीजिएगा। इसी के साथ दोनों के दोनों नई टीम धमाकेदार गेम दिखाते हुए 5-5 से बराबरी हो चुका है, 5-5 से बराबरी हो चुका है दो टीमों के बीच धमाकेदार। राजीव का 8 फिनिश हो चुका है, मुक्सेद का 3, दूसरे साइड में लॉर्ड का 5 और इरफान का 5। तो मैं कॉइन चोको तक ही बोल रहा हूँ। ओके ओके ओके, सॉरी माय मिस्टेक। ओके, इसी के साथ ये चौथा मुकाबला धमाकेदार देखने को हमें मिल रहा है दो नए टीम के द्वारा धमाकेदार कॉइन हमें मैच हमें देखने को मिल रहा है दादा आज के फिनिक्स कॉइन किंग। जी हाँ ज़रूर। इरफान और लॉर्ड सामने बचे हुए हैं, राजीव और मुक्सेद। ये राउंड जो लेके जाएगा जीत उनके खाते में जाने का जो है चांस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आरिफ गेमिंग के तरफ से आए हैं मुक्सेद और राजीव, दूसरे साइड में गेम देते हुए प्रिंस तुहीन और प्रिंस तुहीन के तरफ से लॉर्ड और इरफान। ओके ओके आई एम फेल सनील, তুমি একটা শায়রি পেশ করেছিলে কমেন্টের ভিড়ে, আমি তোমার শায়রিটা দেখতে পাইনি, আরো একবার পেশ করার চেষ্টা করবে। জিকে সাথ इरफान लॉर्ड के द्वारा नॉक, रिवाइव देने की कोशिश, रिवाइव दे दी जाएंगे दोनों मेंबरों के द्वारा रिवाइव हो चुका है। जोन में फंस सकते हैं ये टीम जोन में फंस सकते हैं। राजीव और मुक्सेद, राजीव पीछे से आए हैं, गलती कर बैठे, जीरो हेल्थ पे आए हैं, मुक्सेद अंदर आए हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, ग्लू बॉल फोड़ दी जाएंगी 10 HP में। इसी के साथ खत्म 6-5 से लीड लेते हुए। ओके शो नहीं करेंगे। ओके हम हमारी काइंड का शो नहीं करेंगे, ठीक है। इसी के साथ प्रिंस तुहीन के द्वारा फिलहाल लीड लेके बैठे हुए हैं और नए टीम आरिफ गेमिंग फिलहाल पिछड़े हुए हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा गेम खतरनाक दिखा रहे थे राजीव और मुक्सेद, लेकिन कमबैक करना स्टार्ट किया है लॉर्ड और इरफान ने कमबैक करना स्टार्ट किया और इसी के साथ कमबैक का यात्रा इनके साथ कंटिन्यू होता हुआ। ओके किंग सनील की तरफ से क्या कमेंट आया है, शायरी पेश किया गया है, कुछ बात याद रखना। जिंदगी में हम तुम साथ नहीं रहेंगे, लेकिन हम कभी मिले तो ये बात जिंदगी भर याद रखना। जी हाँ ज़रूर याद रखने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे जब तक TMK है, तब तक अगर आप लोग हैं तो ज़रूर याद रखी जाएगी। और जितने सारे मेंबर्स पहले दिन से हमारे इस चैनल में है, इस चैनल के हिस्ट्री में आप सभी के नामों को जो है सुनहरे अक्षर पर लिखा जाएगा। पुराने जितने सारे मेंबर्स हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं, आप सभी के प्यार से हमारे ये छोटे से चैनल, ये चैनल हमारी अकेले की नहीं है दोस्तों, आप सभी के प्यार से ये आगे बढ़ रहा है। तो इसमें आप सभी का प्यार है, और अगर आप सभी का प्यार नहीं रहता तो शायद ही हमारे चैनल इतना दूर तक पहुंच पाता। तो हम भी जितने दिन तक बने रहने की कोशिश करेंगे, आप भी बने रहिएगा, बस यही। आगे बढ़ते हुए लॉर्ड और इरफान सामने है, राजीव और मुक्सेद। मुक्सेद का 3 फिनिश, राजीव के साथ अगर मुक्सेद इक्वली गेंद देते हैं तो ये राउंड एक और कमबैक हो सकता है। मोहब्बत मुसीबत है करे क्या। अच्छा मैच को देख लेते हैं। राजीव मुक्सेद के द्वारा नॉक, लॉर्ड को नॉक ले लिया गया है। इरफान अकेले 1v2 इरफान के ऊपर हमला आएंगे। राजीव का इसी के साथ पीछे से राजीव के द्वारा खत्म, और 6-6 से बराबरी हो चुका है मुकाबला। समीम इस्लाम लव यू टू मेरे भाई समीम दादा। ओके
मोहब्बत मुसीबत है करे क्या, पर अपनी जरूरत है करते क्या, जरूरत है करे क्या। हम तो उनसे बचकर चलना चाहते हैं, अच्छा हम तो उनसे बचकर चलना चाहते हैं, पर वो खूबसूरत है करे क्या। हाँ ये बात वन के होएगा चाहे हमारे किचु गिफ्ट करो निमाई बीरा जरूर गिफ्ट करो दादा। কয়েনের ব্যাপারটা ওয়ানকেতে তোমাদের সামনে এনে দেবো বলেছি দাদা, দিয়ে এনে দিয়েছি কয়েনের ব্যাপারটা। আস্তে আস্তে সব জিনিস আসবে, গিফট অবশ্যই আসবে। আর তোমরা তো তোমাদের টিমটাকে রোজই আজ এত পর্যন্ত চ্যানেল চালিয়ে আমরা যতটুকু না রেভিনিউ আর্নিং করতে পেরেছি তার থেকে বেশি তো তোমাদের রেভিনিউ আর্নিং। মুকসেদকে দৌড়ানো আয়া হ্যাঁ, মুকসেদকে হাত মে মৌকা একই গোলি কা বন্দা বাঁচা হুয়া হ্যায়, অসি কে সাথ মুকসেদকে দ্বারা খতম। और 7-6 से इस मुकाबला को जीत हासिल की है आरिफ गेमिंग, धमाकेदार धमाकेदार जीत हासिल की है आरिफ गेमिंग के टीम। पहली बार आके ही क्या ही बेहतर गेम दिखा के गए हैं, क्या ही बेहतर गेम दिखाए गए हैं आरिफ गेमिंग के टीम। धमाकेदार गेम दिखा आरिफ गेमिंग के टीम। और राजीव के द्वारा 9 फिनिश करके इस मैच के MVP आए हैं। लेकिन दूसरे साइड में देखा जाए तो प्रिंस तुहीन के तरफ से जो दो टीम प्लेयर आए हैं, प्रिंस तुहीन के तरफ से जो प्लेयर आए थे इरफान और लॉर्ड, ये दोनों मिलके भी बहुत कोशिश किए थे कि इस मैच को जीत के जाए, लेकिन किस्मत का पल उनके साथ साथ नहीं दिया है, तो इसीलिए जो इनको हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन उनके लिए हम बेटर लग नेक्स्ट टाइम कहने वाले हैं। और कॉन्ग्रेचुलेशंस आरिफ गेमिंग के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे भाई, आप जो है पहली बार आके ही सेमीफाइनल खेलने का दावेदार बन चुके हैं, सेमीफाइनल खेलने का दावेदार बन चुके हैं। देखेंगे आप के टीम का गेम फिर से सेमीफाइनल में। और एक जो टीम एक और अनाउंसमेंट दोस्तों, आप सभी को पता है कि अगर आप के किसी भी प्लेयर को डिस्कॉर्ड में अगर बुलाया जाएगा तो 5 मिनट के अंदर आपको डिस्कॉर्ड में आना है। 5 मिनट के अंदर अगर आप डिस्कॉर्ड में नहीं आते हैं, 5 मिनट के अंदर अगर आप जो है डिस्कॉर्ड में नहीं आते हैं तो आपकी टीम डिस्क्वालीफाई हो सकता है। तो स्पॉन्सर भाइयों के लिए ये एक कड़ी सूचना है, अगर आप जो है हमारे बात को नकारते हैं, अगर 5 मिनट के अंदर अगर किसी भी प्लेयर को डिस्कॉर्ड में बुलाया जाता है तो अगर 5 मिनट के अंदर आप डिस्कॉर्ड में ऐड नहीं होते हैं तो आपको आपकी टीम डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नाइट बॉट वेलकम टू द स्ट्रीम फिनिक्स भाई, एटा की ठीक बोलसे दादा, हाँ बोलसो दादा, हाँ 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 दीपंकर दत्त, ओके वाइट ब्रो कैन यू सेंड मी रिक्वेस्ट, हाँ जरूर नाइट बॉट, लेकिन फिलहाल मैच के दौरान तो नहीं भेज पाएंगे। ओके नेक्स्ट सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। पहला मैच तो खत्म हो चुका है, साथ सेमीफाइनल का रूम आ चुका है, सेमीफाइनल का रूम IDP हमारे पास से हो चुका है। जस्ट अ मिनट, जो दो टीम सेमीफाइनल में खेलने वाले हैं आप लोग जल्द से जल्द रूम के अंदर आ जाइएगा, जल्द से जल्द रूम के अंदर आ जाइएगा। हम अभी रूम के अंदर एंट्री ले लेते हैं, रूम के अंदर अभी एंट्री ले लेते हैं, जस्ट अ मिनट। मूड नॉय भाई ओटामा, ओके ओके जी अंदर से सेमीफाइनल का रूम IDP आ चुका है, पहला सेमीफाइनल का जल्द से जल्द ऐड करते हैं और आप लोगों को जो है पहले सेमीफाइनल मैच का कुछ नज़रिया दिखाने की कोशिश करते हैं। पहला सेमीफाइनल जो दो टीमों के बीच होने वाला है, आप दोनों जो है, अरे यार एक मिनट, जस्ट मिनट दोस्तों, जस्ट मिनट, दोनों के दोनों टीम जो है तैयार हो चुके हैं, हमें ही आना बाकी है और हम भी आ चुके हैं, इसी के साथ स्टार्ट किए जाएंगे। जो बात हम कह रहे हैं दोस्तों इसके ऊपर भी थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अगर आपकी टीम के किसी भी प्लेयर को अगर डिस्कॉर्ड में बुलाया जाता है तो 5 मिनट के अंदर आपको आनी है, 5 मिनट से ज़्यादा वक्त अगर आप लगाते हैं तो आपकी टीम डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं, इस चीज़ पे भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आलम भाई डी सरीफुल, दूसरी साइड में पीयूष और आइकॉनिक, इस बार प्लेयर चेंजेस हुआ है आइकॉनिक के साथ, और पहला सेमीफाइनल स्टार्ट हो चुका है, पहला सेमीफाइनल स्टार्ट। इट्स माई फोन प्रॉब्लम, अच्छा
Free Fire India is set in a virtual world, and it's not based on the real world. पहला सेमीफाइनल तैयार हो चुका है, पहला सेमीफाइनल तैयार हो चुका है। निमाय बीरा, अगर आपको कॉइन जाननी है तो आप एक्सक्लेमेशन कॉइन लिखिए, आइकॉनिक। हाँ नहीं यार, जिम प्रिडिक्शन नहीं, प्रिडिक्शन बंद किया गया है। जिम आपको जो है स्ट्रीम देख के कॉइन गेन करनी होगी। अब प्रिडिक्शन में बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती है। अब जो है आपके खाते से कॉइन काटी नहीं जाएंगी, सिर्फ जो है ऐड होने वाले हैं आपके खाते में कॉइन। हर मिनट में आपके खाते में कुछ कुछ कॉइन ऐड होते रहेंगे। बस दादा बोल सी दादा, अमार खेलते गेले की पड़ते हबे। जईर मंडो दादा, खेलते गेले मैनेजमेंट टीमेर नंबर देवा आछे, सेखाने कॉल करे स्लॉट बुकिंग करते हबे। पीयूष आगे बढ़ते हुए, पीयूष आगे बढ़ते, लेकिन पीयूष नॉक हो चुका है। आइकॉनिक भी बहुत ज्यादा डैमेज। पहला तुंता स्पोर्ट्स वर्सेस, पहला सेमीफाइनल हो चुका है। एक मिनट, बैकअप शोमैन वर्सेस तुंता स्पोर्ट्स। इसी के साथ तुंता स्पोर्ट्स के द्वारा खत्म। पहला राउंड लिया है तुंता स्पोर्ट्स ने। अगर आपको कॉइन जीतनी है जिम, तो स्ट्रीम को देख देख के कॉइन जीतनी होगी यार। यार प्रेडिक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, मैनुअली मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसीलिए एक चीज़ जो है शो करा दिया। अब हर रोज़ अगर स्ट्रीम को अगर आप देखते हैं तो 400 से 500 कॉइन इजीली गेन कर पाएंगे, अगर आप जो है कंटिन्यूअली स्ट्रीम को देखते हैं तो। हर मिनट के बाद आपके खाते में कॉइन ऐड होते रहेंगे, टेंशन नहीं लेने का। तो अगर काटने का और डर नहीं रहेगा कॉइन, बस ऐड करते रहिए। आगे बढ़ते हुए आइकॉनिक के साथ पीयूष, और दूसरे साइड में शरीफुल और आलम भाई। ये मैच भी खतरनाक होने वाले हैं दोनों के दोनों टीमों के द्वारा खतरनाक मैच होने वाले हैं। जी हाँ, तो जितने सारे भाई लोग देख रहे हैं शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये मैच बहुत ही बेहतर होने वाला है। सेमीफाइनल का पहला मैच आप लोग के सामने शो हो चुका है। गेमिंग स्पोर्ट्स, कॉइन जाननी हो तो आप बस एक्सक्लेमेशन कॉइन लिखिए। आगे आए हैं पीयूष के हाथ में मौका यूएमपी का, लेकिन पीयूष नाउ आइकॉनिक अकेले। 1v2 फिर से आइकॉनिक के सामने डैमेज आएंगे, 1v2 फिर से आइकॉनिक के सामने डैमेज आएंगे। दादा इटा की हाँ दादा, इसी के साथ फिर से खत्म सरीफुल के द्वारा। 2-0 से लीड तुंता स्पोर्ट्स, 2-0 से लीड तुंता स्पोर्ट्स। जहीर मोंडोल जी हाँ मेरे भाई, फिनिक्स का कितना ज्यादा कॉइन हो चुका है, 213 कॉइन हो चुका है फिनिक्स। बहुत ज्यादा कॉइन अब गेन कर लिए है आज, बहुत ज़्यादा। जैसे कि इतना सारा मैच हुआ, अगर इसमें आप ये जो 200 कॉइन जीतने के लिए आपको कितनी मशक्कत करनी होती थी यार, प्रिडिक्शन करनी, फिर जो है अगर हार जाते तो उसमें कॉइन कट। खासकर आप जो है प्रिडिक्शन में हर रोज़ 200 ही कॉइन गेन कर पाते थे, लेकिन इसमें जो है आप कंटिन्यूअली अगर स्ट्रीम को देखते रहते हैं तो आपके खाते में 400 से ज़्यादा कॉइन ऐड हो सकते हैं हर दिन, पर डे। आगे बढ़ते हुए लेवल धमाकेदार आइकॉनिक के द्वारा डेजर्ट का शॉट आ चुके हैं। एक और सरीफुल अकेले, ये वाला राउंड कमबैक हो जाएंगे। बैकअप शोमैन टीम के द्वारा ये वाला राउंड कमबैक होने की पूरी आशंका है। तो जितने सारे भाई लोग बने हुए हैं शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आप लोग के चहेते जितने सारे भाई हैं फ्री फायर को पसंद करते हैं वो लोग इस मैच का जो है आनंद उठा पाए। इफ़ गेमिंग स्पोर्ट्स, आपके बैलेंस शो करा दिया गया है, आप देख लीजिए चैट पे। अब आप सभी के क्वेश्चन का जवाब जो है चैट खुद ब खुद देने वाले हैं आपको, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम ऐड करने वाले हैं। जहीर मोंडोल दादा, यदि तुम्हार खूबी মানে মনোযোগ সহকারী ইচ্ছা যদি থাকে যে তুমি আমাদের এখানে এন্ট্রি নিয়ে স্লট নিয়ে খেলা করবে, তো ম্যানেজমেন্ট টিমের নাম্বার দেওয়া আছে,
যে কোনো একটা কয়েন নাম্বারে কল করে কালকে যে কোনো একটা নাম্বারে কল করে তুমি সব জিনিসপত্রগুলো জেনে নিতে পারবে, রুলস রেগুলেশন সেন্ট্রি বগেরা বগেরা বগেরা। আর এসে কে সাথ খতম, এসে কে সাথ খতম। সরিফুল আকেলা বচে হুয়ে থে, পিয়ুষ কিতনা জাদা ড্যামেজ, আইকনিক কিতনা জাদা ড্যামেজ হো চুকা, পিয়ুষ কে দ্বারা খতম করকে জো হ্যায় 2-1 সে কম ব্যাক, 2-1 সে কম ব্যাক, ব্যাকআপ সোমেন কি টিম। কিন্তু আমি ও দু একদিন দাদা, দু একদিন, রোজ রোজ তো নয়, রোজ রোজ তো নয়, দু একদিন। কিন্তু এখানে যে কন্টিনিউয়াসলি তোমরা কয়েনটাকে অটোমেটিক্যালি জিততেই থাকবে, জিততেই থাকবে। আর নতুন সিস্টেম দাদা, এখানে অনেক কিছু জানার আছে, আমি আস্তে আস্তে জানার চেষ্টা করছি সব বিষয়ে। যখন জেনে যাব একজন প্রফেশনাল স্ট্রিমারের মতো, যখন আমি সব বিষয়টা জেনে যাব, তো অবশ্যই বিষয়টা একটা আলাদা থাকবে এবং তোমাদের এই সিস্টেমটা তোমরা আরও বুঝে যাবে এবং অনেক অনেক নতুন নতুন জিনিস তোমরা স্ট্রিমে দেখতে পাবে এবং অনেক আনন্দও পাবে তোমরা। আগে বাড়ানোর কি কোশিশ পিউস কে সাথ আইকনিক, দুসরে সাইড মে ডি সলিফুল আর আলম ভাই, ডি সলিফুল আর আলম ভাই, ডি সলিফুল আর আলম ভাই। তাহলে এটা ঠিক না, কয়েন লাগাতে মজা হতো, এটাতেও তো মজা, এটাতেও মজা, আরো অনেক মজার মজার জিনিস আসবে। প্রথম থেকে আসলই নিমায় দাদা, সেই জন্য তুমি মজাগুলো মিস করেছো, সেই জন্য তুমি মজাগুলো মিস করেছো। এদিকে সাথ আইকনিককে দ্বারা ফেসে সারিফুল কো খতম, আলম ভাই আকেলে, আলম ভাই আকেলে, আলম ভাই আকেলে, 1v2, 1v2 আলম ভাই কে সামনে দেখে। আলম ভাই 1v2 কে ক্লাচ কর পায়েঙ্গে, 1v2 কে ক্লাচ কর পায়েঙ্গে। डैमेज बहुत ज़्यादा, डेजर्ट लगाने की कोशिश पीयूष और आइकॉनिक, आइकॉनिक डेजर्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और राउंड कम बैक हो जाएंगे और 2-2 से बराबरी भी हो सकते हैं ये मैच, 2-2 से बराबरी भी होने का आशंका ज़्यादा है। इसी के साथ डैमेज बहुत ज़्यादा दिया है किसको, पीयूष को नहीं, आइकॉनिक को बहुत ज़्यादा डैमेज, आइकॉनिक बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं। जहाँ दोस्तों कल होने वाला है एक और 1v1 का मुकाबला, मैं एक बार আমাকে দেখো, দোস্ত দু ম্যাচ বাকি হ্যায়, জলদি খতম করেন কি কোশিশ করেন, আজকে স্ট্রিম ভি জল্দ সে জল্দ খতম কর দেন, কিন্তু রাত বহুত বহুত রাত হোনে বালি হ্যায় ম্যাচ খতম হোনে মে, আর হাম টায়ার্ড ভি বহুত জ্যাদা হো চুকে, ম্যাচ খতম করকে সিধা সিধা হাম জো হ্যায় থোড়া সা নিন্দ লেনে কি কোশিশ করেঙ্গে। আগে বড়তে আইকনিক, আগে বড়তে আইকনিক, পিয়ুষ আর দুসরে সাইড মে সরিফুল আর আলম ভাই, সরিফুল আর আলম ভাই। ইসবার দীপ নেহি আয়ে হ্যায়, ইসবার দীপ নেহি আয়ে হ্যায়, থোড়া কুছ চেঞ্জেস, আলম ভাই আর সরিফুল আর দুসরে সাইড মে পিয়ুষ আর লেভেল এক্স আইকনিক। এটা আমার টিম দাদা খেলছে, সানি, আচ্ছা আচ্ছা নিমাই দাদা, কোনটা ব্যাকআপ শোমেন, ব্যাকআপ শোমেনটা তোমার দাদা, আচ্ছা আইকনিক, আচ্ছি বাত হ্যায়, আচ্ছি বাত সরিফুল কা তিন ফিনিশ, আলম ভাই কা এক, দুসরে সাইড মে পিয়ুষ কা এক, আইকনিক কা দো, আইকনিক বহুত জ্যাদা ড্যামেজ হো চুকে হ্যায়, আইকনিক বহুত জ্যাদা ড্যামেজ, পিয়ুষ কে উপর ভি হামলা, পিয়ুষ কে উপর হামলা, লেকিন পিয়ুষ কে দ্বারা নক, পিছে সে পিয়ুষ কে উপর সরিফুল কা হামলা আয়া হ্যায়, আইকনিক বহুত জ্যাদা ড্যামেজ আর আইকনিক কে দ্বারা খতম,
आइकॉनिक के द्वारा खत्म है, 3-2 से लीड, 3-2 से लीड ले चुका है, 3-2 से लीड ले चुका है ये मुकाबला बैकअप शोमैन के टीम। निमाय एक बार आजमा के देखो, हाँ एक बार आजमा के देखो, मजा आ जाएगा। तो मैं की देखो दादा सनियुल आजमा के देखो, आजमा के देखने के लिए कह रहे हैं, उना के ना आजमा के मतलब व्यवहार करे देखो एक बार, मजा इसे जाए। ओके नहीम खान कैसे है दादा, आगे बढ़ता है आइकॉनिक, जितने सारे न्यू मेंबर्स आएंगे देखिए हमारे खुद के तरफ से उनके लिए जो है वेलकम मैसेज छोड़ा जा रहा है, अगर वो चैट पे एक्टिव रहते हैं तो वेलकम मैसेज का आनंद लेते रहे। आइकॉनिक आइकॉनिक धमाकेदार फिर से, क्या ही क्लोज में डेजर्ट लगाया आइकॉनिक ने, आइकॉनिक ने क्या ही क्लोज में डेजर्ट लगाया है क्या ही क्लोज में डेजर्ट लगाया आइकॉनिक ने। आइकॉनिक डेजर्ट का खेल जो दिखा रहा है जो है आग भर आ रहा है यार। आलम भाई के सामने फिर से 1v2 और ये मैच थोड़ा सा मुश्किल फिर से आलम भाई के लिए, आलम भाई के लिए फिर से मुश्किल हो चुका है 1v2 क्लच कर पाना। पहला नॉक लेकिन पीयूष के द्वारा MP40 से हमला और 2-4 से लीड लेते हुए बैकअप शोमैन के टीम। तुंता स्पोर्ट्स फिलहाल पिछड़े हुए हैं, तुंता स्पोर्ट्स फिलहाल पिछड़े हुए हैं 2-4 से, देखते कम बैक कर पाते हैं कि नहीं कम बैक कर पाते हैं कि नहीं देखते हैं दोस्तों। और बने रहे आप लोग, जितने सारे भाई लोग नए आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि ऐसे मैचेस का मज़ा आप लोग हर रोज ले पाए, ऐसे मैचेस का मज़ा आप लोग हर रोज ले पाए। आगे बढ़ते आलम भाई, डी सर को दूसरी साइड में पीयूष और आइकॉनिक, पीयूष और आइकॉनिक जिम वेलकम टू स्ट्रीम, कैसे है तुंता स्पोर्ट्स वर्सेस बैकअप शोमैन। आइकॉनिक ने गलती किया और नॉक पीयूष अकेले 1v2, पीयूष ऊपर भी चढ़ चुकी, पीयूष के हाथ में मौका थे लेकिन नहीं, इसी के साथ खत्म। डबल टेक डाउन सरीफुल के द्वारा 3-4 से कमबैक, 3-4 से कमबैक धमाकेदार। कल के 1v1 हवे ब्रो, हाँ नहीम खान कल के 1v1 हवे, नहीम खान यदि 1v1 तुम खेलते चाहो तो अवश्य स्ट्रीमर ओपर जो नंबर देवा আছে সেখানে কল করে নিজের নামে একটা স্লট বুকিং করে নেবে। आगे बढ़ने की कोशिश आलम भाई, डी सारी फोर दूसरे साइड में पीयूष और आइकॉनिक, देखते कौन लेके जाता है ये मैच, कौन लेके जाता है ये मैच। पहला सेमीफाइनल चलता हुआ, इसके बाद सीधा सीधा हम दूसरे सेमीफाइनल की ओर बढ़ेंगे और फाइनल मैच खत्म करके आप लोगों से विदा लेंगे दोस्तों। और एक चीज सभी स्पॉन्सर भाइयों के लिए एक चीज हम कहना चाहते हैं, अगर आप मान लीजिए आपके प्लेयर खेल रहा है और किसी भी एक प्लेयर को डिस्कॉर्ड में बुलाया जा रहा है तो आपको जो है डिस्कॉर्ड में 5 मिनट के अंदर वो प्लेयर को ऐड करनी है। 5 मिनट के अंदर अगर वो प्लेयर को आप ऐड नहीं कर पाए तो आपकी टीम को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा खास ध्यान रखिएगा। अभी सूर्यपुर नंबर वन दादा, अच्छा वेलकम टू आवर स्ट्रीम सूर्यपुर, कैसे हैं आप इस चीज़ पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अपने प्लेयरों को 5 मिनट के अंदर DC पे ऐड होने के लिए जो है ये जिम्मेदारी आपकी है। 5 मिनट के अंदर अगर DC पे आप लोग ऐड नहीं कर पाते हैं तो अगर टीम डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो बाद में आके हमें ना कहिएगा कि दादा आपने नहीं कहा था, हमने हर बार कहते हैं हर रोज़ स्ट्रीम पे आके कहते कि अगर जब कभी
छोड़ के आप चले जाते हैं तो कॉइन ज़्यादा ऐड नहीं हो पाएंगे। स्ट्रीम को अपने कंटिन्यूसली देखनी है तभी ना मज़ा भी आएंगे, कॉइन भी जीत पाएंगे, मज़ा भी आएंगे कॉइन भी जीत पाएंगे। आगे बढ़ते आइकॉनिक स्पीड से यूएमपी का हमला करने की कोशिश, लेकिन शॉट कनेक्ट नहीं कर पाए। इसी के साथ सनी फूल के द्वारा पीयूष को नॉक ले लिया गया है। आइकॉनिक के ऊपर आलम भाई का हमला और 5-5 से बराबरी हो जाएंगे ये मुकाबला। अस्तर अभी स्तर बेबी 5-5 से बराबरी हो चुका है ये मुकाबला, 5-5 से बराबरी। रूम आईडीपी आ चुका है दूसरे सेमीफाइनल का। आप दोनों टीम जल्द से जल्द रूम के अंदर एंट्री ले लीजिए, जल्द से जल्द रूम के अंदर एंट्री ले लीजिए। के साथ पीयूष आइकॉनिक दूसरे साइड में डिसरी फूल और आलम भाई। जुबेच मम्मा दुर्गम थोड़ी स्ट्रीम कैसे है दादा। आइकॉनिक के द्वारा नॉक, आइकॉनिक के द्वारा इस बार सरीफुल को नॉक ले लिया गया। फिर से आलम भाई के सामने 1v2। जल्दी पासवर्ड पठाते बोलो, दिए देवे। ओके इसी के साथ एक नॉक आलम भाई के द्वारा, एक नॉक। देखते हैं यूबॉल ब्रेक की जाएगी, यूबॉल लेकिन रिवाइव हो चुका है। मौका आलम भाई के हाथ में, मौका है यूबॉल ब्रेक करने का, मौका आलम भाई के हाथ में है। फिर से मौका गवा चुके हैं लेकिन नॉक लिए थे पीछे जाके पीयूष के द्वारा हमला। 6-5 से लीड लेते हुए बैकअप शोमैन की टीम धमाकेदार। लेकिन तुम तो स्पोर्ट्स कोशिश बढ़िया कर रहे हैं कमबैक करने की, देखते हैं कमबैक कर पाते हैं कि नहीं। जुबेच मोहम्मद वेलकम टू आवर स्ट्रीम मेरे भाई। अगर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर कर जाइएगा। आगे बढ़ते हैं सरीफुल का 8 फिनिश, आलम भाई का 3, पीयूष का 5, आइकॉनिक का 7। देखते कौन लेके जाता है। फिलहाल तो बैकअप शोमैन की टीम 6-5 से लीड लेके बैठे हुए हैं। देखते कितना देर तक लीड ले पाते हैं या ये राउंड जो है तुंता स्पोर्ट्स कमबैक करके 6-6 के बराबरी पे आएंगे। 6-6 के बराबरी पे अगर आता है और सेमीफाइनल का मैच आना भी चाहिए तभी ना मजा आएगा भिड़ो। दादा M10 तक कोटा चीप लगाना आते, एक्टा चीप दादा M10 है शो मॉल, एक्टा चीप दादा। इलियास शेख वेलकम टू दिस स्ट्रीम, कमेंट पे बने रहिएगा दोस्तों, आप के कमेंट का जवाब हमारे तरफ से कमेंट में आने वाले हैं। अगर हम ना दे पाते हैं तो कमेंट में हमारे नाम का जो है आपके नाम के साथ एक कमेंट आने वाले हैं। इसी के साथ आइकॉनिक रश किया, आइकॉनिक के हाथ में मौका, पीछे से डैमेज आइकॉनिक, सरीफुल के द्वारा डैमेज बहुत ज़्यादा, पीयूष भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं। देखते हैं 1v2 और सरीफुल के द्वारा डबल टेक डाउन और 6-6 से बराबरी, डबल टेक डाउन और 6-6 से बराबरी हो चुका है ये मुकाबला। जी दोस्तों 6-6 के बराबरी हो चुका है मुकाबला। अब देखने वाली बात होगी कौन से टीम का किस्मत का पाला भारी है और कौन से टीम जो है सबसे पहले गलती करेंगे। जो प्लेयर सबसे पहले गलती करेंगे उन्हीं के प्लेयरों को जो है हार का सामना करनी होगी इस मैच में। आगे बढ़ते हुए पीयूष और आइकॉनिक सामने है, सरीफुल का 10 फिनिश हो चुका है, आलम भाई का 3। अगर एक शॉट डेजर्ट का कनेक्ट हो जाता है किसी का भी अगर एक शॉट डेजर्ट का कनेक्ट हो जाता है तो उस टीम का तो मजे ही मजे हो जाएंगे। आइकॉनिक राइट से जाने की कोशिश, पूरा का पूरा घेर लिए है दो तरफ से पीयूष और आइकॉनिक सीधा रश कर रहे हैं, रश किए गलती किए सरीफुल ने देखने में गलती किए, दो दो बंदे का रश हो चुका है।
लेकिन पीछे से आलम भाई का बैकअप भी आया है, पीछे से आलम भाई का बैकअप आया है, लेफ्ट से घूम के आएंगे शायद। हाँ ऊपर आया और नॉक, ऊपर आया और नॉक, आइकॉनिक दूसरा नॉक ले जाएंगे। जी हाँ ऐसे के साथ दूसरा नॉक और बैकअप शोमैन के द्वारा 6-7 से इस मुकाबला को जीत। पहले मैच में भी जो है इन्होंने जीत हासिल किए थे। दो तरफ से शोर, एक मिनट, ये चीज तो पहले से ही था यार। एक सेकंड, हमें एक चीज चेक करने दीजिए, हमें एक चीज चेक करने दीजिए दोस्त। अनिकेत एफएफ का नेम शो क्यों नहीं हो रहा यार? अनिकेत एफ एफ आपका नेम क्यों नहीं शो रहा? अनिकेत एफ एफ का नेम क्यों नहीं शो हो रहा है यहाँ? एक सेकेंड, अनिकेत एफ एफ तूफान 3x में तो काफी देर से देख रहा हूँ लाइव। चेक करते हैं कॉइन बैलेंस, हाँ कीजिए। अगर आप काफी देर से लाइव देख रहे हैं तूफान, तो चेक कीजिए मेरे भाई। देखते हैं सनियूल, अगर आप लाइव चैट में हैं तो थोड़ा सा एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स लिखिए। तो सनियूल, अगर आप लाइव चैट में है तो एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स लिखिए, तो एक बार एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स लिखिए एक बार सनियुल, अगर आप लाइव में है तो। कैसे कहते हैं, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट यार, नई चीज करने की कोई जरूरत। हम जो लिखे हैं POINTS पॉइंट्स एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स, सनियुल एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स लिखिए, देखते हैं आपकी ओरिजिनल कॉइन शो होता है कि नहीं। पॉइंट्स लिखिए, हाँ एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। एक चीज हम नोट कर रहे हैं, ये चीज ये देखिए, एक बेहतर चीज। हाँ आपका ओरिजिनल कॉइन शो हो चुका है। ओके, नहीं ये चीज देखिए, वन के होते ही एक नया चीज एक्टिव हो चुका है, तो अब आपको कॉइन लिखने की जरूरत है नहीं दोस्तों। जितने सारे पुराने मेंबर्स, देखिए सनियुल का कॉइन जो है शो हो चुका है पूरा का पूरा। एक बेहतर चीज है यार, एक बेहतर चीज है, हाँ एक बेहतर, कॉइन्स लिखने की जरूरत है नहीं सनियुल। नए सिस्टम को हम कल ऑफ रखने की कोशिश करेंगे, और पुराना सिस्टम यार ऑन ऑन हो चुका है कंटिन्यूअसली। एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स लिखिए, एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स लिखिए, ताकि आपका पुराना कॉइन शो हो रहा है यार। जो है ये एक मिरेकल सा चीज हो चुका है। हाँ HS तूफान, ओके, अच्छी बात है, ये एक अच्छी बात है। ओके नया चीज, एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स लिखिएगा तो आपका पुराना कॉइन शो हो जाएगा, तो उसमें हमारे नए कॉइन को ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। कॉइंस नहीं, ओके पॉइंट्स लिखिएगा, एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स लिखिएगा,
तो ये चीज शो हो जाएगा। ठीक है यार, मेहनत कम हो गया यार, कॉइन्स लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं दोस्तों, पॉइंट्स लिखिएगा बस, काफ़ी हो जाएगा, आपका पुराना कॉइन शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके 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 ओके, अच्छी बात है, ये एक अच्छी बात है। हाँ ओके, एक अच्छी बात है, ये एक अच्छी बात है। मतलब 1 मिनट कॉइन ऐड है नहीं, तो 1 मिनट ना पुरानो जगह 5 मिनट आछे, हमें ओटा 1 मिनट करे देव कल के, समस्या नहीं, समस्या नहीं। ফিনিক্সও লিখেছে, ফিনিক্সের পুরানো কয়েন শো হয়ে গেছে, ফিনিক্সের পুরানো। আচ্ছি বাত আচ্ছি বাত আচ্ছি বাত। ওকে 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 ওকে, অলি এডিটস জোন ওয়েলকাম, ধন্যবাদ দাদা, ধন্যবাদ ধন্যবাদ হমে কংগ্রেচুলেশনস দেনে কে লিয়ে। ओके पॉइंट्स लिखिए बस, पुराना कॉइन अगर आपको जाननी है, और वो चीज हम ठीक कर देंगे। अनीश बॉस ने भी पॉइंट्स लिखा है, 5 मिनट के बाद टाइम्स है, हम उसको कम कर देंगे, उसको हम कम कर देंगे, 5 मिनट पे 5 है, उसको हम हर मिनट में कर देंगे। ठीक है भाई, जब कॉइन लिख रहा हूँ तो दिखा रहा है, और जब पॉइंट्स लिख रहा हूँ तो क्योंकि देखिए उस चीज़ को हम देखिए दो दो किस्म के साइट में हो रहा है ये काम। ठीक है, तो जो नया साइट हम इंक्रीज़ किए हैं उसमें हर मिनट पे 2 कॉइन है, और जो पुराना साइट था उसमें क्योंकि आप प्रिडिक्शन भी कर सकते तो उसमें 5 मिनट में 5 कॉइन था। तो ठीक है, हम पुराना साइट को ही एक्टिव कर देंगे, हर मिनट में 2 कॉइन कल से वो एक्टिव हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स लिखिए बस, वो ही काफ़ी है, नए चीज़ को जो है इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पुराने कॉइन शो होना स्टार्ट होगा, और वहाँ पे हम एक चीज़ कर देंगे कि हर मिनट में 2-2 करके कॉइन ऐड होते रहे, 2 या 3 जो भी हो। हाँ, एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स लिखिए इलियस, एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स लिखिए। ओके, इसी के साथ दोस्तों बढ़ेंगे दूसरे सेमीफाइनल की ओर, दूसरे सेमीफाइनल की ओर। जस्ट 2 मिनट, अरिब गेमिंग फिर से मुझ में आ रहा है। हाँ ज़रूर, स्पेस नहीं देनी है यार, शोमोन ऑल्ड स्पेस नहीं देनी है। RTSK वेलकम टू स्ट्रीम, जी हाँ हाँ ऐसे ही, अनीस बॉस ऐसे ही, जैसे अनीस बॉस ने लिखा है, ये देखिए अनीस बॉस का स्ट्रीम लैब से आया है। ओके जी हाँ दोस्तों, बढ़ेंगे दूसरे मैच की ओर, दूसरे मैच का भी रूम आईडी पे आ चुका है, 1 मिनट, दूसरे मैच का भी रूम आईडी पे आ चुका है, दूसरे मैच का भी रूम आईडी पे आ चुका है। दादा हमार कतटा पॉइंट আছে ওখানে দেখতে পাবে ওইটাই লেখো, ভালো আছে রাখি ব্লস করে, আমি ভালো আছি, তুমি কেমন আছো। नेक्स्ट मैच का रूम आईडी पे हम टाइप कर लेते हैं, 1 मिनट दोस्तों, नेक्स्ट मैच का रूम आईडी पे आया है कि नहीं। रूम आईडी पे आ चुके होंगे, कोई रूम तो नहीं है यार। हाँ ये देखिए, 5 मिनट मतलब हर मिनट में 1 है, उसको हम इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, उसको हम इंक्रीज कर देंगे। हाँ, 5 मिनट है, 5 कॉइन, ओटा हमें हर मिनटे 2-3 कर देव, समस्या नहीं। 1 मिनट, दूसरे मैच में कुछ इशू चल रहा है तो थोड़ा सा लेट होने वाले हैं, अभी हो जाएंगे।
यहाँ पे एक चीज़ का सिस्टम जो है, देखिए हर मिनट पे कौन ऐड नहीं होता है, यहाँ पे एक चीज़ जो है हर 5 मिनट के बाद ही आपके खाते में कॉइन ऐड होते रहेंगे, हर 5 मिनट के बाद ही कॉइन ऐड होते रहेंगे। नेक्स्ट 5 मिनट के बाद आप देखिएगा सनील कितना कॉइन ऐड हुआ है। अच्छा भाई हमारे को कोई नाचे एक बार बोलो, अब बोलने की ज़रूरत है नहीं यार, आप ऐसे कमेंट कीजिए आप खुद ही जान पाएंगे कि आपके खाते में पॉइंट्स है कि नहीं है, कॉइन है कि नहीं है, आप खुद ही जान जाएंगे। एक मिनट हम कॉल कर लेते हैं, जस्ट मिनट। YouTube Premium is ad-free YouTube and the YouTube Music app all together. নিমাই দাদা দেখো সানিউল একটা মেসেজ লিখেছে, জাস্ট ওকে নিমাই দাদা তুমি ওই যে সানিউল যে কমেন্টটা করেছে এক্সক্লেমেশন পয়েন্টস ওইটাকে কপি করে পেস্ট করো, দেখবে হয়ে যাবে, ওটাকে কপি করে পেস্ট করো হয়ে যাবে, স্পেস নয়, মাঝায় কোনো স্পেস দিলে হবে না, ये बढ़िया है गुरु। पुराने जो जगह है वहाँ पे पुरानो जो जगह टा आछे ओखाने
কয়েন যেটা আছে না সেটা এক মিনিটে আমি নিয়ে আসতে পাচ্ছি না, যে প্রত্যেক মিনিটে তোমাদেরকে আমি কয়েন দেব তেমন না, 5 মিনিট তোমাকে থাকতে হবে। 5 মিনিটে যেমন স্যানুয়েলের 10 কয়েন বেড়েছে, এটা 5 মিনিটে আমি 15 কয়েন করে দেবো। 5 মিনিটে আমি 15 কয়েন করে দেবো। সবার কয়েন বাড়তে থাকবে, যারা স্ট্রিমটাকে দেখছো, যারা স্ট্রিমটাকে দেখছো সবার খাতাতে কয়েন। দাদা ফ্রেন্ড কে কয়েন গিফট করা যাবে হ্যাঁ কি না? না দাদা কয়েন, হ্যাঁ তুমি যদি চাও করতে পারো বা নাও করতে পারো, যদি চাও করতে পারো বা নাও করতে পারো। কয়েন্স নয়, কয়েন্স নয়, শোম্যান ওয়ার্ল্ড পয়েন্ট, এক্সক্লেমেশন পয়েন্টস লেখো। কয়েন যে সিস্টেমটা আছে ওই সিস্টেমটা নতুন আমি আনার চেষ্টা করেছিলাম, তা ওটাকে আমি কালকে বন্ধ করে এই সিস্টেমটা আমি নিয়ে আসার চেষ্টা করব, যেটা পুরানো খাতা আছে যেখানে ম্যানুয়ালি সব কাজকর্ম করা যায়, কয়েন ইনক্রিজ ডিক্রিজ করা যায়। এই বিষয়টা জানার জন্য তোমাদের পুরনো খাতা যেটা আছে সেটাতে কয়েন করো, সেটাতে লেখো এক্সক্লেমেশন পয়েন্ট আবুল বাশার। হ্যাঁ এটা 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 এটা। আর তোমার এই খাতাতে যে কয়েনটা আছে 153, এটা আমি ওই খাতাতে অ্যাড করে দেওয়ার চেষ্টা করব। ওকে আবুল বাশার, এক্সক্লেমেশন পয়েন্টস লেখো, তাহলে দেখতে পাবে তোমার খাতাতে কত কয়েন আছে। একটা সুবিধা, যেটা বলেছিলাম 1K হলে অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে, আর যেটা হয়েও গেছে এটা একটা খুশির খবর। আমি কালকে আরও কিছু নতুন নতুন আপডেট করার চেষ্টা করব, বাট কালকে হয়তো হবে না, আমি পরশু দিনে শিওরলি সেই জিনিসটা করে দেবো। তো তখন থেকে তুমি লন উলফ খেলো? লন উলফ আমি খেলি না, আর একটা সমস্যা হয়েছে তার জন্য স্ট্রিমটা একটু অফ আছে। এখনই আবার তোমাদেরকে আবার রুম আইডিপি আমি দিয়ে দেবো এবং তোমরা দেখতে পাবে। জাস্ট এক মিনিট। দাদা আমার ফেভারিট সংটা চলে এসেছে, হ্যাঁ নিমায়ের যত কয়েন আছে আমাকে অ্যাড করে দাও, সেটা যদি নিমাই বলে তাহলে দিতে পারবো। রুম আইডি আসছে না তো? আসবে, রুম ক্রিয়েট হচ্ছে, রুম আইডিপি আসছে, রুম আইডিপি ক্রিয়েট হচ্ছে, এখনই আসবে। জাস্ট 2 মিনিট হয়ে যায়, মিস্টেক হয়ে যায়, তোমরা একটু হোল্ড করো, আমি একটু নেচারের সাথে কথাবার্তা বলে আসি, তোমরা হোল্ড করো এবং তোমরা কয়েন দেখতে থাকো, ঠিক আছে? জাস্ট 2 মিনিট। দাদা এটা ফাইনাল প্রাইজ কত উইনারকে? যে টিমটা সর্বপ্রথম আসবে উইনার হবে, সে টিমটা 1300 পাবে, যে টিম সেকেন্ড আসবে সে টিমটা 900 পাবে। সোম একটা সায়ন পয়েন্ট লেখো, সায়ন পয়েন্ট লেখো।
তোমরা পুরনো কয়েন যেহেতু জানতে চাও, পুরনো কয়েন পয়েন্ট যেহেতু জানতে চাও, তোমরা যেহেতু পুরনো পয়েন্ট জানতে চাও, তো তোমরা পয়েন্ট লেখো দাদা, এক্সক্লেমেশন পয়েন্টস লেখো, তোমাদের পুরনো খাতার প্রত্যেকটা পয়েন্ট তোমাদেরকে শো হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় সেমিফাইনালটা একটু রিম্যাচ করানো হচ্ছে দাদা, কেননা আমি ওবিতে আসতে পারিনি, তাই দ্বিতীয় ম্যাচটা একটু রিম্যাচ হচ্ছে। তো প্রথমত একটু তো ভুল হয়েছে আমাদের কাস্টম ক্রিয়েটর বোর্ডের জন্য, বাট অ্যাট দ্য এন্ড সব ঠিকই হয়ে যাবে। দুটো প্লেয়ারের কাছে আমি অলরেডি ক্ষমাপ্রাপ্তি আমাদের কাস্টম ক্রিয়েটরের তরফ থেকে। বস ইন্দ্রা, আমার কয়েন কত? ওকে, নট সানিউল, নট কয়েন। হ্যাঁ, এই কয়েনটা আর বাড়বে না, এই কয়েনটা আমি বন্ধ করেছি, পুরানোটাই অ্যাক্টিভ রেখেছি, ঠিক আছে সানিউল, আমি পুরানোটাই অ্যাক্টিভ রেখেছি। রিম্যাচ কেন হলো? রিম্যাচ হলো কেননা আমি ওবিতে আসতে পারিনি, সেই জন্য দাদা, কাস্টম ক্রিয়েটারের একটু সমস্যার জন্য। জাস্ট এ মিনিট, আমাদের ম্যানেজমেন্টের তরফ থেকে কল আসছে, এক মিনিট দাদা, এক মিনিট। Listen, paying $4.99 a month for a streaming app and $1.19 a month for a music app and $400 for a fitness app. We about to turn it on. जी दोस्तों, आ चुके हैं अभी हम फिर से, और सभी न्यू मेंबर्स के लिए
कृपया करके आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग फर्स्ट कमेंट कर रहे हैं हर दिन का जब कभी आप लोग फर्स्ट कमेंट करेंगे तो हमारे तरफ से दो मैसेज आपको शेयर किया जाता है। दो मैसेज, उन दो मैसेज में एक तो आपको जो है वेलकम किया जाता है, दूसरे मैसेज में आपको एक चीज़ खास कर क्लियर भाषा में लिखा हुआ है। जैसे गुड्डू फ्री फायर ने अभी हमारे चैनल में फर्स्ट मैसेज किया है उनका, तो उनको पहला कमेंट आया है कि हेलो गुड्डू फ्री फायर, वेलकम टू टीम के लाइव स्ट्रीम, चाय लोगे या कॉफ़ी। ये हो गया एक वेलकम मैसेज। दूसरा मैसेज है वेलकम गुड्डू फ्री फायर, यू हैव बीन अवार्ड सम पॉइंट्स, यूज एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स टू चेक योर बैलेंस। तो आपको जो है एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स लिखनी है अगर आप अपने पॉइंट्स बैलेंस को जो है अगर चेक करना चाहते हैं। एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स लिखिए और अपना जितना सारा कॉइन वगैरह है वो जान के लेके जाइए। जैसे निमाय बीरा ने अभी किया है, देखिए निमाय बीरा के खाते में कितना कॉइन है, ये शो हो चुका है ये चीज़। ओके नए टीम तो आ चुके हैं, एक टीम अभी तक क्यों नहीं आ रहे। अभी तो आप लोग गेम खेल रहे थे यार, आप फिर लेट क्यों कर रहे हैं। अभी तो आप लोग गेम खेल रहे थे यार, कॉइन एक्सक्लेमेशन कॉइन को छोड़ के अब बस एक्सक्लेमेशन पॉइंट लिखिए, एक्सक्लेमेशन कॉइन को छोड़ दीजिए, एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स लिखिए, तभी आपका जो है बैलेंस शो करा दिया जाएंगे आपके नाम के साथ शो करा दिए जाएंगे आपके पॉइंट्स। ओके तो एक चीज़ जो बात हम आप लोगों के साथ कहे थे कि दादा 1K कंप्लीट होने के बाद से ही आप अपने कॉइन को देख पाएंगे, आप लोग देख पा रहे हैं, एक रिवॉर्ड तो आपके लिए ओपन हो चुका है। इटा छोड़िए देवे एक्सक्लेमेशन टा देखी अमी छोड़िए देवर चेष्टा करब, एक्सक्लेमेशन टा छोड़िए देवर चेष्टा करब जदि पारि तो, কেননা ওই সিস্টেমটা আমার তো জানা নেই। ইন্দ্রা ভাই তুমি তো আমাদের পুরনো মেম্বার, তুমি যদি না বুঝতে পারো তাহলে নতুন যারা আছে তারা কত বুঝবে। এক্সক্লেমেশন পয়েন্টস সানিউল কমেন্ট করেছে, দেখো নিমাই বিড়া লিখেছে, দেখো লেখার পরে দাদা পিসি টুর্নামেন্ট হবে না? হ্যাঁ হবে, জরুর হবে, পিসি টুর্নামেন্ট জরুর হবে। ওকে আ চুকে হ্যাঁ প্লেয়ার নিমাই বিড়া লিখেছে, দেখো নিমাই বিড়া যেটা কমেন্ট করেছে তোমরা সেই কমেন্টটাকে কপি করে পেস্ট করো এক্সক্লেমেশন। আমি আমি একটা কমেন্ট লিখে দিচ্ছি, সেটাকে তোমরা আমি পিন কমেন্টও করে দিচ্ছি। এখন আপাতত তো নয়, খুবই তাড়াতাড়ি আমরা আনবো, টেনশন নিও না মোহি সর্দার। এনাও আমরা পিন কমেন্ট একটা কমেন্ট করে দিয়েছি কয়েন জানার জন্য। কয়েন জানার জন্য এই বিষয়টা অনেক ক্লান্ত হয়ে গেছি দাদার, বেশিক্ষণ হয়তো কথা বলতে পারবো না, কিন্তু এখনো পর্যন্ত এরা এখনই খেলছিল, ম্যাচটাকে রিম্যাচ করানো হচ্ছে, তার সত্ত্বেও টিম কেন আসছে না আর জিম? এটা ঠিক নয়, এখনই তো তোমার টিম খেলছিল বাট তোমার প্লেয়ার এখনো আসতে পারছে না, কেন এটা এটা কেন?
আরে এখনই রুমে খেলছিল, আর সমস্যা নয় নিমাই বিরা, আমি ওবিতে ঢুকতে পারিনি বলে ম্যাচটাকে আবার রিম্যাচ করানো হয়েছে। এখনই তো প্লেয়ারগুলো খেলছিল, এখনই প্লেয়ার খেলছিল, তাদেরকে তুমি আবার ফের দ্বিতীয় রুমে ঢোকাতে পারছ না। এই এরকম প্লেয়ারদের সাথে সম্পর্ক কেন রাখো? এখনই খেলে উঠলো, রুমটাকে ক্যান্সেল করে নতুন রুম দেওয়া হলো, সেই নতুন রুমে তোমার প্লেয়ার আসতে পারছে না, বলছো তুমি 5 মিনিট দাও, কত দেব দাদা? খুব কষ্ট করে বোঝালাম। স্যানুয়েল কি হয়েছে এই ম্যাচটা আবার হচ্ছে? এইটার বিষয়, এই ছোট্ট একটা বিষয়, তোমরা যদি এমন করো জিম, তাহলে নেক্সট টাইম থেকে তোমাদেরকে স্লট দেওয়া মুশকিল হয়ে যাবে। আর প্রায়বার দেখছি তোমার প্লেয়ার লেট আসছে, প্রায়বার দেখছি তোমার প্লেয়ার লেট আসছে। হয়তো প্রথমবার তোমার প্লেয়ারটা জলদি এসেছিল রুমের মধ্যে, সেই ম্যাচটা আমি যেতে পারিনি, তাই আবার তোমাদেরকে ব্যাক করে আবার রিম্যাচ করানো হচ্ছে। তোমরা সেখানে কি করছো? একটা প্লেয়ার তুমি অ্যাড করতে পারছো না এতক্ষণ ধরে। ধন্যবাদ দাদা বোঝানোর জন্য। না না, কোনো সমস্যা নেই দাদা, ওয়েলকাম ওয়েলকাম। আরে বোঝানোই তো তোমার আমাদের কাজ। আরে হচ্ছে না, প্লেয়ারই অ্যাড করতে পারছে না, একটা প্লেয়ারই অ্যাড করতে পারছে না, সঙ্গে সঙ্গে রুম থেকে বেরিয়ে ওরা অন্য জায়গাতে চলে গেছে, এমন প্লেয়ারের সাথে সম্পর্ক কেন রাখো? আরও একটা জিনিস দাদা, প্রত্যেক 5 মিনিট অন্তত তোমাদের কি স্ট্রিমটা দেখতে হবে। 5 মিনিট যদি তোমরা স্ট্রিমটাকে না দেখো, তাহলে তোমাদের খাতাতে কয়েন অ্যাড হবে না। প্রত্যেক 5 মিনিট পর পর দাদা তোমাদের খাতাতে 10টা করে কয়েন অ্যাড হতে থাকবে, ঠিক আছে? ইয়ানি পার মিনিট 2 কয়েন্স, ইয়ানি অনেক কয়েন্স দাদা। আধ ঘন্টা থাকলে 50 মিনিট থাকলে 100 কয়েন, ইজি। আর এতে কোনো মাইনাস হবে না দাদা, এতে কোনো মাইনাস হবে না। আমি আরও ইনক্রিজ করে দেবো, 5 মিনিটে 15 কয়েন করে দেবো, 5 মিনিটে 15 কয়েন করে দেবো। ওরা তো জিতে গেছিলো দাদা, কী কত দূরে জিতে গেছিলো, কী করবো, মডারেটর হয়েছি বোঝানোর কাজ আমাদের দাদা। হ্যাঁ, আরও নতুন নতুন জিনিস অ্যাড করবো দাদা, আরও নতুন নতুন জিনিস অ্যাড করবো, শুধু তোমরা সঙ্গে থাকো। ম্যাচটা আবার কেন স্টার্ট হচ্ছে না আমি এক সেকেন্ড আমি একটু কল করে জেনে নিই। ওকে ওকে ফিনিক্স, পুরনো কয়েন, এটা ফাইনাল তো। এক মিনিট দাদা, জাস্ট মিনিট। Sí, vos de qué parte sos. Yo de aquí. Ah, mira.
আসছে প্লেয়ার আসছে এসডি ক্রেজি প্রেশার অনেক ক্রিয়েট করা হলো প্রেশার অনেক ক্রিয়েট করা হলো প্রেশার অনেক ক্রিয়েট করা হলো ব্রো মুঝে লোগে সূরজ হ্যাঁ ইয়ার अगर आपको खेलनी है सूरज भाई अगर आपको गेम खेलनी है तो स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया हुआ है स्लॉट बुकिंग कर लीजिए फिर आइए गेम दिखाइए अपना बेहतर गेम दिखाइए जीत के लेके जाइए ओके अभी तक प्लेयर नहीं आ रहे देखा हमें अभी इंस्टा पे मैसेज किए कि दादा आ रहा है अभी आ रहा है अभी आ रहा है लेकिन अभी तक प्लेयर ऐड नहीं कर पा रहे क्या करें यार इन लोगों को यार ऐसे करेंगे तो स्लॉट दे पाना मुश्किल हो जाएगा यार ऐसे ऐसे करेंगे तो स्लॉट दे पाना मुश्किल है जगह एक प्लेयर को ऐड करने में इतने वक्त नहीं अगर मैच को मैच रूम अगर ग्लिच हो जाते हैं तो दूसरे टीम को ऐसे भी तो जो है उनको विन करा दिए जाएंगे रूम अगर ग्लिच हो जाते हैं तो अभी गेम आसिफ गेमिंग बोल सी दादा जल्दी करो स्टार्ट मैच हाँ देखो स्टार्ट हो সিরাজুল শেখ যদি স্টার্ট হো না হয় রুম গ্লিচ হয়ে গেলে তোমাদের লটারি লেগে যাবে তোমরা রুমে থাকো না एक मिनट दोस्त एक मिनट कौन है तो कौन Another day, another rope, and we go. Arrive with a win, moving up. এদেরকে সঠিক ইনফরমেশন দেবার শর্তে ওরা কেমন এমন করে জানি না আর জিম তুমি তোমার হোয়াটসঅ্যাপটা চেক করো একটু জিম তোমার হোয়াটসঅ্যাপটা চেক করো ওকে ইন্দ্রা গুড নাইট মেরে ভাই আর সিরাজুল শেখ দাদা তোমাদের কি ম্যাচ থেকে বেরিয়ে আসার কল গিয়েছিল আমাদের এখান থেকে একটু কমেন্ট করে জানাবে যদি সিরাজুল শেখ তুমি যদি থেকে থাকো আরিফ গেমিং এর সিরাজুল শেখ এই ম্যাচটা তো ম্যাচটা তো আমিও চাই বাট এরা যে সিন ক্রিয়েট করছে না মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে এরা যে সিন ক্রিয়েট করছে একটা সাধারণ একটা বিষয় নিয়ে সাধারণ একটা বিষয় নিয়ে এরা যে সিন ক্রিয়েট করছে আমার কিন্তু ভীষণ রাগ হয়ে যাচ্ছে অলরেডি আমি খুবই ক্লান্ত দাদা খুবই ক্লান্ত আমার আর ভালো লাগছে না আমি ম্যাচটা আমিও চাই যে অনেক আগে 12:30টার মধ্যে আমি ম্যাচটা শেষ করে আমি চাই যে আমি একটু রেস্ট নেব কিন্তু এরা আমাকে নিতেই দেবে না এরা আমাকে নিতেই দেবে না ধন্যবাদ আমাদের চ্যানেলে এতক্ষণ থাকার জন্য হ্যাঁ
ওকে, তোমরা সবাই যদি পুরনো কয়েনটাকে জানতে চাও এক্সক্লেমেশন পয়েন্ট লিখবে। হ্যাঁ, স্টার্ট হবে এক মিনিট একটু জিজ্ঞাসা করে। কয়েন নেই আর দীপঙ্কর দত্ত, পয়েন্ট লিখিয়ে পয়েন্ট দীপঙ্কর দত্ত, পুরনো কয়েন জানার জন্য এক্সক্লেমেশন পয়েন্ট লেখো, কয়েনটা লিখবে না। এখানে দেখো আমি ওপরে লিখেও দিয়েছি এক্সক্লেমেশন পয়েন্ট। हेलो पूछी, कैसे है? शोमेन भागना हमार फाइनल टीम का फास्ट एड कर गया। अच्छा, अरे टूर्नामेंट दादा, टूर्नामेंट बाजी की लीचे यार। टाइटल थंबनेल पढ़ा चेष्टा करो सूरज, टाइटल थंबनेल पढ़ा चेष्टा करो। टूर्नामेंट दादा। এখনো ম্যাচটা স্টার্ট হচ্ছে না কেন? ভালোই লাগছে না, আমি ম্যাচে কোনো রকম কমেন্ট্রি দেব না। একটা ছোট্ট ভুলের জন্য স্টার্ট তো করো বাবা, স্টার্ট। আমি আছি, যখন থাকি না তখন হু হু করে স্টার্ট করে দেয়, যখন থাকি তখন আর স্টার্ট করার মন চায় না। স্টার্টটা করো। এইসব প্লেয়ারকে কেন না বলতো, এদেরকে স্লটের জায়গা দাও কারণ প্লেয়ারদের স্লটের জায়গা দিই না দাদা, প্লেয়ারদের দিই না। নিমাই বীরা, আমার কত কথা ভাববার জন্য আমার বাবা মা আছে, দেখতেই পাচ্ছ দাদা, 2v2 সুরাজ, সবকিছু চোখের সামনেই হচ্ছে। আচ্ছা 1 মিনিট আমি জিজ্ঞাসা করছি। হালকে ফুলকে ওয়েফার সে বানা ক্যাডবেরি পপ, পপ খাও আর লাইক।
বলছে আমাদের এখান থেকে যখন বার হবার মেসেজ গিয়েছিল, যখন বার হবার মেসেজ গিয়েছিল তোমাদের টিম কি বার হয়ে গেছিল? এই যে ন্যায় টিম আসিফ, আরিফ গেমিং, আরিফ গেমিংকে আমি বলতে চাই, আরিফ গেমিংয়ের কোনো মেম্বার যদি স্ট্রিমে থেকে থাকো তোমরা একটা কমেন্ট আমাকে করে জানাও, যখন আমাদের এখান থেকে তোমাদেরকে মেসেজ করে বার হবার কথা বলা হয়েছিল রুম থেকে, তোমাদের প্লেয়ার কি সঙ্গে সঙ্গে বার হয়ে গেছিলো নাকি 6 রাউন্ড পর্যন্ত গেম খেলেছিল? এর একটা প্রুফ তোমরা ম্যানেজমেন্ট টিমের কাছে পাঠাবে। যদি তোমাদের প্লেয়ার 6 রাউন্ড পর্যন্ত খেলার পরে যদি ম্যাচটাকে হেরে যায় তাহলে তোমাদের এই ম্যাচটাকেও ডিসকোয়ালিফাই করিয়ে তোমাদের টিমটাকে, কিন্তু যেহেতু তোমাদের টিমটা অনেকক্ষণ ম্যাচ 6 রাউন্ড পর্যন্ত যদি ম্যাচ খেলে থাকে তাহলে কিন্তু তোমাদের টিমটা ডিসকোয়ালিফাই হবে। আতা গাছে তোতা পাখি ডালিম গাছের মৌ, এত রাতে কোথায় আমি পাবো আমার বউ? হ্যাঁ, এত রাতে পাবে না, তুমি দিনের বেলা খোঁজার চেষ্টা করো ইন্দ্রা, ইন্দ্রা দিনের বেলা খোঁজার চেষ্টা করো। পুচির এক্সক্লেমেশন পয়েন্ট লিখবে তাহলে তোমার কয়েন জানতে পারবে। ওকে, হ্যাঁ, ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ডই ফ্রম বললাম, ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটা মারাত্মক। ওকে সুরজ ভাই ধন্যবাদ, বাবা মাকে এতটা, বাবা মা কেউ এতটা ভাবে না, কে বলেছে নিমাগিরা বাবা মা সব। জিম, তোমার কাছে যদি প্রুফ থাকে যে তোমার অপোনেন্টের প্লেয়াররা 6 রাউন্ড পর্যন্ত খেলেছে অবশ্যই তুমি প্রুফটা নিয়ে ম্যানেজমেন্ট টিমের কাছে যাও, তাহলে ম্যাচটাকে আবার অন্যরকমভাবে নেওয়া হবে। তোমার টিম যদি 6 রাউন্ড পর্যন্ত তোমার সাথে তোমার অপোনেন্ট খেলে থাকে তাহলে তোমার রাউন্ড তোমাকেই জিতিয়ে দেওয়া হবে, সমস্যা নেই। যদি তোমার কাছে প্রুফ থাকে, হার্ড প্রুফ, তুমি ম্যানেজমেন্ট টিমের কাছে সেটা নিয়ে কন্ট্যাক্ট করো। বস ইন্দ্রা, হোয়াট ইজ ইউর নেম? মাই নেম ইজ TMK সুরজ। আগে বাড়তে হবে, ম্যাচ দেখে কিতনা গড়বড়ি হচ্ছে। হ্যাঁ, আব কোই নেই হ্যায়, আব কোই নেই, এ দেখিয়ে জব ম্যাচ স্টার্ট নেই হতা হ্যায় তো স্ট্রিম মে আকে দাদা স্টার্ট করো কিউ নেই কর রহে হ্যায় ইয়ে ভো, জব ম্যাচ স্টার্ট হতা হ্যায় তো কোই ভি ভাই কা কোই আতা পতা নেই হ্যায়, কোই ভি ভাই কা জো হ্যায় আতা পতা নেই হ্যায়। স্ট্রিম এত লেট কেন? স্ট্রিম লেট না থাকলে তোমরা বুঝবে কি করে? না দাদা, ভাবতে না বলে দাও, বন্ধুদের একটু ভাবতে দাও। হ্যাঁ অবশ্যই, বন্ধুদের বেশি কয়েন দিলে তোমরা আবার বেশি সাউন্ড দিলে আবার শুনতে পাবে না। ম্যাচটা পুরোপুরি একদম ফালতু চলে গেল। আমি কিন্তু এই টিমটা যদি আমাদেরকে বলার শর্তেও যদি এই টিমটা 6 রাউন্ড পর্যন্ত ম্যাচ খেলে যদি টিমটা ম্যাচটা হেরে থেকে থাকে তাহলে কিন্তু এরা এই যে গেমটা খেলছে এটা ফালতু। ওকে, তাহলে ওরা এই যে গেমটা খেলছে এদের কিন্তু ফালতু। ব্যাকআপ ফোর্সকে জিতিয়ে দেওয়া হবে যদি প্রুফ পাওয়া যায়, হার্ড প্রুফ, যে অপোনেন্ট 6 রাউন্ড পর্যন্ত গেম খেলেছে। ওকে, ডাবল টেক ডাউন। আমার কয়েন খুবই তাড়াতাড়ি বাড়ছে। হ্যাঁ, খুবই তাড়াতাড়ি বাড়ানোর জন্য এই সিস্টেমটা ইন্দ্রা, যত স্ট্রিম দেখবে তত তোমার কয়েন খুবই তাড়াতাড়ি বাড়বে, খুবই তাড়াতাড়ি বাড়বে। বুঝছি, এত কয়েন কোথায় পেলে? বুঝছি, আমি সবাইকে প্রমিস করেছি 70 লাইক হয়ে গেলে, কমপ্লিট হলে সবাইকে জিএফ দেবো। হ্যাঁ, ইয়ে বাদ, কোন টিমটা ফালতু? ফালতু কোনো টিম নয়, দুটো টিমই ভালো টিম, বাট দ্বিতীয় সেমিফাইনালটায় আমি ওবিতে আসতে পারিনি। ওবিতে আসার আগে ম্যাচটা স্টার্ট হয়ে গেছিলো এবং তার কারণে দুটো টিমকেই মেসেজ করা হয় যে দাদা তোমরা তোমাদের প্লেয়ারটাকে ব্যাক করিয়ে নাও, আবার ফের এই ম্যাচটা রিম্যাচ করানো হবে। কিন্তু আমাদের কাছে প্রুফ একই, কী ইউজ করেছে এটা, কী ইউজ করেছে এটা? ডিসকোয়ালিফাই টিম সোজাসুজি ডিসকোয়ালিফাই। এটা কি ইউজ করেছে? বম ইউজ করেছে, বম ইউজ করেছে, টিম ডিসকোয়ালিফাই, টিম ডিসকোয়ালিফাই। এক সেকেন্ড,
বনফায়ারের ছুট দিয়েছি বলে এরা যা পাচ্ছে তাই মারছে। মগের মুল্লুক পেয়েছে, মগের মুল্লুক পেয়েছে এরা। অপশান দিয়েছে শুধু বনফায়ারটা, তাও বনফায়ার আমরা ইউজ করতে দিতাম না, বাট ওটা ছাড় রেখেছি যাতে একটু হেলথ ফেল বাড়লে খেলাটা দেখতে ভালো লাগে। দাদা ওদের ফোন করে বলতে ওরা গেম থেকে বেরিয়ে এসেছে, কিন্তু কল রাউন্ডে বেড়ে গেছে এটা বলতে পারে না। তোমাদের টিম সিরাজুল শেখ, তোমাদের প্লেয়ার বম মেরেছে দাদা ম্যাচের মধ্যে। সিরাজুল, তোমাদের প্লেয়ার বম মেরেছে ম্যাচের মধ্যে। ওই টিমটা চিটিং করেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, টেনশন নেই ইন্দ্রা, জলদি ওয়াহ সে হাঁটো। দশটা ডুবুরি পাঠিয়েছি কিন্তু এখনও কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। কোনটা পানিতে পড়ে গেছে এখনও খুঁজে পাইনি আমি, কী পানিতে পড়ে গেছে। সবুজ, আমার বাড়ি কলকাতাতে দাদা। মুকেশের টিম ডিসকোয়ালিফাই। হ্যাঁ মাকসুদ, হ্যাঁ হ্যাঁ রাজীব আর মাকসুদ, এর ভেতরে যে কোনো একজন ওটা ছুঁড়েছে। ফ্রিজ, হ্যাঁ ফ্রিজ মেরেছে, এর মধ্যে যে কোনো একটা টিম। যা ইচ্ছা তাই করবে দাদা, রুলস জেনে নিয়ে নাও তোমরা। আনলিমিটেড খেলায় যা ইচ্ছা তাই তো ইউজ করা যায় না। যাই হোক, বেশি কথা আমি বাড়াবো না, বেশি কথা বাড়াবো না, আমার ম্যানেজমেন্ট দেখে দেবে। কারণ নজর না লেগে যায়। হ্যাঁ এ ভি এক আচ্ছি বাত হ্যাঁ, কারণ নজর না লেগে যায় ডেজার্ট লাগানে কি কোশ্চেন ভার্সেস। এমনিতেও এদের সেই মোটামুটি দেখতে পাচ্ছি না, এমনিতেও সে দেখতে পাচ্ছি না। দাদা আমার জিএফ পানিতে পড়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ক্যামেরাম্যান জলদি ফোকাস করো। হ্যাঁ ফোকাস কর লিয়ে, ফোকাস কর লিয়ে হ্যাঁ, কোই বাত নেই। এ তুমি খুব আচ্ছা, তারপর দেখছি। फाइनल मैच जल्दी क्रिएट किया जाएंगे, फाइनल मैच जल्दी क्रिएट किए जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। प्लेयरों को समझा देने की कोशिश कीजिए यार। नया जो चीज़ गरीना के तरफ से अपडेट मिला है, गरीना के तरफ से नए जो अपडेट मिला है वो अपडेट की वजह से ये सारी चीज़ हो पा रही है। लेकिन आपको सावधान से गेम खेलनी है यार, आपको सावधान से गेम खेलनी है। ऐसे ही नहीं आके जो है, अगर जो चीज़ मिल जाए उसको फेंकनी है यार, छोड़िए जो भी हो। अच्छे अच्छे प्लेयर थे, अच्छे गेम दिखा रहे थे। फर्स्ट मैच में बहुत ही बेहतर गेम दिखा रहे हैं। शायन कॉइन नहीं पॉइंट्स दिखिए। उसी के साथ ख़त्म। वैसे भी जो है मुकसेद तुम्हार भाई, ऊपर पिन कमेंट देखिए पुरानो कॉइन जानर जोनो एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स लिखो, पॉइंट्स शान एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स लिखो पुराना, जब तक है जान जाने जहां मैं नाचूंगी। हाँ नाचिए इंद्रा, अब नाचिए, हम देखेंगे। फाइनल मैच कराएंगे जल्द से जल्द और ख़त्म करेंगे आज के स्ट्रीम। फाइनल मैच कराएंगे और आज के स्ट्रीम ख़त्म करेंगे। हाँ তাই ডুবুরি পাঠিয়েছি কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না, কেউ একটা উপায় বার করে যেন আমি খুঁজে পাই। আচ্ছা আমি যাবো না গ্রুপে, তুমি আমার মানে যাবিও।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी फाइनल मैच की ओर बढ़ेंगे, और ज़्यादा एनर्जी नहीं है, फिर कल आएंगे वन वर्सेस वन का मैच लेके, जल्दी फाइनल मैच की ओर बढ़ेंगे। वैसे ही हाँ शाहिल गेमर कैसे है बताइए, सब कुछ ठीक ठाक? हाँ ये चीज ये देख पाए है शायन, शायन देखे है, शायन देखे है, আমি একটা পিসি কিনেছি কিন্তু ভালো করে খেলতে পারি না, আমিও পারি না দাদা, আমি নিজেই খেলতে পারি না। ইন্দ্রা প্লিজ কেউ একটা উপায় বার করো, আমার কাছে কি উপায়, কি উপায় বার করি, জাল ফেলো জাল, প্রেমের জাল ফেলো ঠিক খুঁজে পেয়ে যাবে সেনুর, প্রেমের জাল ফেলো ঠিক খুঁজে পেয়ে যাবে। একটা মেয়ে দেখে এত याद से फाइनल मैच की ओर बढ़ेंगे, ज़्यादा वक्त ना जाया करके फाइनल मैच की ओर बढ़ेंगे, फाइनल मैच एक मिनट। দাদা আমার চা চাই না কফি চাই? হ্যাঁ এসেছে এসেছে এসেছিল, পুচি ওপরে স্ক্রল করো, তুমি যখন সর্বপ্রথম মেসেজ করেছিলে তুমি কমেন্টের দিকে দেখলে তোমার চা কফি দিয়েছিল দিয়েছিল। আচ্ছা চা চাই না, গ্রিন টি, গ্রিন টি নেই, বাঙালি টাইপ করা ইংলিশের বাজি দিল। ১২:৩৯ বাজি দিল। নিমাই বিরা তোমার ये बात भी है। ओके फाइनल मैच की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, आप लोग बने रहिए फाइनल मैच की ओर बढ़ेंगे। आज बहुत सारा लेट हो चुका है यार, इतना लेट नहीं करनी थी, स्ट्रीम को ख़त्म करनी है, और एनर्जी नहीं है, हमें सोना है यार। शोम वर्ल्ड दादा 5 मिनट पर तुम्हें ওটা করবে তো দেখবে ভালো হবে তোমার কয়েন অন, 5 মিনিট পর কয়েন অ্যাড হবে দাদা, 5 মিনিট পর করতে থাকো। Those deep fried chicken wings from last night. Starving. Okay. দাদা ফাইনাল খেলাটা কতটা লেট হবে, খেলা দেখবো বলে এখনো জেগে আছি, এখনই হবে আবুল বাশার শিকারি, এখনই ফাইনাল খেলা হবে। কিসের উপায় ভাই, কি হয়েছে? সানিউলের গার্লফ্রেন্ড হারিয়ে গেছে, পানিতে পড়ে গেছে, তাই খুঁজে বার করবে তাই উপায় খুঁজছে ফিনিক্স। আমার কোনো প্রবলেম নেই, সারা রাত আমি আছি। আচ্ছা বস, ওকে বস ইন্দ্রা জরুর। কয়েন না সায়ন, আবার একই জিনিস ভুল। আরে পয়েন্ট ইয়ার, পিন কমেন্টে লিখে দিয়েছি, তোমরা শিক্ষিত ছিল দাদা। আমি হ্যাঁ 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 ফাইনাল খেলা দাদা, আমি ফাইনাল খেলা দেখব বলে আমি গার্লফ্রেন্ডের ফোনে ফোন ঝগড়া করে কেটে দিলাম। হাই সালা আবুল বাশার, এত বড় কাজ তোমার জন্য, তো ফাইনাল অবশ্যই দেখাতে হবে, ফাইনাল তোমাকে অবশ্যই দেখাতে হবে, জাস্ট মিনিট তোমাকে ফাইনাল দেখাবো।
বেশি কোণের অপেক্ষা নাই, ফাইনাল তোমাকে আমি দেখাবো, ফাইনাল তোমাকে আমি দেখাবো, বেশি কোণের অপেক্ষা নাই। ফাইনাল তোমাকে আমি দেখাবো, বেশি কোণের ये बात। अच्छा पूरा पानी खाली कर दाओ भाई, तुम्हार जिए फिर पूरा फैमिली देखते पे जाबे। हाँ यही तो अनेक कौन पर एक उपाय पे चे, अनेक कौन पर एक उपाय ऐसे। কেন্দ্র সিনেমার চ্যানেলের লাস্ট পর্যন্ত থাকার জন্য, হ্যাঁ জরুর জরুর। হ্যাঁ দাদা কল এসেছিল কিন্তু গ্রেনেডটা ওরা মেরেছে, আমাদের কাছে ভিডিও আছে, পাঠাও। যে মেরেছে সেই টিম ডিসকোয়ালিফাই হয়ে যাবে। যদি আমার দেখতে ভুল হয় তো ভালো কথা, তোমাদের কাছে ভিডিও আছে যেহেতু তোমরা ভিডিওটা পাঠাও। যদি অপোনেন্ট মারে তো অপোনেন্টের টিম ডিসকোয়ালিফাই, ঠিক আছে? যদি অপোনেন্ট টিম মেরে থাকে মানে যে এই গ্রানাইট এই কাজটা করেছে সেই টিমটা ডিসকোয়ালিফাই। তোমাদের কাছে যদি প্রুফ থাকে অবশ্যই তোমরা নিয়ে আসবে, অবশ্যই তোমরা নিয়ে আসবে। সিরাজুল শেখ তুমি অবশ্যই প্রুফটা নিয়ে ম্যানেজমেন্টের সাথে কথা বলো। যদি অপোনেন্ট মেরে থাকে ওই রাউন্ডের আমরা স্ক্রিন রেকর্ড দুটো প্লেয়ার কাছ থেকেই নেব, আমি বলে দিচ্ছি। তাও চতুর্থ রাউন্ডের স্ক্রিনশটটা চারটে চারটে প্লেয়ারই আমাদেরকে দেবে। চতুর্থ রাউন্ড ইয়ানি চার রাউন্ড পরে যে স্ক্রিনশটটা আমি তো বলে দিচ্ছি, মার্স ইলেকট্রিকের রাউন্ড যেটা, সম্ভবত ম্যাপটা হচ্ছে মার্স ইলেকট্রিকে। হ্যাঁ হ্যাঁ মার্স ইলেকট্রিকে যে রাউন্ডটা খেলেছো তোমরা দুজনই তোমরা স্ক্রিন রেকর্ড ভিডিওটা দুটো টিমেরই স্ক্রিন রেকর্ড ভিডিও আমাদের ম্যানেজমেন্ট টিমের কাছে পাঠিয়ে দাও, এখনই পাঠিয়ে দাও। কয়েন নেই ফিনিক্স, পয়েন্ট জানিয়ে পয়েন্ট ফিনিক্স, কয়েন কা মামলা না লিখে দেখে। আরে আর আপ লোক পিন মেসেজ কিউ নেহি পড়তে হ্যায় জি, হর চিজ পে ফলো করনে কি কোশিশ কিজিয়ে। ফিনিক্স পয়েন্ট লিখিয়ে, এক্সক্লেমেশন পয়েন্টস, POINTS। স্ট্রিম ল্যাবটা কে বলো তো, ওটা একটা সাইট দাদা, ওটা একটা সাইট দাদা। আমার গার্লফ্রেন্ডের ফোন করেছি, তোমার ফাইনাল খেলা দেখা বন্ধ, ফোন তুলবো না দাদা। আমার গার্লফ্রেন্ডের ফোন করেছি, তোমার ফাইনাল খেলা না দেখে বন্ধ, আমি ফোন তুলবো না। আচ্ছা 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 আচ্ছা, ফাইনাল খেলা না দেখা হলে তুমি গার্লফ্রেন্ডের ফোন তুলবেই না, ধন্যবাদ। না না হারাবে না, আবার চলে আসবে। আমি কয়েন এবং পয়েন্ট দুটো দেখেছি। আচ্ছা কয়েন পয়েন্টটা বন্ধ করে দিয়েছি, অনলি কয়েন্স এক্সক্লেমেশন কয়েন্সটা বন্ধ করে দিয়েছি, শুধুমাত্র পয়েন্টস লিখবে, এক্সক্লেমেশন পয়েন্টস লিখবে। পুরনো তোমার খাতাতে যা আছে সেগুলো তুমি পেয়ে যাবে, ওকে? ফিনিক্স তুমি দেখেছো তোমার পুরনো খাতাতে কত আছে, এবং আমি দিয়েও দিয়েছি প্রত্যেক 5 মিনিট পর পর আপডেট হতে থাকে এবং কয়েন তোমাদের খাতাতে অ্যাড হতে থাকে। আমি থোড়া সা ওয়েট কিজিয়েগা, প্রুফ আ রাহা হ্যায় দোনো টিমো কি তরফ সে, জো ইয়ে ঘিনোনি কাম কি হ্যায় রুম কে আন্দর বো টিম হোনে ওয়ালে হ্যায় ডিসকোয়ালিফাই, জো ইয়ে ঘিনোনি কাম কি হ্যায়, এক্সক্লেমেশন পয়েন্টস ऊपर लिखा हुआ है, देखिए जैसे लिखा हुआ है एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स, ऐसे लिखिए साहिल गेमर डिड मैन हाउ मच विनिंग जस्ट मिनट, हाउ मच विनिंग का मीनिंग क्या होते हैं, हम इंग्लिश में थोड़ा सा कच्चा है यार,
तो इसीलिए हमें जाननी होगी। कॉल आ रहा है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट।
या तो एक चीज़ यार, आप सभी लोगों को कह देते हैं प्रॉब्लम जाके, जब एक छोटी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो उसको लेके बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो दोनों टीमों ने जो है अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस, छोटी मोटी है समस्या हुआ है। तो आज का ये फाइनल मैच, बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज का फाइनल मैच नहीं होने वाला है दोस्त। आज का फाइनल मैच कल लाइव स्ट्रीम में आके हम करा देंगे। तो आज की स्ट्रीम यहीं पे ख़त्म होने वाले है, आज का स्ट्रीम यहीं पे ख़त्म होने वाले है दोस्तों, क्योंकि आज का जो फाइनल मैच होने वाला था तो एक प्रॉब्लम की वजह से उसको कल शिफ्ट किया गया है। फाइनल मैच आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, कल मिलेगा। तो मिलते हैं फिर कल एक और नए स्ट्रीम के साथ, और कल 1 vs 1 का मैच है, तो उतना शायद ही वक्त लगेगा एक फाइनल मैच को कराने में 2v2 का। तो मिलते हैं फिर कल एक और नए स्ट्रीम के साथ, आप सभी लोगों के साथ एक और अच्छा और खुशनुमा पल हमारे ज़िंदगी का बिता चुके हैं हम। कॉइन नहीं, जॉर्डन पिकिंग पॉइंट लिखिए यार, पॉइंट लिखिए, पॉइंट ऊपर मैसेज को पढ़ने की कोशिश कीजिए, जॉर्डन पी ऊपर मैसेज को पढ़ने की कोशिश कीजिए, जो पिन मैसेज में दिया हुआ रहता है उसमें थोड़ा सा जो है नज़र बुलाने की कोशिश कीजिए। এত রাত পর্যন্ত বেকার, আরে আমারও খুবই কষ্ট হচ্ছে বস ইন্দ্রা, আমারও খুবই ইচ্ছা ছিল যে আজকে ফাইনাল ম্যাচটা আমি দেখবো, কিন্তু প্রথমত প্রথম ভুল হয়েছে আমাদের কাস্টম ক্রিয়েটারের জন্য। বাট অনেকটা একটা বিষয় এখানে অনেক হয়ে গেছে, তো আমি সেই বিষয় নিয়ে আর বেশি কথা বলতে চাই না। কাল সাহিল গেমার কিতনা বাজে হোগা वो आपको, अगर आपकी टीम है तो बता दिया जाएगा। अगर आप पूछ रहे हैं कि कल लाइव कितने बजे होगा, तो कल 8 बजे से हम लाइव में आने वाले हैं, तो आ जाएंगे फिर लाइव में एक और 1 vs 1 का मैच लेके। এই খেলা কি হলো, এই খেলার বিষয়টা সেটা না জানলেই ভালো, বাকি ফাইনালটা তোমরা কালকে অবশ্যই দেখতে পাবে। তো আবারও এখনও এর কোনো সমাধান হয়নি সোমেন মাঝি, এখনও এর কোনো সমাধান হয়নি, এর সমাধান আবার করা হবে, এর সমাধান এখনো হয়নি নিমাই বিরা, এর সমাধান করিয়ে দেওয়া হবে, সমস্যা নেই। কাল কটার সময়? কালকে 8টা থেকে আমরা আবার লাইভে আসব দাদা, কালকে টাইম বলো। আরে 8টার সময় বললাম তো, আর যদি এই ফাইনাল খেলার কথা বলো, সেটা কালকে যাদের টিম আছে তারা তাদেরকে টাইম জানিয়ে দেওয়া হবে, এবং আমি লাইভে এসেও কালকে বলে দেবো। তো আবারও আরো একবার বলে দিই, নতুন অনেক সিস্টেম, তোমরা নিজেদের কয়েন এখন নিজেরাই জানতে পারছো, আর আমাকে জ্বালাতেও না তোমরা অবশ্য কম করবে। আর তারপর থেকে এখন থেকে ধরো প্রেডিকশনটা আমরা বন্ধ করেছি, কেননা ওখানে অনেক ম্যানুয়ালি খাটতে হয়, আর আর হ্যাঁ হ্যাঁ সোমেন মাঝি করে দাও, এবং তোমাকে ফোন করে জানিয়ে দেবে আমার ম্যানেজমেন্টের টিম, সমস্যা নেই। আর আবারও কালকে দেখা হবে, কথা হবে, কয়েন গেইন করা হবে, তোমরা কয়েন গেইন করতে থাকো। আর কয়েন জানার জন্য এক্সক্লেমেশন পয়েন্টস লিখবে দাদা, তাহলে তোমার আসল পুরনো খাতাতে কত কয়েন আছে তোমরা জেনে যাবে। এক্সক্লেমেশন পয়েন্টস লিখবে তোমরা, তোমাদের পুরনো খাতাতে কত কয়েন আছে সব জেনে যাবে। সবাই জেনে যাচ্ছে কয়েন, সবাই তো জেনে যাবে। তো তার জন্য তো সবই কো সাবধান রয়েগা, সতর্ক রয়েগা, আর হমেশা হমারে সাথ বনে রয়েগা। মিলতে হবে কাল এক নয় স্ট্রিম কে সাথ, লাভ ইউ অল, গুড নাইট, এন্ড জয় হিন্দ সবই কো।